हेलो दोस्तों आपका मेरी चैनल में स्वागत है तो दोस्तों आज के वीडियो में हम जिस फिल्म के ऊपर बातचीत करने वाले हैं उसका नाम है यारिया टू तो ये फिल्म कैसे कहाँ पे आपको ऑफिशियली देखने को मिलेगी उसकी जानकारी दूंगा फिल्म से जुड़े इंटरेस्टिंग तथ्य जो बातें वो शेयर करने वाला हूँ फिल्म के रिगार्डिंग जितने भी जो इंटरेस्टिंग डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट है वो भी शेयर करूंगा फिल्म का डिटेल रिव्यू दूंगा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के ऊपर एनालिसिस करेंगे प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करेंगे इसके अलावा ये फिल्म एक रीमेक है तो ओरिजिनल रिमेक के बीच में भी थोड़ी चर्चा होने वाली है तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और इंटरटेनिंग होने वाला है वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा तो शुरू करते हैं या टू जो 2023 की के एक इंडियन हिंदी लैंग्वेज फिल्म है फिल्म का जो है कमिंग ऑफ एज ड्रामा जहाँ पे फिल्म बेंगलोर डेज जो 2014 में आई हुई थी मलयालम लैंग्वेज में वो भी एक कमिंग ऑफ एज रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा फिल्म थी तो उसके रीमेक करके इस फिल्म को बनाया हुआ है वैसे बेंगलोर डेज का तमिल लैंग्वेज में बेंगलोर नाटकल करके भी रीमेक बनाया हुआ था जहाँ पे इस फिल्म का जो मलयालम वर्जन है उसको लिखा और डायरेक्ट किया हुआ था अंजलि मेनन ने स्टोरी आइडिया से लेकर डायलॉग स्क्रिप्टिंग प्ले डायरेक्शन सभी चीजें उन्होंने की हुई थी उसमें उन्होंने नवीन पोली नजरिया नजीम दुलकर सलमान फाद फासिल ईसा तलवार पार्वती थ्री तो नित्या मेनन जैसे एक्टर्स को लिया हुआ था सिर्फ आठ करोड़ के बजट में बनी फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे दो में पैंतालीस करोड़ से ज्यादा का ग्रोस कलेक्शन किया था और बॉक्स ऑफिस पे वो फिल्म काफी बड़ी ब्लॉक साबित हुई थी उसके बाद में उन्होंने इस फिल्म के रीमेक राइट्स थे वो तमिल वर्जन में बेचे जहाँ पे 2016 में इस फिल्म का तमिल रीमेक बना उस फिल्म के लीड रोल में थे उस फिल्म को डायरेक्ट पास करने किया था जहाँ पे लीड रोल में आर्या बॉबी मा श्री दिव्या राणा दघुबती पार्वती तिरुवती राय लक्ष्मी परिसा लक्ष्मी प्रकाश राज और समन्ता का केम्यो था बॉक्स ऑफिस पे उस फिल्म ने अट्ठारह करोड़ के बजट के सामने तीस करोड़ का क्रॉस कलेक्शन किया और तमिल वर्जन भी एक सक्सेसफुल वर्जन साबित हुआ था उसके बाद में 2023 में इस फिल्म का हिंदी रिमेक बनाया गया जिसका नाम रखा हुआ है यारिया टू वैसे यारिया जो फ्रेंचाइज है पहला पार्ट भी 2014 में ही आया था जहाँ पे उस फिल्म के साथ खोसला जो है फिल्म की डायरेक्टर यानी कि दिव्या खोसला कुमार उन्होंने इस फिल्म के साथ डायरेक्शन न संभाला था दस करोड़ के बजट में बनी फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे कुछ पचास करोड़ से ज्यादा का, का कलेक्शन किया था बॉक्स ऑफिस पे यार का पहला पार्ट सक्सेसफुल रहा था जहाँ पे हिमांश कोहली राकुल प्रीत सिंह एविलियन शर्मा और निकोल फेरिया जैसे एक्टर्स लीड रोल में थे और उसके बाद में उन्होंने दो में एक रीमेक फिल्म बनाने का फैसला लिया जहां पे स्टोरी वाइज कोई कनेक्शन नहीं है और इस इस बार दिव्या खोसला कुमार खुद फिल्म में एज एक, एक्टर के तौर पे जुड़ी जहां पे फिल्म को लिखा और डायरेक्ट किया हुआ है राधिका राव और विनय सपरू ने जिन्होंने इससे पहले कई फिल्मों को डिरेक्ट किया हुआ था साथ ही में जहाँ पे एज ए डिरेक्टर के तौर पे सनम तेरी कसम आई लव और लकी नो टाइम फॉर लव जैसी फिल्मों को उन्होंने डायरेक्ट किया हुआ था इस फिल्म का भी स्टोरी आइडिया डायलॉग स्क्रिप्टिंग स्क्रीन प्ले डिरेक्शन वो सभी चीज़ें उन्होंने ही की हुए वैसे ओरिजिनल स्टोरी तो अंजलि मेनन की ही थी लेकिन उसके ऊपर जो हिंदी नेरेशन है वो उन्होंने क्रिएट किया था हिंदी स्क्रीन प्ले उनके द्वारा लिखा गया था जहाँ पर इस फिल्म को प्रोड्यूस करते हुए नजर आए आयुष महेश्वरी कृष्णा कुमार दिव्या खोसला कुमार भूषण कुमार जिसको प्रोडक्शन कंपनीज जैसे कि राव एंड सप्रो फिल्म टी सीरीज फिल्म बी एल एम मौसम पिक्चर्स प्रोडक्शन कंपनी के नीचे फिल्म को प्रोड्यूस किया गया सेंसर बोर्ड की तरफ से इस फिल्म को यूएस सर्टिफिकेट मिला जहां पे का कमान था वो रन टाइम एक, हुई थी। फिल्म, का एक 148 था। दो फिल्म थी जिसको एडिट किया हुआ था अभिषेक कुमार सिंह ने सिनेमेटोग्राफी थी और रवि यादव ने की हुई थी रोल में दिव्या घोसला कुमार पलवी पूरी मिजान जाफरी अनस्वरा राजन भाग्यश्री बोरसे और वरीना हुसैन जैसे एक्टर्स देखने को मिले जहाँ पे इस फिल्म की म्यूजिक डिपार्टमेंट में भी अलग अलग म्यूजिक कंपोजर और सिंगर से जहाँ पे बैकग्राउंड होता था जय मेट ने कंपोज़ किया हुआ था म्यूजिक के रेट टी सीरीज वालों ने अपने ही पास रखे हुए थे जब इस फिल्म का पहला साउंड ट्रैक रिलीज किया गया था वो करीबन पैंतीस मिनट का था जिसमें करीबन आ, कुछ गाने थे लेकिन उसके बाद में उन्होंने एक सेकंड साउंड ट्रैक जो रिलीज किया हुआ था वो साउंड ट्रैक काफ़ी बड़ा था तो वो साउंड ट्रैक करीबन एक घंटे ग्यारह मिनट सेतालीस सेकंड का था तो उसके ऊपर बातचीत करें तो ट्रैक लिस्टिंग का थे पहला गाना सोरेगर जिसको गाया हुआ था विशाल मिश्रा मनन भारद्वाज नीति मोहन उसका म्यूजिक और लिखावट था मनन भारद्वाज ने दिया था दूसरा गाना सिमरुन तेरा नाम उसको सचिन टंडन ने गाया था म्यूजिक मनन भारद्वाज का था और लिरिक्स भी उन्होंने लिखे हुए थे ऊँची ऊंची दीवारें गाने को अरिजीत सिंह ने गाया मनन भारद्वाज ने म्यूजिक दिया लिरिक्स भी मनन भारद्वाज के ही थे ब्लू है पानी पानी तो वो जो गाना था वो रिक्रिएट किया गया था इस फिल्म के लिए जिसको नेहा कक्कर अरिजीत सिंह ने गाया था खाली पी हनी सिंह ने उसको लिखा और म्यूजिक दोनों दिया हुआ था बे वफात वो गाने को जुबिन नोटियाल ने गाया था मनन भारद्वाज ने म्यूजिक दिया था मनन भारद्वाज रहीमसाह और शमसुल हसन शैम्स उन्होंने इस गाने को लिखा हुआ था सूट पटियाला गाने को म्यूजिक दिया हुआ था मनन्त भारद्वाज ने गाया हुआ था गुरु रंधावा नेहा कक्कर मनन्त भारद्वाज और लिरिक्स भी मनन भारद्वाज की ही थी हीर भी रोए गाने को तो वो लिखा हुआ था परम्परा टन सॉरी गाया हुआ था परम्परा टंडन ने और लिरिक्स से वो मनन भारद्वाज के थे म्यूजिक भी उनका ही था ठीक उसी तरह पीने दे गाने के भी लिरिक्स और म्यूजिक उन्होंने ही क्रिएट किए हुए थे और मास्टर सलीम और मिलिंद गाबा के द्वारा वो गाना गवाया गया था सनी सनी जो ब्लू है पानी पानी वाला था उसका एक और वर्ज़न फिल्म में था सनी सनी टू पॉइंट ओ जिसका जो सिंगिंग है वो काम संभाला हुआ था यो हनी सिंह नेहा कक्कर ने खाली पर यो हनी सिंह के द्वारा उन गानों को लिखा और कंपोज़ किया गया था खोसा गया हूँ गाने को यो, यो हनी सिंह मनन भारद्वाज ने म्यूजिक दिया हुआ था उन्होंने ही गाया हुआ था नेहा कक्कर ने इसमें लेडीज़ का वर्ज़न गाया हुआ था आजा मेरी जान करके जो गाना था वो भी इस फिल्म में एक करीबन का ग्यारहवा ट्रैक था जिसको मयूरपुरी ने लिखा हुआ था डीजे जे फुकान और आर डी बर्मा ने उसको म्यूजिक दिया था मोली दवे ने गाया हुआ था फुल्स गेम को आरो वेलनकर ने गाया हुआ था राधिका सराव और विनय सप्रू जो फिल्म के डायरेक्टर है उन्होंने इसमें लिरिक्स और कंपोजिशन की हुई थी तेरी लोद नहीं करके जो रब्बा वाला जो गाना था उसको अभिजीत वाघानी ने म्यूजिक दिया हुआ था इंदर चहल आशीस कौर ने गाया हुआ था देव कोहली और कुमार ने उसको लिखा हुआ था चाहता यानी कि दर्द करके जो दो अलग अलग टाइटल दिया हुआ है लेकिन गाना एक ही है उसको अभिजीत तो वाघानी ने म्यूजिक दिया हुआ था जोर्डन संतु पलक मच्छल ने गाया था निर्माण ने उसको लिखा हुआ था और ही चिरैया गाने को राम संपत ने म्यूजिक दिया था सवानंद किरकि ने लिखा हुआ था मृिंग क्या भट्टाचार्य जिन्हें उसको गाया हुआ था रोहिना यानी कि माही वे जो गाना था उसको भी निर्माण ने ही लिखा हुआ था कनिका कपूर और निंजा ने गाया हुआ था अभिजीत वाघानी ने उसका म्यूजिक दिया हुआ था सेट मी फ्री गाने को तो गाया हुआ था मृगंका भट्टाचार्य जी ने और विनय सप्रू राधिका राव के द्वारा उस गाने को कंपोज किया गया था और लिरिक्स भी उन्होंने ही लिखे हुए थे दिन सगनादा गाने को जसलिन रॉयल ने गाया हुआ था कंपोजिशन भी उनकी थी लेकिन लिरिक्स थे और नीरज राजवत ने लिखे हुए थे चांद कित्ता करके जो गाना था यानी कि मेरे सोनिया उसको लिखा हुआ था इर्सा कामिल कुमार ने और उसके बाद में उसको वाघाणी अभिजीत ने उसको गाया म्यूजिक दिया हुआ था कौर भी और अखिल सदेवा ने उसको गाया हुआ था तो इस तरह से उन्नीस ट्रैक थे जिसकी लेंथ थी एक घंटा ग्यारह मिनट सेतालीस सेकंड एक इस फिल्म का एक गाना एक पहले फास्ट साउंड ट्रेक वर्जन रिलीज़ किया गया था पैंतीस चालीस मिनट का वो चौबीस सितंबर 2023 को टी सीरीज़ के द्वारा रिलीज़ करवाया गया उसके बाद में ये उन्नीस ट्रैक वाला जो वर्जन है वो सेकंड साउंड ट्रेक के तौर पर चार नवंबर दो को रिलीज़ किया जिसके चलते टोटल अभी उन्नीस गाने अगर आपको फिलहाल में ऑफिशियली सुनना है तो टी सीरीज़ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर सुन सकते हो वैसे इस फिल्म के रिगार्डिंग थोड़ी बहुत कॉन्ट्रोवर्सीज भी हुई थी जो सिख कम्युनिटी है उसको जिस तरह से इसमें प्रेजेंट किया गया था कुछ ऐसी चीज़ें थी जो अन इंटेंशनली मेकर्स का कहना था कि वो रिलीजियस सेंटिमेंट को हर्ट कर रही थी इसके वजह से उन्होंने वो उन उन लोगों से माफ़ी भी मांगे और उसके बाद में उस उसे को रिमूव भी कर दिया था फिल्म से वैसे इस फिल्म की कास्टिंग के ऊपर बातचीत करें तो फिल्म का जो लीड रोल किरदार यानी कि लाडी चिब्बर लाडी सिंह कतियाल वाला जो रोल था जो अबई की वाइफ का रोल था वो दिव्या घोसला कुमार ने प्ले किया हुआ था लाडी के हस्बैंड अभय सिंह कत्याल के रोल में यासदास गुप्ता देखने को मिलेंगे बज्जू यानी कि बजरंग दास खत्री जो लादी का कजिन था उसका रोल पलवी पूरी ने किया हुआ है प्ले लादी के एक और कजिन थे जो एक मोटो क्रॉस रेसर और पिज्जा डिलीवरी बॉय थे जिसका नाम था शिखर रंधावा उसका रोल प्ले किया हुआ है मिजान जाफरी ने इखरू अवस्थी या रू का रोल था वंशवारा राजन ने प्ले किया हुआ जो एक ट्रेन टिकट काउंटर थे और शिखर का लव इंटरेस्ट थी लेटर ऑन उनकी वाइफ भी बन जाती है राजी का जो रोल था राजी लक्ष्मी करिप्पया जो एक पेंटर थी अभिया की लेट गर्लफ्रेंड थी वो रोल प्ले किया हुआ भाग्यश्री बोर्से ने इसके अलावा इस फिल्म में आपको बज्जू के साथ एक ब्रीफ एनकाउंटर देखने को मिलता है एक एयर होस्टेस का जिसका नाम था सोना वो रोल वरीना हुसैन ने प्ले किया हुआ है कर, मिस्टर करियप्पा जो राजलक्ष्मी के फादर का नाम था वो रोल मुरली शर्मा ने प्ले किया हुआ है इसके अलावा इस फिल्म में आपको देखने को मिलते हैं राज लक्ष्मी के माँ के रोल में मिस करियप्पा का जो रोल था वो प्ले किया प्यो मोरी मेहता घोस ने इसके अलावा मिस टिब्बर जो लाडी की माँ का रोल था वो प्ले किया लिलिटिन दुबे ने इसके अलावा बज्जू के ऑफिस बॉस का जो रोल है वो सुधीर पांडे ने प्ले किया हुआ था बज्जू ऑफिस के बॉस के भाई का जो रोल था छोटे भाई का रोल वो प्ले किया हुआ था ऋतुराज सिंह ने और इस फिल्म में आपको सीरा के रोल में साक्षी प्रधान देखने को मिलती है जो एक रू की सिस्टर और फीमेल लोको पायलट का रोल प्ले करती हुई नज़र आई है सूट पटियाला गाने में लाडे के फ्रेंड और उसके हस्बैंड का जो रोल है इस फिल्म में आपको मानसी मोग और करण सिंह छाबरा प्ले करते हुए नजर आएंगे सिद्धार्थ मेनन जो इस फिल्म में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हुए नजर आते हैं जहाँ पे उन्होंने एक सिंगर का रोल प्ले किया हुआ है जो बचपन से लाडी से प्यार करता हुआ नजर आता है और वो उनके सुट पटिया लगाने में डांस पार्टनर भी रहे हरमनजीत सिंह इस फिल्म में एक अपोजिट मेंबर के अपोजिट टीम के मेंबर के तौर पे दिखाई देते हैं और शिखर का राइवल का रोल प्ले किया हुआ है रूहू की कलिक फ्रेंड का रोल आकांक्षा सिंह ने प्ले किया हुआ है सोना के बॉयफ्रेंड के रोल में अक्षित सुखी जा देखने को मिलते हैं ब्यूटी कंटेस्ट एंकर का जो रोल है वो द्राक्ता जी ने प्ले किया हुआ है इसके अलावा इस फिल्म में बाजू की माँ का जो रोल है वो प्ले किया है उषा सुब्रमण्यम ने देवी की जो बज्जू के वाइफ का रोल था वो प्रिया प्रकाश वोरियर ने प्ले किया हुआ है तो वो एक केमियो रोल था तो इस तरह से ये आर्टिस्ट थे जिन्होंने इसमें महत्वपूर्ण रोल प्ले किए हुए इस फिल्म की अनाउंसमेंट 2022 में की गई थी पहले इस फिल्म के राइट्स लिए गए थे 2022 के स्टार्टिंग में उसके बाद में अक्टूबर 2022 में फिल्म को वैसे अनाउंस भी किया गया था जहाँ पे जब राइट्स लिए गए थे उसके कुछ समय के बाद कास्टिंग कंप्लीट करवाई गई थी उसके बाद में इस फिल्म को जून 2022 में शिमला में हिमाचल प्रदेश में शूट करना स्टार्ट किया गया था उसके बाद में उस शेड्यूल को कंप्लीट करवाने के बाद आ, उसका नेक्स्ट शेड्यूल था वो मुंबई में रखा हुआ था जहाँ पे इस फिल्म को चारने रोड रेलवे स्टेशन ओवरब्रिज में भी शूट किया हुआ था उसके बाद में कुछ पार्ट वाइज फिल्म के अलग अलग शेड्यूल्स थे वो यूके में भी शूट किए गए थे उस शेड्यूल्स के दौरान एक सिक्वंस एक, एक सन सिकवंस के दौरान दिव्या खोसला कुमार भी इंजर हुई थी जिसके चलते वो फिल्म की शूटिंग रुकी थी उसके बाद में इस फिल्म के कुछ फाइनल सीन्स थे उसको बेंगलुरु में शूट किया था मुंबई में कुछ वर्क का काम भी चला था उसके बाद में इस फिल्म की फिल्मिंग पूरी तरह से कंप्लीट करवाई गई थी जब फिल्म को अनाउंस किया गया था अक्टूबर दो को तब ऑफिशियली इस फिल्म की जो रिलीज़ डेट थी वो मई दो के अनाउंस की गई थी लेटर ऑन जनवरी दो में टी सीरीज़ जो इस फिल्म के मेकर्स हैं उनकी तरफ रिवील किया गया कि फिल्म अक्टूबर 2023 तक रिलीज़ आन होने वाली अभी फिलहाल में पोस्टपोन की जा रही है उसके बाद में इस फिल्म की जो निर्धारित रिलीज़ डेट निकल के आई थी वो थी 20 अक्टूबर 2023 और 20 अक्टूबर 2023 को फिल्म को रिलीज़ भी किया था क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से एक मिक्स रिस्पॉन्स लेने के साथ इस फिल्म ने आई एम के ऊपर ग्यारह वोट हासिल किए जिसमें छः की रेटिंग हासिल हुई दस में से जहाँ पे इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे भी कुछ ऐसा ही कलेक्शन किया था पहले दिन इस फिल्म ने करीबन पचास लाख का कलेक्शन किया था दूसरे दिन चालीस लाख का तीसरे दिन भी चालीस लाख का कलेक्शन किया तो फ्राइडे सैटरडे संडे तीन दिनों का कलेक्शन करीबन एक करोड़ तीस लाख का नेट कलेक्शन इंडिया से निकला पूरे वीक में भी ऐसा ही कमाल रहा फिल्म का बीस लाख अट्ठारह लाख सत्रह लाख पंद्रह लाख जैसा कलेक्शन किया सात दिनों में फिल्म किसी तरह से दो करोड़ के आसपास पहुंची दूसरे वीक में फिल्म पूरी तरह से निकल चुकी थी थिएटर्स थी में जहां पे सिर्फ दस लाख का इस फिल्म ने कलेक्शन किया जिसके चलते इस फिल्म का जो इंडिया का नेट कलेक्शन था वो था दो करोड़ दस लाख ग्रोस कलेक्शन था वो दो करोड़ पचास लाख और इसमें तो इस सिर्फ सत्रह लाख का, का कलेक्शन किया जिसके चलते वर्ल्ड वाइड लेवल का जो लाइफ टाइम ग्रोस कलेक्शन था फिल्म का था दो करोड़ सड़सठ लाख इसके चलते इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे एक काइंड ऑफ बॉक्स ऑफिस बॉम्ब टाइप ऑफ कलेक्शन करके दिखाए और इस फिल्म के ओ टी राइट्स पहले ही बेच दिए गए थे जहां जियो सिनेमा के पास थे आपको ऑफिशियली देखना है तो जियो सिनेमा के ऊपर विथ इंग्लिश सब हिंदी वर्जन में देख सकते हो जहां पे फिल्म यार ए टू नाम के साथ फ्री में देखने को मिल जाएगी ठीक उसी तरह इस फिल्म का सेटेलाइट वर्जन है वो आपको बिल्कुल फ्री में प्रीमियर होता हुआ नजर आएगा सोनी क्ट टेलीविजन चैनल के ऊपर एक बार फिर रिपीट कर देता हूं कि यार या टू फिल्म अगर आपने नहीं देखी है या फिर देखना चाहते हो तो इस टेन एल ऑन सिकोल वाली फिल्म को आप ऑफिशियली देख सकते हो उस जियो सिनेमा के ऊपर जहाँ पे फिल्म विथ इंग्लिश सब आपको बिल्कुल फ्री में प्रीमियर होती हुई नज़र आएगी इसके अलावा इस फिल्म का जो हिंदी सेटेलाइट वर्जन है वो आपको देखने को मिलेगा सोनीमैक्स और सोनीमैक्स एच डी चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में तो इस तरह से यार या टू फिल्म आप ऑफिशियली ओटीटी और सैटेलाइट दोनों प्लेटफॉर्म के ऊपर फ्री में एंजॉय कर पाओगे यार या टू जो 2023 हजार की एक इंडियन हिंदी लैंग्वेज फिल्म है फिल्म का जो है कमिंग ऑफ एज ड्रामा जहां पे फिल्म बेंगलोर डेज जो 2014 में आई हुई थी मलयालम लैंग्वेज में वो भी कमिंग ऑफ एज रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा फिल्म थी तो उसके रीमेक करके इस फिल्म को बनाया हुआ है वैसे बेंगलोर डेज का तमिल लैंग्वेज में बेंगलोर नाटकल करके भी रीमेक बनाया हुआ था जहाँ पे इस फिल्म का जो मलयालम वर्जन है उसको लिखा और डिरेक्ट किया हुआ था अंजलि मेनन ने स्टोरी आइडिया से लेकर डायलॉग स्क्रिप्टिंग एक्सन प्ले डिर सभी चीजें उन्होंने की हुई थी उसमें

श्री दिव्या राणा दघुबती पार्वती तिरुवती राय लक्ष्मी परिसा लक्ष्मी प्रकाश राज और का केमियो था बॉक्स ऑफिस पे उस फिल्म ने अठारह करोड़ के के बजट सामने करोड़ का क्रॉस कलेक्शन किया और तमिल वर्जन भी एक सक्सेसफुल वर्जन साबित हुआ था उसके बाद में दो में इस फिल्म का हिंदी रीमेक बनाया गया जिसका नाम रखा हुआ है यारिया टू वैसे यारिया जो फ्रेंचाइज है पहला पार्ट भी 2014 में ही आया था जहाँ पे उस फिल्म के साथ साथला जो है फिल्म की डायरेक्टर यानी कि दिव्या खोसला कुमार उन्होंने इस फिल्म के दिशा डायरेक्शन न संभाला था दस करोड़ के बजट में बनी फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे कुछ पचास करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन किया था बॉक्स ऑफिस पे यार क्या पहला पार्ट सक्सेसफुल रहा था जहां पे हिमांश कोहली राकुलप्रीत सिंह एविलियन शर्मा और निकोल फेरिया जैसे एक्टर्स लीड रोल में थे और उसके बाद में उन्होंने दियारिया टू दो हजार तेईस में एक रिमिक फिल्म बनाने का फैसला लिया जहाँ पर स्टोरी वाइज कोई कनेक्शन नहीं है और इस बार दिव्या खोसला कुमार खुद इस फिल्म में एज एक, एक्टर के तौर पर जुड़ी जहाँ पे चुड़ी फिल्म को लिखा और डायरेक्ट किया हुआ है राधिका राव और विनय सपरू ने जिन्होंने इससे पहले कई फिल्मों को टिर किया हुआ था साथ ही में जहाँ पे एज़ ए डिरेक्टर के तौर पे सनम तेरी कसम आई लव न्यूर लकी नो टाइम फॉर लव जैसी फिल्मों को उन्होंने डायरेक्ट किया हुआ था इस फिल्म का भी स्टोरी आइडिया डायलॉग स्क्रिप्टिंग स्क्रीन प्ले डन वो सभी चीज़ें उन्होंने ही की हुई वैसे ओरिजिनल स्टोरी तो अंजलि मेनन की ही थी लेकिन उसके ऊपर जो हिंदी नेरेशन है वो उन्होंने क्रिएट किया था हिंदी स्क्रीन प्ले उनके द्वारा लिखा गया था जहाँ पे इस फिल्म को प्रोड्यूस करते हुए नजर आए आयुष महेश्वरी कृष्णा कुमार दिव्या खोसला कुमार भूषण कुमार जिसको प्रोडक्शन uh, कंपनीज जैसे कि राव एंड सप्रू फिल्म टी सीज फिल्म बी एल एम मोशन पिक्चर प्रोडक्शन कंपनी के नीचे फिल्म को प्रोड्यूस किया गया सेंसर बोर्ड की तरफ से इस फिल्म को यूएस सर्टिफिकेट मिला जहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन का कमान था वो ए फिल्मों ने संभाला हुआ था यानी कि अनिल थड़ानी ने जिन्होंने एक डिसेंट रिलीज दिलवाई हुई थी फिल्म का रन टाइम एक मिनट था यानी कि दो घंटे अट्ठाईस मिनट लंबी फिल्म थी जिसको एडिट किया हुआ था अभिषेक कुमार सिंह ने सिनेमेटोग्राफी थी और रवि यादव ने की हुई थी रोल में दिव्या घोसला कुमार यश गुप्तास गुप्ता पलवी पूरी मिजान जाफरी राजन भाग्यश्री बोरसे और वरीना हुसैन जैसे एक्टर्स देखने को मिले जहां पे इस फिल्म की म्यूजिक डिपार्टमेंट में भी अलग अलग म्यूजिक कंपोजर और सिंगर से जहां पे बैकग्राउंड था जे मेट ने कम्पोज किया हुआ था म्यूजिक के राइट टी सीरीज वालों ने अपने ही पास रखे हुए थे जब इस फिल्म का पहला साउंड ट्रैक रिलीज किया गया था करीबन पैंतीस मिनट का था जिसमें करीबन आ, कुछ गाने थे लेकिन उसके बाद में उन्होंने एक सेकंड साउंड ट्रैक जो रिलीज किया हुआ था वो साउंड ट्रैक काफी बड़ा था तो वो साउंड ट्रैक करीबन एक घंटे ग्यारह मिनट से इैतालीस सेकंड का था तो उसके ऊपर बातचीत करें तो ट्रैक लिस्टिंग का थे पहला गाना सोरेगर जिसको गाया हुआ था विशाल मिश्रा मनन भारद्वाज नीति मोहन उसका म्यूजिक और लिखावट था मनन भारद्वाज ने दिया था दूसरा गाना सिमरून तेरा नाम उसको सचिन टंडन ने गाया था म्यूजिक मनन भारद्वाज का था और लिरिक्स भी उन्होंने लिखे हुए थे ऊंची ऊंची दीवारें गाने को अरिजीत सिंह ने गाया मनन भारद्वाज ने म्यूजिक दिया लिरिक्स भी मनन भारद्वाज के ही थे ब्लू है पानी पानी तो वो जो गाना था वो रिक्रिएट किया गया था इस फिल्म के लिए जिसको नेहा ककर अरिजीत सिंह ने गाया था खाली पी हनी सिंह ने उसको लिखा और म्यूजिक दोनों दिया हुआ था बे वफा तू गाने को जो भी ने गाया था मनन भदवाज ने म्यूजिक दिया था मनन भदवाज रहीम साहब और समसुल् हसन सेम्स उन्होंने इस गाने को लिखा हुआ था सूट पटियाला गाने को म्यूजिक दिया हुआ था मनन भदवाज ने गाया हुआ था गुरु रंधावा नेहा कक्कर मनन भदवाज और लिरिक्स भी मनन भदवाज की ही थी हिर भी रोए गाने को तो वो लिखा हुआ था परंपरा सॉरी गाया हुआ था परंपरा टंडन ने और लिरिक्स से वो मनन भारद्वाज के थे म्यूजिक भी उनका ही था ठीक उसी तरह पीने दे गाने के भी लिरिक्स और म्यूजिक उन्होंने ही क्रिएट किए हुए थे और मास्टर सलीम और मिलिंद गाबा के द्वारा वो गाना गवाया गया था सनी सनी जो ब्लू है पानी पानी वाला था उसका एक ओवर वर्जन फिल्म में था सनी सनी टू पॉइंट ओ जिसका जो सिंगिंग है वो काम संभाला हुआ था यो, यो हनी सिंह नेहा कक्कर ने खालिफ और यो हनी सिंह के द्वारा उन गानों को लिखा और कंपोज किया गया था खोसा आ गया हूँ गाने को यो यो हनी सिंह मनंद भारद्वाज ने म्यूजिक दिया हुआ था उन्होंने ही गाया हुआ था नेहा कक्कर ने इसमें लेडीज का वर्जन गाया हुआ था आजा मेरी जान करके जो गाना था वो भी इस फिल्म में एक करीबन का ग्यारहवा ट्रैक था जिसको मयूरपुरी ने लिखा हुआ था डीजे जे फुकान और आर डी बर्मन ने उसको म्यूजिक दिया था मोली दवे ने गाया हुआ था फुल्स गेम को आरो वेलनकर ने गाया हुआ था राधिका सजराव और विनय सप्रू जो फिल्म के डायरेक्टर है उन्होंने इसमें लिरिक्स और कंपोजिशन की हुई थी तेरी लोद नहीं करके जो रब्बा वाला जो गाना था उसको अभिजीत वाघानी ने म्यूजिक दिया हुआ था इंदर चहल आशीष ने गाया हुआ था देव कोहली और कुमार ने उसको लिखा हुआ था चाहता यानी कि दर्द करके जो जो अलग अलग टाइटल दिया हुआ है लेकिन गाना एक ही है उसको अभिजीत वाघानी ने म्यूज़िक दिया हुआ था जॉर्डन संतु पलक मच्छल ने गाया था निर्माण ने उसको लिखा हुआ था और ही चिरैया गाने को राम संपत ने म्यूजिक दिया था सवानंद किरकिरी ने लिखा हुआ था मृंग क्या भट्टाचार्य जी ने उसको गाया हुआ था रोहिना यानी कि माही वे जो गाना था उसको भी निर्माण ने ही लिखा हुआ था कनिका कपूर और निंजा ने गाया हुआ था अभिजीत वाघानी ने उसका म्यूजिक दिया हुआ था मी फ्री गाने को गाया हुआ था मृगंका भट्टाचार्य जी ने और विनय सप्रू राधिका राव के द्वारा उस गाने को कंपोज किया गया था और लिरिक्स भी उन्होंने लिखे हुए थे दिन सगनादा गाने को जसलिन रॉयल ने गाया हुआ था कंपोजिशन भी उनकी थी लेकिन लिरिक्स थे और नीरज राजवत ने लिखे हुए थे चांद कितना करके जो गाना था यानी कि मेरे सोनिया उसको लिखा हुआ था इर्सात कामिल कुमार ने और उसके बाद में उसको वाघाणी अभिजीत ने उसको गाया म्यूजिक दिया हुआ था कौर भी और अखिल सदेवा ने उसको गाया हुआ था तो इस तरह से उन्नीस ट्रैक थे जिसकी लेंथ थी एक घंटा ग्यारह मिनट सेतालीस सेकंड एक इस फिल्म का एक गाना एक पहले फास्ट साउंड ट्रैक वर्जन रिलीज़ किया गया था पैंतीस चालीस मिनट का वो चौबीस सेप्टेम्बर दो को टी सीरीज़ के द्वारा रिलीज़ करवाया गया उसके बाद में ये उन्नीस ट्रैक वाला जो वर्जन है वो सेकंड साउंड ट्रैक के तौर पे चार नवंबर 2023 को रिलीज़ किया जिसके चलते टोटल अभी उन्नीस गा, गाने अगर आपको फिलहाल में ऑफिशियली सुनना है तो टी सीरीज़ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर सुन सकते हो वैसे इस फिल्म के रिगार्डिंग थोड़ी बहुत कॉन्ट्रोवर्सीज भी हुई थी जो सिख कम्युनिटी है उसको जिस तरह से इसमें प्रेजेंट किया गया था कुछ ऐसी चीजें थी जो अन इंटेंशनली मेकर्स का कहना था कि वो रिलीजियस सेंटिमेंट को हर्ट कर रही थी इसके वजह से उन्होंने वो उन उन लोगों से माफ़ी भी मांगी और उसके बाद में उस सीस को रिमूव भी कर दिया था फिल्म से वैसे इस फिल्म की कास्टिंग के ऊपर बातचीत करें तो फिल्म का जो लीड लीडर किरदार यानी कि लाडी चिब्बल लाडी सिंह कतियाल वाला जो रोल था जो अबई की वाइफ का रोल था वो दिव्या खोसला कुमार ने प्ले किया हुआ था लाडी के हस्बैंड अभय सिंह कत्याल के रोल में दास गुप्ता देखने को मिलेंगे बज्जू यानी कि बजरंग दास खत्री जो खतरी का कजिन था उसका रोल पलवी पूरी ने किया हुआ है प्ले लादी के एक और कजिन थे जो एक मोटो क्रॉस रेसर और पिज्जा डिलीवरी बॉय थे जिसका नाम था शिखर रंधावा उसका रोल प्ले किया हुआ है मिजान जाफरी ने इखरू अवस्थी या रू का रोल था वंशवारा राजन ने प्ले किया हुआ जो एक ट्रेन टिकट काउंटर थे और शिखर का लव इंटरेस्ट थी लेटर ऑन उनकी वाइफ भी बन जाती है राजी का जो रोल था राज्य लक्ष्मी करिप्पया जो एक पेंटर थी अभिया की लेट गर्लफ्रेंड थी वो रोल प्ले किया है भाग्यश्री बोर्से ने इसके अलावा इस फिल्म में आपको बज्जू के साथ एक ब्रीफ एनकाउंटर देखने को मिलता है एक एयर होस्टेस का जिसका नाम था सोना वो रोल वरीना हुसैन ने प्ले किया हुआ है कर, मिस्टर करियप्पा जो राज के फादर का नाम था वो रोल मुरली शर्मा ने प्ले किया हुआ है इसके अलावा इस फिल्म में आपको देखने को मिलते हैं राज लक्ष्मी के माँ के रोल में मिस करियप्प्पा का जो रोल था वो प्ले किया प्यो मोरी मेहता घोष ने इसके अलावा मिस टिब्बर जो लाडी की माँ का रोल था वो प्ले किया लीलिटिन दुबे ने इसके अलावा बज्जू के ऑफिस बॉस का जो रोल है वो सुधीर पांडे ने प्ले किया हुआ था बज्जू ऑफिस के बॉस के भाई का जो रोल था छोटे भाई का रोल वो प्ले किया हुआ था ऋतुराज सिंह ने और इस फिल्म में आपको सिरा के रोल में साक्षी प्रधान देखने को मिलती है जो एक रू की सिस्टर और फीमेल लोको पायलट का रोल प्ले करती हुई नजर आई है सूट पटियाला गाने में लाडी के फ्रेंड और उसके हस्बैंड का जो रोल है इस फिल्म में आपको मानसी मोग और करण सिंह छाबरा प्ले करते हुए नजर आएंगे सिद्धार्थ मेनन जो इस फिल्म में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हुए। नजर आते हैं जहाँ पे उन्होंने एक सिंगर का रोल प्ले किया हुआ है जो बचपन से लाड़ी से प्यार करता हुआ नजर आता है और वो उनके पटिया लगाने में डांस पार्टनर भी रहे हरमनजीत सिंह इस फिल्म में एक अपोजिट मेंबर के अपोजिट टीम के मेंबर के तौर पे दिखाई देते हैं और शिखर का राइवल का रोल प्ले किया हुआ है रूहू की कलिक फ्रेंड का रोल आकांक्षा सिंह ने प्ले किया हुआ है सोना के बॉयफ्रेंड के रोल में अक्षित सुखी जा देखने को मिलते हैं ब्यूटी कंटेस्ट एंकर का जो रोल है वो द्राक्ता जी ने प्ले किया हुआ है इसके अलावा इस फिल्म में बाजू की माँ का जो रोल है वो प्ले किया है उषा सुब्रमण्यम ने देवी की जो बज्जू के वाइफ का रोल था वो प्रिया प्रकाश वॉरियर ने प्ले किया हुआ है तो वो एक केमियो रोल था तो इस तरह से ये आर्टिस्ट थे जिन्होंने इसमें महत्वपूर्ण रोल प्ले किए हुए इस फिल्म की अनाउंसमेंट 2022 में की गई थी पहले इस फिल्म के राइट्स लिए गए थे 2022 के स्टार्टिंग में उसके बाद में अक्टूबर 2022 में फिल्म को वैसे अनाउंस भी किया गया था जहाँ पे जब राइट्स लिए गए थे उसके कुछ समय के बाद कास्टिंग कंप्लीट करवाई गई थी उसके बाद में इस फिल्म को जून 2022 में शिमला में हिमाचल प्रदेश में शूट करना स्टार्ट किया गया था उसके बाद में उस शेड्यूल को कंप्लीट करवाने के बाद आ, उसका नेक्स्ट शेड्यूल था वो मुंबई में रखा हुआ था जहाँ पे इस फिल्म को चारनी रोड रेलवे स्टेशन ओवरब्रिज में भी शूट किया हुआ था उसके बाद में कुछ पार्ट वाइज फिल्म के अलग अलग शेड्यूल्स थे वो यूके में भी शूट किए गए थे उस शेड्यूल्स के दौरान एक सिक्वेंस के सन सिक्वेंस के दौरान दिव्या खोसला कुमार भी इंजर हुई थी जिसके चलते वो फिल्म की शूटिंग रुकी थी उसके बाद में इस फिल्म के कुछ फाइनल सीन्स थे उसको बेंगलुरु में शूट किया था मुंबई में कुछ पेचवक का काम भी चला था उसके बाद में इस फिल्म की फिल्मिंग पूरी तरह से कम्प्लीट करवाई गई थी जब फिल्म को अनाउंस किया गया था अक्टूबर दो को तब ऑफिशियली इस फिल्म की जो रिलीज़ डेट थी वो मई दो हजार तेईस के अनाउंस की गई थी लेटर ऑन जनवरी दो में टी सीरीज़ जो इस फिल्म के मेकर्स हैं उनकी तरफ रिवील किया गया कि फिल्म अक्टूबर 2023 तक रिलीज़ आन होने वाली अभी फिलहाल में पोस्टपोन की जाए रही है उसके बाद में इस फिल्म की जो निर्धारित रिलीज डेट निकल के आई थी वो थी 20 अक्टूबर 2023 और 20 अक्टूबर 2023 को फिल्म को रिलीज़ भी किया था क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से एक मिक्स रिस्पांस लेने के साथ इस फिल्म ने एम के ऊपर 11,000 वोट हासिल किए जिसमें 6.1 की रेटिंग हासिल हुई 10 में से जहां पे इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे भी कुछ ऐसा ही कलेक्शन किया था पहले दिन इस फिल्म ने कर, करीबन पचास लाख का कलेक्शन किया था दूसरे दिन चालीस लाख का तीसरे दिन भी चालीस लाख का कलेक्शन किया तो फ्राइडे सैटरडे संडे तीन दिनों का कलेक्शन करीबन एक करोड़ तीस लाख का नेट कलेक्शन इंडिया से निकला पूरे वीक में भी ऐसे ही कमाल रहा फिल्म का बीस लाख अट्ठारह लाख सत्रह लाख पंद्रह लाख जैसा कलेक्शन किया सात दिनों में फिल्म Uh, किसी तरह से दो करोड़ के आसपास पहुंची दूसरे वीक में फिल्म पूरी तरह से निकल चुकी थी, थी थिएटर्स में जहां पे सिर्फ दस लाख का इस फिल्म ने कलेक्शन किया जिसके इस चलते इस फिल्म का जो इंडिया का नेट कलेक्शन था वो था दो करोड़ दस लाख ग्रोस कलेक्शन था वो दो करोड़ पचास लाख और इसमें सिर्फ सत्रह लाख का कलेक्शन किया जिसके चलते वर्ल्ड वाइड लेवल का जो लाइफ टाइम ग्रोस कलेक्शन था फिल्म का था दो करोड़ सड़सठ लाख इसके चलते इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे एक काइंड ऑफ बॉक्स ऑफिस बॉम्ब टाइप ऑफ कलेक्शन करके दिखाया है और इस फिल्म के ओ टी राइट्स पहले ही बेच दिए गए थे जहां जियो सिनेमा के पास थे इस फिल्म को अगर आपको ऑफिशियली देखना है तो जियो सिनेमा के ऊपर विथ इंग्लिश सब हिंदी वर्जन में देख सकते हो जहां पर फिल्म यार टू नाम के साथ फ्री में देखने को मिल जाएगी ठीक उसी तरह इस फिल्म का सेटेलाइट वर्जन है वो आपको बिल्कुल फ्री में प्रीमियर होता हुआ नजर आएगा सोनी क्ट टेलीविजन चैनल के ऊपर एक बार फिर रिपीट कर देता हूं कि यार यार टू फिल्म अगर आपने नहीं देखी है या फिर देखना चाहते हो तो इस टेन अलोन सिकोल वाली फिल्म को आप ऑफिशियली देख सकते हो उस जियो सिनेमा के ऊपर जहाँ पे फिल्म विथ इंग्लिश सब आपको बिल्कुल फ्री में प्रीमियर होती हुई नज़र आएगी इसके अलावा इस फिल्म का जो हिंदी सेटेलाइट वर्जन है वो आपको देखने को मिलेगा सोनी मैक्स और सोनीमैक्स एच डी चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में तो इस तरह से यार टू या फिल्म आप ऑफिशियली ओटीटी और सेटेलाइट दोनों प्लेटफॉर्म के ऊपर फ्री में एंजॉय कर पाओगे यार, यार टू जो 2023 के की एक इंडियन हिंदी लैंग्वेज फिल्म है फिल्म का जोनर है कमिंग ऑफ एज ड्रामा जहाँ पे फिल्म बेंगलोर डेज जो 2014 में आई हुई थी मलयालम लैंग्वेज में वो भी एक कमिंग ऑफ एज रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा फिल्म थी तो उसके रीमेक करके इस फिल्म को बनाया हुआ है वैसे बेंगलोर डेज का तमिल लैंग्वेज में बेंगलोर नाटकल करके भी रीमेक बनाया हुआ था जहाँ पे इस फिल्म का जो मलयालम वर्जन है उसको लिखा और डायरेक्ट किया हुआ था अंजलि मेनन ने स्टोरी आइडिया से लेकर डायलॉग स्क्रिप्टिंग स्क्रिप्ट प्ले डायरेक्शन सभी चीजें उन्होंने की हुई थी उसमें उन्होंने नवीन पोली नजरिया नजीम दुलकर सलमान फाद फासिल ईसा तलवार पार्वती थ्री तो नित्या मेनन जैसे एक्टर्स को लिया हुआ था सिर्फ आठ करोड़ के बजट में बनी फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे दो में पैंतालीस करोड़ से ज़्यादा का ग्रोस कलेक्शन किया था और बॉक्स ऑफिस पे वो फिल्म काफी बड़ी ब्लॉक साबित हुई थी उसके बाद में उन्होंने इस फिल्म के रीमेक राइट्स थे वो तमिल वर्जन में बेचे जहाँ पे 2016 में इस फिल्म का तमिल रीमेक बना उस फिल्म के लीड रोल में थे उस फिल्म को डायरेक्ट भास्कर ने किया था जहाँ पे लीड रोल में आर्य बोबीसी मा श्री दिव्या राणा दघुबती पार्वती तिरुवती राय लक्ष्मी परिसा लक्ष्मी प्रकाश राज और समन्ता का केम्यो था बॉक्स ऑफिस पे उस फिल्म ने अट्ठारह करोड़ के बजट के सामने तीस करोड़ का क्रॉस कलेक्शन किया और तमिल वर्जन भी एक सक्सेसफुल वर्जन साबित हुआ था उस के बाद में 2023 में इस फिल्म का हिंदी रिमेक बनाया गया जिसका नाम रखा हुआ है यारिया टू वैसे यारिया जो फ्रेंचाइज पहला पार्ट भी 2014 में ही आया था जहाँ पे उस फिल्म के साथ साथला जो है फिल्म की डायरेक्टर यानी कि दिव्या खोसला कुमार उन्होंने इस फिल्म के साथ डायरेक्शन न संभाला था दस करोड़ के बजट में बनी फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे कुछ पचास करोड़ से ज्यादा का, का कलेक्शन किया था बॉक्स ऑफिस पे यार क्या पहला पार्ट सक्सेसफुल रहा था जहाँ पे हिमांश कोहली राकुल प्रीत सिंह एविलियन शर्मा और निकोल फेरिया जैसे एक्टर्स लीड रोल में थे और उसके बाद में उन्होंने टू दो हजार में एक रीमेक फिल्म बनाने का फैसला लिया जहाँ पे स्टोरी वाइज कोई कनेक्शन नहीं है और इस बार दिव्या खोसला कुमार खुद इस फिल्म में एज एक्टर के तौर पर जुड़ी जहाँ पे फिल्म को लिखा डिरेक्ट किया हुआ राधिका राव और विनय सपरू ने जिन्होंने इससे पहले कई फिल्मों को डायरेक्ट किया हुआ था साथ ही में जहां पे एज ए के तौर पे सनम तेरी कसम आई लव और लकी नो टाइम फॉर लव जैसी फिल्मों को उन्होंने डिरेक्ट किया हुआ था इस फिल्म का भी स्टोरी आइडिया डायलॉग स्क्रिप्टिंग स्क्रीन प्ले डिरेक्शन वो सभी चीज़ें उन्होंने ही की हुए वैसे ओरिजिनल स्टोरी तो अंजलि मेनन की ही थी लेकिन उसके ऊपर जो हिंदी नेरेशन है वो उन्होंने क्रिएट किया था हिंदी स्क्रीन प्ले उनके द्वारा लिखा गया था जहाँ पे इस फिल्म को प्रोड्यूस करते हुए नजर आए आयुष महेश्वरी कृष्णा कुमार दिव्या खोसला कुमार भूषण कुमार जिसको प्रोडक्शन uh, कंपनीज जैसे कि राव एंड सप्रो फिल्म टी सीरीज फिल्म बी एल एम मोशन पिक्चर्स प्रोडक्शन कंपनी के नीचे फिल्म को प्रोड्यूस किया गया सेंसर बोर्ड की तरफ से इस फिल्म को यूएस सर्टिफिकेट मिला जहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन का कमान था वो ए वालों ने संभाला हुआ था यानी कि अनिल थड़ानी ने जिन्होंने एक डिसेंट रिलीज दिलवाई हुई थी फिल्म का रन टाइम एक मिनट था यानी कि दो घंटे अट्ठाईस मिनट लंबी फिल्म थी जिसको एडिट किया हुआ था अभिषेक कुमार सिंह ने सिनेमेटोग्राफी थी और रवि यादव ने की हुई थी लीड रोल में दिव्या घोसला कुमार यश गुप्तास गुप्ता पलवी पूरी जाफरी राजन भाग्यश्री बोरसे और वरीना हुआ जहां पे इस फिल्म की म्यूजिक डिपार्टमेंट में भी अलग, -अलग कंपोजर और अपने ही पास रखे हुए थे जब इस फिल्म का पहला साउंड ट्रैक रिलीज किया गया था करीबन पैंतीस मिनट का था जिसमें करीबन आ, कुछ गाने थे लेकिन उसके बाद में उन्होंने एक सेकंड ट्रैक जो रिलीज किया हुआ था वो साउंड ट्रैक काफी बड़ा था तो वो साउंड ट्रैक करीबन एक घंटे ग्यारह मिनट सेतालीस सेकंड का था तो उसके ऊपर बातचीत करे तो ट्रैक लिस्टिंग करते पहला गाना सोरेगर जिसको गाया हुआ था विशाल मिश्रा मनन भारद्वाज नीति मोहन उसका म्यूजिक और लिखावट था मनन भारद्वाज ने दिया था दूसरा गाना सिमरून तेरा नाम उसको सचिन टंडन ने गाया था म्यूजिक मनन भारद्वाज का था और लिरिक्स भी उन्होंने लिखे हुए थे ऊंची ऊँची दीवारें गाने को अरिजीत सिंह ने गाया मनन भारद्वाज ने म्यूजिक दिया लिरिक्स भी मनन भारद्वाज के ही थे ब्लू है पानी पानी तो वो जो गाना था वो रिक्रिएट किया गया था इस फिल्म के लिए जिसको नेहा कहकर अरिजीत सिंह ने गाया था खाली पी हनी सिंह ने उसको लिखा और म्यूजिक दोनों दिया हुआ था बे वफ़ा तू गाने को जुबिन नोटियाल ने गाया था मनन भारद्वाज ने म्यूजिक दिया था मनन भारद्वाज रहीम शाह और शमसुल हसन सेम से उन्होंने इस गाने को लिखा हुआ था सूट पटियाला गाने को म्यूजिक दिया हुआ था मनन भारद्वाज ने गाया हुआ था गुरु रंधावा नेहा कक्कर मनन भारद्वाज और लिरिक्स भी मनन भारद्वाज की ही थी हिर रोए गाने को तो वो लिखा हुआ था परम्परा सॉरी गाया हुआ था परम्परा टंडन ने और लिरिक्स से वो मनन भारद्वाज के थे म्यूजिक भी उनका ही था ठीक उसी तरह पीने दे गाने के भी लिरिक्स और म्यूजिक उन्होंने ही क्रिएट किए हुए थे और मास्टर सलीम और मिलिन गावा के द्वारा वो गाना गवाया गया था सनी सनी जो ब्लू है पानी पानी वाला था उसका एक और वर्जन फिल्म में था सनी सनी टू पॉइंट ओ जिसका जो सिंगिंग है वो काम संभाला हुआ था यो, यो हनी सिंह नेहा कक्कर ने खालिफ और योए हनी सिंह के द्वारा उन गानों को लिखा और कंपोज़ किया गया था खोसा गया हूँ गाने को यो, यो हनी सिंह मनन्द भारद्वाज ने म्यूजिक दिया हुआ था उन्होंने ही गाया हुआ था नेहा कक्कर ने इसमें लेडीज़ का वर्जन गाया हुआ था आजा मेरी जान करके जो गाना था वो भी इस फिल्म में एक करीबन का ग्यारहवा ट्रैक था जिसको मयूरपुरी ने लिखा हुआ था डीजे जे फुकान और आर डी बर्मा ने उसको म्यूजिक दिया था मोली दवे ने गाया हुआ था फुल्स गेम को आरो वेलनकर ने गाया हुआ था राधिका सजराव और विनेश अपरू जो फिल्म के डायरेक्टर है उन्होंने इसमें लिरिक्स और कंपोजिशन की हुई थी तेरी लोद नहीं करके जो रब्बा वाला जो गाना था उसको अभिजीत वाघानी ने म्यूजिक दिया हुआ था इंदर चहल आशीस कौर ने गाया हुआ था देव कोहली और कुमार ने उसको लिखा हुआ था चाहता यानी कि दर्द करके जो जो अलग अलग टाइटल दिया हुआ है लेकिन गाना एक ही है उसको अभिजीत तो वाघानी ने म्यूजिक दिया हुआ था जॉर्डन संतु पलक मच्छल ने गाया था निर्माण ने उसको लिखा हुआ था और चिरैया गाने को राम संपत ने म्यूजिक दिया था सवानंद किरकिी ने लिखा हुआ था मृंग क्या भट्टाचार्य जिन्हें उसको गाया हुआ था रोहिना यानी कि माही वे जो गाना था उसको भी निर्माण ने ही लिखा हुआ था कनिका कपूर और निंजा ने गाया हुआ था अभिजीत वाघानी ने उसका म्यूजिक दिया हुआ था सेठमी फ्री गाने को गाया हुआ था का भट्टाचार्य जी ने और विनय सप्रू राधिका राव के द्वारा उस गाने को कंपोज किया गया था और लिरिक्स भी उन्होंने ही लिखे हुए थे दिन सगनादा गाने को जसलिन रॉयल ने गाया हुआ था कंपोजिशन भी उनकी थी लेकिन लिरिक्स थे और नीरज राजवत ने लिखे हुए थे चांद किता करके जो गाना था यानी कि मेरे सोनिया उसको लिखा हुआ था इरसाद कामिल कुमार ने और उसके बाद में उसको वाघाणी अभिजीत ने उसको गाया म्यूजिक दिया हुआ था कोर भी और अखिल सत्यवा ने उसको गाया हुआ था तो इस तरह से उन्नीस ट्रैक थे जिसकी लेंथ थी एक घंटा ग्यारह मिनट सेतालीस सेकंड एक इस फिल्म का एक गाना एक पहले फास्ट साउंड ट्रेक वर्जन रिलीज किया गया था पैंतीस चालीस मिनट का वो चौबीस सेप्टेम्बर दो को टी सीरीज के द्वारा रिलीज़ करवाया गया उसके बाद में ये उन्नीस ट्रैक वाला जो वर्जन है वो सेकंड साउंड ट्रैक के तौर पे चार नवंबर 2023 को रिलीज़ किया जिसके चलते टोटल अभी उन्नीस गा, गाने अगर आपको फिलहाल में ऑफिशियली सुनना है तो टी सीरीज़ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर सुन सकते हो वैसे इस फिल्म के रिगार्डिंग थोड़ी बहुत कॉन्ट्रोवर्सीज भी हुई थी जो सिख कम्युनिटी है उसको जिस तरह से इसमें प्रेजेंट किया गया था कुछ ऐसी चीज़ें थी जो अन इंटेंशनली मेकर्स का कहना था कि वो रिलीजियस सेंटिमेंट को हर्ट कर रही थी इसकी वजह से उन्होंने वो उन उन लोगों से माफ़ी भी मांगी और उसके बाद में उस को रिमूव भी कर दिया था फिल्म से वैसे इस फिल्म की कास्टिंग के ऊपर बातचीत करें तो फिल्म का जो लीड रो किरदार यानी कि लाडी चिब्बर लाडी सिंह कतियाल वाला जो रोल था जो अबई की वाइफ का रोल था वो दिव्या खोसला कुमार ने प्ले किया हुआ था लाडी के हस्बैंड अभय सिंह कत्याल के रोल में यासदास गुप्ता देखने को मिलेंगे बज्जू यानि की बजरंग दास खत्री जो लादी का कजिन था उसका रोल पलवी पूरी ने किया हुआ है प्ले लादी के एक और कजिन थे जो एक मोटो क्रॉस रेसर और पिज्जा डिलीवरी बॉय थे जिसका नाम था शिखर रंधावा उसका रोल प्ले किया हुआ है मिजान जाफरी ने इखरू अवस्थी या रू का रोल था वंशवारा राजन ने प्ले किया हुआ जो एक ट्रेन टिकट काउंटर थे और शिखर का लव इंटरेस्ट थी लेटर ऑन उनकी वाइफ भी बन जाती है राजी का जो रोल था राजी लक्ष्मी करिप्पया जो एक पेंटर थी अभय की लेट गर्लफ्रेंड थी वो रोल प्ले किया है भाग्यश्री बोर ने इसके अलावा इस फिल्म में आपको बज्जू के साथ एक ब्रीफ एनकाउंटर देखने को मिलता है एक एयर होस्टेस का जिसका नाम था सोना वो रोल वरीना हुसैन ने प्ले किया हुआ है कर, मिस्टर करियप्पा जो राज के फादर का नाम था वो रोल मुरली शर्मा ने प्ले किया हुआ है इसके अलावा इस फिल्म में आपको देखने को मिलते हैं राज लक्ष्मी के माँ के रोल में मिस करियप्पा का जो रोल था वो प्ले किया प्यो मोरी मेहता घोस ने इसके अलावा मिस टिब्बर जो लाडी की माँ का रोल था वो प्ले किया लीलिटिन दुबे ने इसके अलावा बज्जू के ऑफिस बॉस का जो रोल है वो सुधीर पांडे ने प्ले किया हुआ था बज्जू ऑफिस के बॉस के भाई का जो रोल था छोटे भाई का रोल वो प्ले किया हुआ था ऋतुराज सिंह ने और इस फिल्म में आपको सीरा के रोल में साक्षी प्रधान देखने को मिलती है जो एक रू की सिस्टर और फीमेल लोको पायलट का रोल प्ले करती हुई नजर आई है सूट पटियाला गाने में लाडी के फ्रेंड और उसके हस्बैंड का जो रोल है इस फिल्म में आपको मानसी मोग और करण सिंह छाबरा प्ले करते हुए नजर आएंगे सिद्धार्थ मेनन जो इस फिल्म में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हुए नजर आते हैं जहाँ पे उन्होंने एक सिंगर का रोल प्ले किया हुआ है जो बचपन से लाड़ी से प्यार करता हुआ नजर आता है और वो उनके सुटपटिया लगाने में डांस पार्टनर भी रहे हरमनजीत सिंह इस फिल्म में एक अपोजिट मेंबर के अपोजिट टीम के मेंबर के तौर पे दिखाई देते हैं और सिखर का राइवल का रोल प्ले किया हुआ है रूहू की कलीग फ्रेंड का रोल आकांक्षा सिंह ने प्ले किया हुआ है सोना के बॉयफ्रेंड के रोल में अक्षित सुखी जा देखने को मिलते हैं ब्यूटी कंटेस्ट एंकर का जो रोल है वो द्राक्ता जी ने प्ले किया हुआ है इसके अलावा इस फिल्म में बाजू की माँ का जो रोल है वो प्ले किया है उषा सुब्रमण्यम ने देवी की जो बज्जू के वाइफ का रोल था वो प्रिया प्रकाश वॉरियर ने प्ले किया हुआ है तो वो एक केमियो रोल था तो इस तरह से ये आर्टिस्ट थे जिन्होंने इसमें महत्वपूर्ण रोल प्ले किए हुए इस फिल्म की अनाउंसमेंट 2022 में की गई थी पहले इस फिल्म के राइट्स लिए गए थे 2022 के स्टार्टिंग में उसके बाद में अक्टूबर 2022 में फिल्म को वैसे अनाउंस भी किया गया था जहाँ पे जब राइट्स लिए गए थे उसके कुछ समय के बाद कास्टिंग कंप्लीट करवाई गई थी उसके बाद में इस फिल्म को जून 2022 में शिमला में हिमाचल प्रदेश में शूट करना स्टार्ट किया गया था उसके बाद में उस शेड्यूल को कंप्लीट करवाने के बाद उसका नेक्स्ट शेड्यूल था वो मुंबई में रखा हुआ था जहाँ पे इस फिल्म को चारनी रोड रेलवे स्टेशन और ब्रिज में भी शूट किया हुआ था उसके बाद में कुछ पार्ट वाइज फिल्म के अलग अलग शेड्यूल्स थे वो यूके में भी शूट किए गए थे उस शेड्यूल्स के दौरान एक सिक्वेंस के एक, एक सन सीक्वेंस के दौरान दिव्या खोसला कुमार भी इंजर हुई थी जिसके चलते वो फिल्म की शूटिंग रुकी थी उसके बाद में इस फिल्म के कुछ फाइनल सीन्स थे उसको बेंगलुरु में शूट किया था मुंबई में कुछ वर्क का काम भी चला था उसके बाद में इस फिल्म की फिल्मिंग पूरी तरह से कम्प्लीट करवाई गई थी जब फिल्म को अनाउंस किया गया था अक्टूबर दो को तब ऑफिशियली इस फिल्म की जो रिलीज डेट थी वो मई दो के अनाउंस की गई थी लेटर ऑन जनवरी दो में टी सीरीज़ जो इस फिल्म के मेकर्स हैं उनकी तरफ रिवील किया गया कि फिल्म अक्टूबर 2023 तक रिलीज अन होने वाली अभी फिलहाल में पोस्टपोन की जा रही है उसके बाद में इस फिल्म की जो निर्धारित रिलीज डेट निकल के आई थी वो थी 20 अक्टूबर 2023 और 20 अक्टूबर 2023 को फिल्म को रिलीज़ भी किया था क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से एक मिक्स रिस्पॉन्स लेने के साथ इस फिल्म ने आई एम डी वी के ऊपर ग्यारह हज़ार वोट हासिल किए जिसमें छः पॉइंट एक की रेटिंग हासिल हुई दस में से जहाँ पे इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे भी कुछ ऐसा ही कलेक्शन किया था पहले दिन इस फिल्म ने कऱ करीबन पचास लाख का कलेक्शन किया था दूसरे दिन चालीस लाख का तीसरे दिन भी चालीस लाख का कलेक्शन किया तो फ्राइडे सैटरडे संडे तीन दिनों का कलेक्शन करीबन एक करोड़ तीस लाख का नेट कलेक्शन इंडिया से निकला पूरे वीक में भी ऐसा ही कमाल रहा फिल्म का बीस लाख अट्ठारह लाख सत्रह लाख पंद्रह लाख जैसा कलेक्शन किया सात दिनों में फिल्म किसी तरह से दो करोड़ के आसपास पहुंची दूसरे वीक में फिल्म पूरी तरह से निकल चुकी थी थिएटर्स में जहां पे सिर्फ दस लाख का इस फिल्म ने कलेक्शन किया जिसके चलते इस फिल्म का जो इंडिया का नेट कलेक्शन था वो था दो करोड़ दस लाख ग्रोस कलेक्शन था वो दो करोड़ पचास लाख और इसमें सिर्फ सत्रह लाख का कलेक्शन किया जिसके चलते वर्ल्ड वाइड लेवल का जो लाइफ टाइम ग्रोस कलेक्शन था फिल्म का था दो करोड़ सड़सठ लाख इसके चलते इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे एक काइंड ऑफ बॉक्स ऑफिस बॉम्ब टाइप ऑफ कलेक्शन करके दिखाया है और इस फिल्म के ओ टी टी पहले ही गए थे। जहां पे OTT सिनेमा के पास थे इस फिल्म को अगर आपको ऑफिशियली देखना है तो जियो सिनेमा के ऊपर विथ इंग्लिश सब हिंदी वर्जन में देख सकते हो जहां पे फिल्म यार यार नाम के साथ फ्री में देखने को मिल जाएगी ठीक उसी तरह इस फिल्म का सेटेलाइट वर्जन है वो आपको बिल्कुल फ्री में प्रीमियर होता हुआ नजर आएगा सोनी मैक्स टेलीविजन चैनल के ऊपर एक बार फिर रिपीट कर देता हूं कि यार यार टू फिल्म अगर आपने नहीं देखी है या फिर देखना चाहते हो तो इस टेन अलोन सिकोल वाली फिल्म को आप ऑफिशियली देख सकते हो जियो सिनेमा के ऊपर जहाँ पे फिल्म विथ इंग्लिश सब आपको बिल्कुल फ्री में प्रीमियर होती हुई नजर आएगी इसके अलावा इस फिल्म का जो हिंदी सेटेलाइट वर्जन है वो आपको देखने को मिलेगा सोनी मैक्स और सोनीमैक्स एच डी चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में तो इस तरह से यार टू या फिल्म आप ऑफिशियली ओटीटी और सैटेलाइट दोनों प्लेटफॉर्म के ऊपर फ्री में एंजॉय कर पाओगे या टू जो 2023 की के एक इंडियन हिंदी लैंग्वेज फिल्म है फिल्म का जो है कमिंग ऑफ एज ड्रामा जहाँ पे फिल्म बेंगलोर डेज जो 2014 में आई हुई थी मलयालम लैंग्वेज में वो भी एक कमिंग ऑफ एज रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा फिल्म थी तो उसके रीमेक करके इस फिल्म को बनाया हुआ है वैसे बेंगलोर डेज का तमिल लैंग्वेज में बेंगलोर नाटकल करके भी रीमेक बनाया हुआ था जहाँ पे इस फिल्म का जो मलयालम वर्जन है उसको लिखा और डायरेक्ट किया हुआ था अंजलि मेनन ने स्टोरी आइडिया से लेकर डायलॉग स्क्रिप्टिंग स्क्रिप्ट प्ले डायरेक्शन सभी चीज़ें उन्होंने की हुई थी उसमें उन्होंने नवीन पोली नजरिया नजीम दुलकर सलमान फाद फासिल ईसा तलवार पार्वती थुरुवो नित्या मेनन जैसे एक्टर्स को लिया हुआ था सिर्फ आठ करोड़ के बजट में बनी फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर दो में पैंतालीस करोड़ से ज़्यादा का ग्रोस कलेक्शन किया था और बॉक्स ऑफिस पे वो फिल्म काफ़ी बड़ी ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी उसके बाद में उन्होंने इस फिल्म के रीमेक राइट्स थे वो तमिल वर्जन में बेचे जहाँ पे 2016 में इस फिल्म का तमिल रिमेक बना उस फिल्म के लीड में उस फिल्म को करने किया था बॉक्स लक्ष्मी, लक्ष्मी, ऑफिस ने अठारह करोड़ के बजट के सामने तीस करोड़ का क्रॉस कलेक्शन किया और तमिल वर्जन भी एक सक्सेसफुल वर्जन साबित हुआ था उसके बाद में दो में इस फिल्म का हिंदी रिमेक बनाया गया जिसका नाम रखा हुआ है यारिया टू वैसे यारिया जो तो फ्रेंचाइज पहला पार्ट भी 2014 में ही आया था जहां पे उस फिल्म के साथ खोसला जो है फिल्म की डायरेक्टर यानी कि दिव्या खोसला कुमार उन्होंने इस फिल्म के साथ डायरेक्शन न संभाला था दस करोड़ के बजट में बनी फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे कुछ पचास करोड़ से ज़्यादा का, का कलेक्शन किया था बॉक्स ऑफिस पे यार का पहला पार्ट सक्सेसफुल रहा था जहाँ पे हिमांश कोहली राकुल प्रीत सिंह एविलियन शर्मा और निकोल फेरिया जैसे एक्टर्स लीड रोल में थे और उसके बाद में उन्होंने टू दो हजार में एक रीमेक फिल्म बनाने का फैसला लिया जहाँ पे स्टोरी वाइज कोई कनेक्शन नहीं है और इस बार दिव्या खोसला कुमार खुद इस फिल्म में एज एक्टर के तौर पर जुड़ी जहाँ पे फिल्म को लिखा और डिरेक्ट किया राधिका राव और विनय सपरू ने जिन्होंने इससे पहले कई फिल्मों को टिरे किया हुआ था साथ ही में जहाँ पे एज ए डिरेक्टर के तौर पे सनम तेरी कसम आई लव और लकी नो टाइम फॉर लव जैसी फिल्मों को उन्होंने डायरेक्ट किया हुआ था इस फिल्म का भी स्टोरी आइडिया डायलॉग स्क्रिप्टिंग स्क्रीन प्ले डायरेक्शन वो सभी चीज़ें उन्होंने ही की हुई वैसे ओरिजिनल स्टोरी तो अंजलि मेनन की ही थी लेकिन उसके ऊपर जो हिंदी नेरेशन है वो उन्होंने क्रिएट किया था हिंदी स्क्रीन प्ले उनके द्वारा लिखा गया था जहाँ पे इस फिल्म को प्रोड्यूस करते हुए नजर आए आयुष महेश्वरी कृष्णा कुमार दिव्या खोसला कुमार भूषण कुमार जिसको प्रोडक्शन uh, कंपनीज जैसे कि राव एंड सप्रू फिल्म टी सीरीज फिल्म बी एल एम मौसम पिक्चर प्रोडक्शन कंपनी के नीचे फिल्म को प्रोड्यूस किया गया सेंसर बोर्ड की तरफ से इस फिल्म को यूएस सर्टिफिकेट मिला जहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन का कमान था वो ए वालों ने संभाला हुआ था यानी कि अनिल थड़ानी ने जिन्होंने एक डिसेंट रिलीज सिलवाई हुई थी फिल्म का रन टाइम एक मिनट था यानी कि दो घंटे अट्ठाईस मिनट लंबी फिल्म थी जिसको एडिट किया हुआ था अभिषेक कुमार सिंह ने सिनेमेटोग्राफी थी और रवि यादव ने की हुई थी लीड रोल में दिव्या घोसला कुमार गुप्ता गुप्ता पलवी पूरी

तो वो साउंड ट्रैक करीबन एक घंटे ग्यारह मिनट सेतालीस सेकंड का था तो उसके ऊपर बातचीत करें तो ट्रैक लिस्टिंग का थे पहला गाना सोरेगर जिसको गाया हुआ था विशाल मिश्रा मनन भारद्वाज नीति मोहन उसका म्यूजिक और लिखावट था मनन भारद्वाज ने दिया था दूसरा गाना सिमरून तेरा नाम उसको सचिन टंडन ने गाया था म्यूजिक मनन भारद्वाज का था और लिरिक्स भी उन्होंने ही लिखे हुए थे ऊँची ऊंची दीवारें गाने को अरिजीत सिंह ने गाया मनन भारद्वाज ने म्यूजिक दिया लिरिक्स भी मनन भारद्वाज के ही थे ब्लू है पानी पानी तो वो जो गाना था वो रिक्रिएट किया गया था इस फिल्म के लिए नेहा कक्कर अरिजीत सिंह ने गाया था खाली पी हनी सिंह ने उसको लिखा और म्यूजिक दोनों दिया हुआ था बेवफा तो गाने को जुबिन नोटियाल ने गाया था मनन भारद्वाज ने म्यूजिक दिया था मनन भारद्वाज रहीम शाह और शमसुल हसन शैम्स से, उन्होंने इस गाने को लिखा हुआ था सूट पटियाला गाने को म्यूजिक दिया हुआ था मनन भारद्वाज ने गाया हुआ था गुरु रंधावा नेहा कक्कर मनन भारद्वाज और लिरिक्स भी मनन भारद्वाज की ही थी हिर भी रोए गाने को तो वो लिखा हुआ था परंपरा टन सॉरी गाया हुआ था परंपरा टंडन ने और लिरिक्स से वो मनन भारद्वाज के थे म्यूजिक भी उनका ही था ठीक उसी तरह पीने दे गाने के भी लिरिक्स और म्यूजिक उन्होंने ही क्रिएट किए हुए थे और मास्टर सलीम और मिलिन गाबा के द्वारा वो गाना गवाया गया था सनी सनी जो ब्लू है पानी पानी वाला था उसका एक और वर्जन फिल्म में था सनी सनी टू पॉइंट ओ जिसका जो सिंगिंग है वो काम संभाला हुआ था यो, यो हनी सिंह नेहा कक्कर ने खालिप और योए हनी सिंह के द्वारा उन गानों को लिखा और कंपोज़ किया गया था खोसा आ गया हूँ गाने को यो, यो हनी सिंह मनन्त भारद्वाज ने म्यूजिक दिया हुआ था उन्होंने ही गाया हुआ था नेहा कक्कर ने इसमें लेडीज़ का वर्जन गाया हुआ था आजा मेरी जान करके जो गाना था वो भी इस फिल्म में एक करीबन का ग्यारहवा ट्रैक था जिसको मयूरपुरी ने लिखा हुआ था डीजे जे फुकान और आर डी बर्मा ने उसको म्यूजिक दिया था मोली दवे ने गाया हुआ था फुल्स गेम को आरो वेलनकर ने गाया हुआ था राधिका सदराव और विनय सप्रू जो फिल्म के डायरेक्टर है उन्होंने इसमें लिरिक्स और कंपोजिशन की हुई थी तेरी लोद नहीं करके जो रब्बा वाला जो गाना था उसको अभिजीत वाघानी ने म्यूजिक दिया हुआ था इंदर चहल आशीस कौर ने गाया हुआ था देव कोहली और कुमार ने उसको लिखा हुआ था चाहता यानी कि दर्द करके जो दो अलग अलग टाइटल दिया हुआ है लेकिन गाना एक ही है उसको अभिजीत वाघानी ने म्यूज़िक दिया हुआ था जोर्डन संतु पलक मच्छल ने गाया था निर्माण ने उसको लिखा हुआ था और चिरैया गाने को राम संपत ने म्यूजिक दिया था सवानंद किरकिरी ने लिखा हुआ था मृंग क्या भट्टाचार्य जी ने उसको गाया हुआ था रोहिना यानी कि माही वे जो गाना था उसको भी निर्माण ने ही लिखा हुआ था कनिका कपूर और निंजा ने गाया हुआ था अभिजीत वाघानी ने उसका म्यूजिक दिया हुआ था सेट मी फ्री गाने को तो गाया हुआ था का भट्टाचार्य जी ने और विनय सप्रू राधिका राव के द्वारा उस गाने को कंपोज किया गया था और लिरिक्स भी उन्होंने ही लिखे हुए थे दिन सगनादा गाने को जसलिन रॉयल ने गाया हुआ था कंपोजिशन भी उनकी थी लेकिन लिरिक्स थे और नीरज राजवत ने लिखे हुए थे चांद कित्ता करके जो गाना था यानी कि मेरे सोनिया उसको लिखा हुआ था इर्सात कामिल कुमार ने और उसके बाद में उसको वाघाणी अभिजीत ने उसको गाया म्यूजिक दिया हुआ था और भी और अखिल ने उसको गाया हुआ था तो इस तरह से उन्नीस ट्रैक थे जिसकी लेंथ थी एक घंटा ग्यारह मिनट सेतालीस सेकंड एक इस फिल्म का एक गाना एक पहले फास्ट साउंड ट्रैक वर्जन रिलीज़ किया गया था पैंतीस चालीस मिनट का वो चौबीस सेप्टेम्बर दो को टी सीरीज के द्वारा रिलीज़ करवाया गया उसके बाद में ये उन्नीस ट्रैक वाला जो वर्जन है वो सेकंड साउंड ट्रेक के तौर पे चार नवंबर 2023 को रिलीज़ किया जिसके चलते टोटल अभी गया उन्नीस गाने अगर आपको फिलहाल में ऑफिशियली सुनना है तो टी सीरीज़ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर सुन सकते हो वैसे इस फिल्म के रिगार्डिंग थोड़ी बहुत कॉन्ट्रोवर्सीज भी हुई थी जो सिख कम्युनिटी है उसको जिस तरह से इसमें प्रेजेंट किया गया था कुछ ऐसी चीज़ें थी जो अन इंटेंशनली मेकर्स का कहना था कि वो रिलीजियस सेंटिमेंट को हर्ट कर रही थी इसकी वजह से उन्होंने वो उन उन लोगों से माफ़ी भी मांगे और उसके बाद में उस मुस्लिम्स को रिमूव भी कर दिया था फिल्म से वैसे इस फिल्म की कास्टिंग के ऊपर बातचीत करें तो फिल्म का जो लीड रोल किरदार यानी कि लाडी चिब्बर लाडी सिंह कतियाल वाला जो रोल था जो अबई की वाइफ का रोल था वो दिव्या घोसला कुमार ने प्ले किया हुआ था लाडी के हसब अभय सिंह कत्याल के रोल में यास दास गुप्ता देखने को मिलेंगे बज्जू यानी कि बजरंग दास खत्री जो लादी का कजिन था उसका रोल पलवी पूरी ने किया हुआ है प्ले लादी के एक और कजिन थे जो एक मोटो क्रॉस रेसर और पिज्जा डिलीवरी बॉय थे जिसका नाम था शिखर रंधावा उसका रोल प्ले किया हुआ है मिजान जाफरी ने इखरू अवस्थी या रू का रोल था वंशवारा राजन ने प्ले किया हुआ जो एक ट्रेन टिकट काउंटर थे और शिखर का लव इंटरेस्ट थी लेटर ऑन उनकी वाइफ भी बन जाती है राजी का जो रोल था राज्य लक्ष्मी करिप्पया जो एक पेंटर थी अभय की लेट गर्लफ्रेंड थी वो रोल प्ले किया है भाग्यश्री बोरसे ने इसके अलावा इस फिल्म में आपको बज्जू के साथ एक ब्रीफ एनकाउंटर देखने को मिलता है एक एयर होस्टेस का जिसका नाम था सोना वो रोल वरीना हुसैन ने प्ले किया हुआ है कर, मिस्टर करियप्पा जो राज के फादर का नाम था वो रोल मुरली शर्मा ने प्ले किया हुआ है इसके अलावा इस फिल्म में आपको देखने को मिलते हैं राज लक्ष्मी के माँ के रोल में मिस करियप्प्पा का जो रोल था वो प्ले किया प्यो मोरी मेहता घोस ने इसके अलावा मिस टिब्बर जो लाडी की माँ का रोल था वो प्ले किया लिलिटिन दुबे ने इसके अलावा बज्जू के ऑफिस बॉस का जो रोल है वो सुधीर पांडे ने प्ले किया हुआ था बज्जू ऑफिस के बॉस के भाई का जो रोल था छोटे भाई का रोल वो प्ले किया हुआ था ऋतुराज सिंह ने और इस फिल्म में आपको सिरा के रोल में साक्षी प्रधान देखने को मिलती है जो एक रू की सिस्टर और फीमेल लोको पायलट का रोल प्ले करती हुई नजर आई है सूट पटियाला गाने में लाडी के फ्रेंड और उसके हस्बैंड का जो रोल है इस फिल्म में आपको मानसी मोग और करण सिंह छाबरा प्ले करते हुए नज़र आएंगे सिद्धार्थ मेनन जो इस फिल्म में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हुए नजर आते हैं जहाँ पे उन्होंने एक सिंगर का रोल प्ले किया हुआ है जो बचपन से लादी से प्यार करता हुआ नजर आता है और वो उनके सूट पटिया लगाने में डांस पार्टनर भी रहे हरमनजीत सिंह इस फिल्म में एक अपोजिट मेंबर के अपोजिट टीम के मेंबर के तौर पे दिखाई देते हैं और शिखर का राइवल का रोल प्ले किया हुआ है रूहू की कलिक फ्रेंड का रोल आकांक्षा सिंह ने प्ले किया हुआ है सोना के बॉयफ्रेंड के रोल में अक्षित सुखीजा देखने को मिलते हैं ब्यूटी कंटेस्ट एंकर का जो रोल है वो द्राक्ता जी ने प्ले किया हुआ है इसके अलावा इस फिल्म में बाजू की मां का जो रोल है वो प्ले किया है उषा सुब्रमण्यम ने देवी की जो बज्जू के वाइफ का रोल था वो प्रिया प्रकाश वोरियर ने प्ले किया हुआ है तो वो एक केमियो रोल था तो इस तरह से ये आर्टिस्ट थे जिन्होंने इसमें महत्वपूर्ण रोल प्ले किए हुए इस फिल्म की अनाउंसमेंट 2022 में की गई थी पहले इस फिल्म के राइट लिए गए थे 2022 के स्टार्टिंग में उसके बाद में अक्टूबर 2022 में फिल्म को वैसे अनाउंस भी किया गया था जहाँ पे जब राइट्स लिए गए थे उसके कुछ समय के बाद कास्टिंग कंप्लीट करवाई गई थी उसके बाद में इस फिल्म को जून 2022 में शिमला में हिमाचल प्रदेश में शूट करना स्टार्ट किया गया था उसके बाद में उस शेड्यूल को कंप्लीट करवाने के बाद आ, उसका नेक्स्ट शेड्यूल था वो मुंबई में रखा हुआ था जहाँ पे इस फिल्म को चारने रोड रेलवे स्टेशन ओवरब्रिज में भी शूट किया हुआ था उसके बाद में कुछ पार्ट वाइज फिल्म के अलग अलग शेड्यूल्स थे वो यूके में भी शूट किए गए थे उस शेड्यूल्स के दौरान एक सिक्वेंस के एक, स, एक सन सिकवेंस के दौरान दिव्या खोसला कुमार भी इंजर हुई थी जिसके चलते वो फिल्म की शूटिंग रुकी थी उसके बाद में इस फिल्म के कुछ फाइनल सीन्स थे उसको बेंगलोरु में शूट किया था मुंबई में कुछ वर्क का काम भी चला था उसके बाद में इस फिल्म की फिल्मिंग पूरी तरह से कंप्लीट करवाई गई थी जब फिल्म को अनाउंस किया गया था अक्टूबर दो को तब ऑफिशियली इस फिल्म की जो रिलीज़ डेट थी वो मई दो के अनाउंस की गई थी लेटर ऑन जनवरी दो में टी सीरीज़ जो इस फिल्म के मेकर्स हैं उनकी तरफ रिवील किया गया कि फिल्म अक्टूबर 2023 तक रिलीज़ अन होने वाली अभी फिलहाल में पोस्टपोन की जा रही है उसके बाद में इस फिल्म की जो निर्धारित रिलीज डेट निकल के आई थी वो थी 20 अक्टूबर 2023 और 20 अक्टूबर 2023 को फिल्म को रिलीज़ भी किया था क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से एक मिक्स रिस्पांस लेने के साथ इस फिल्म ने आई एम के ऊपर ग्यारह हज़ार वोट हासिल किए जिसमें 6.1 की रेटिंग हासिल हुई 10 में से जहां पे इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे भी कुछ ऐसा ही कलेक्शन किया था पहले दिन इस फिल्म ने करीबन पचास लाख का कलेक्शन किया था दूसरे दिन चालीस लाख का तीसरे दिन भी चालीस लाख का कलेक्शन किया तो फ्राइडे सेटरडे संडे तीन दिनों का कलेक्शन करीबन एक करोड़ तीस लाख का नेट कलेक्शन इंडिया से निकला पूरे वीक में भी ऐसे ही कमाल रहा फिल्म का बीस लाख अट्ठारह लाख सत्रह लाख पंद्रह लाख जैसा कलेक्शन किया सात दिनों में फिल्म Uh, किसी तरह से दो करोड़ के आसपास पहुंची दूसरे वीक में फिल्म पूरी तरह से निकल चुकी थी थिएटर्स में जहां पे सिर्फ दस लाख का इस फिल्म ने कलेक्शन किया जिसके चलते इस फिल्म का जो इंडिया का नेट कलेक्शन था वो था दो करोड़ दस लाख ग्रोस कलेक्शन था वो दो करोड़ पचास लाख और इसमें सिर्फ सत्रह लाख का कलेक्शन किया जिसके चलते वर्ल्ड वाइड लेवल का जो लाइफ टाइम ग्रोस कलेक्शन था फिल्म का था दो करोड़ सड़सठ लाख इसके चलते इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे एक काइंड ऑफ बॉक्स ऑफिस बॉम्ब टाइप

मैक्स टेलीविजन चैनल के ऊपर एक बार फिर रिपीट कर देता हूं कि यार यार टू फिल्म अगर आपने नहीं देखी है या फिर देखना चाहते हो तो इस टेन अलोन सिकोल वाली फिल्म को आप ऑफिशियली देख सकते हो उस जियो सिनेमा के ऊपर जहाँ पे फिल्म विथ इंग्लिश सब आपको बिल्कुल फ्री में, प्री में प्रीमियर होती हुई नजर आएगी इसके अलावा इस फिल्म का जो हिंदी सेटेलाइट वर्जन है वो आपको देखने को मिलेगा सोनीमैक्स और सोनीमैक्स एच डी चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में तो इस तरह से यार टू या फिल्म आप ऑफिशियली ओटीटी और सैटेलाइट दोनों प्लेटफॉर्म के ऊपर फ्री में एंजॉय कर पाओगे यार टू जो 2023 की एक इंडियन हिंदी लैंग्वेज फिल्म है फिल्म का जो है कमिंग ऑफ एज ड्रामा जहाँ पे फिल्म बेंगलोर डेज जो 2014 में आई हुई थी मलयालम लैंग्वेज में वो भी कमिंग ऑफ एज रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा फिल्म थी तो उसके रीमेक करके इस फिल्म को बनाया हुआ है वैसे बेंगलोर डेज का तमिल लैंग्वेज में बेंगलोर नाटकल करके भी रीमेक बनाया हुआ था जहाँ पे इस फिल्म का जो मलयालम वर्जन है उसको लिखा और डायरेक्ट किया हुआ था अंजलि मेनन ने स्टोरी आइडिया से लेकर डायलॉग स्क्रिप्टिंग एक्शन प्ले डायरेक्शन सभी चीज़ें उन्होंने की हुई थी उसमें उन्होंने नवीन पोली नजरिया नज़ीम दुलकर सलमान फाद फासिल ईसा तलवार पार्वती थुरुवो तो नित्या मेनन जैसे एक्टर्स को लिया हुआ था सिर्फ आठ करोड़ के बजट में बनी फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर दो में पैंतालीस करोड़ से ज़्यादा का ग्रोस कलेक्शन किया था और बॉक्स ऑफिस पे वो फिल्म काफ़ी बड़ी ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी उसके बाद में उन्होंने इस फिल्म के रीमेक राइट्स थे वो तमिल वर्जन में बेचे थे जहाँ दो हजार सोलह में इस फिल्म का तमिल रीमेक बना उस फिल्म के लीड रोल में थे उस फिल्म को डायरेक्ट भास्कर ने किया था जहाँ पेड दिव्या राणा दघुबती पार्वती तिरुवती राय लक्ष्मी परिसा लक्ष्मी प्रकाश राज और का केमियो था बॉक्स ऑफिस पे उस फिल्म ने अठारह करोड़ के बजट के सामने तीस करोड़ का क्रॉस कलेक्शन किया और तमिल वर्जन भी एक सक्सेसफुल वर्जन साबित हुआ था उसके बाद में दो में इस फिल्म का हिंदी रीमेक बनाया गया जिसका नाम रखा हुआ है यारिया टू वैसे यारिया जो पहला पार्ट भी 2014 में ही आया था, पे उस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे कुछ पचास करोड़ से ज्यादा का, का कलेक्शन किया था बॉक्स ऑफिस पे यार पहला पार्ट सक्सेसफुल रहा था जहाँ पे हिमांश कोहली राकुलप्रीत सिंह एविलियन शर्मा और निकोल फेरिया जैसे एक्टर्स लीड रोल में थे और उसके बाद में उन्होंने दियारिया टू दो हज़ार तेईस में एक रीमेक फिल्म बनाने का फैसला लिया जहाँ पे स्टोरी वाइज कोई कनेक्शन नहीं है और इस बार दिव्या खोसला कुमार खुद इस फिल्म में एज एक, एक्टर के तौर पे जुड़ी जहाँ पे फिल्म को लिखा और डायरेक्ट किया हुआ है राधिका राव और विनय सपरू ने जिन्होंने इससे पहले कई फिल्मों को टिरे किया हुआ था साथ ही में जहाँ पे एज़ ए डिरेक्टर के तौर पे सनम तेरी कसम आई लव न्यूअर लकी नो टाइम फॉर लव जैसी फिल्मों को उन्होंने डायरेक्ट किया हुआ था इस फिल्म का भी स्टोरी आइडिया डायलॉग स्क्रिप्टिंग स्क्रीन प्ले डिरेक्शन वो सभी चीज़ें उन्होंने ही की हुए वैसे ओरिजिनल स्टोरी तो अंजलि मेनन की ही थी लेकिन उसके ऊपर जो हिंदी नेरेशन है वो उन्होंने क्रिएट किया था हिंदी स्क्रीन प्ले उनके द्वारा लिखा गया था जहाँ पे इस फिल्म को प्रोड्यूस करते हुए नजर आए आयुष महेश्वरी कृष्णा कुमार दिव्या खोसला कुमार भूषण कुमार जिसको प्रोडक्शन uh, कंपनीज जैसे कि राव एंड सप्रो फिल्म टी सीरीज फिल्म बी एल एम मोशन पिक्चर्स प्रोडक्शन कंपनी के नीचे फिल्म को प्रोड्यूस किया गया सेंसर बोर्ड की तरफ से इस फिल्म को यूएस सर्टिफिकेट मिला जहां पे डिस्ट्रीब्यूशन का कमान था वो ए फिल्मों ने संभाला हुआ था यानी कि अनिल थड़ानी ने जिन्होंने एक डिसेंट रिलीज दिलवाई हुई थी फिल्म का रन टाइम एक मिनट था यानी कि दो घंटे अट्ठाईस मिनट लंबी फिल्म थी जिसको एडिट किया हुआ था अभिषेक कुमार सिंह ने सिनेमेटोग्राफी थी और रवि यादव ने की हुई थी लीड रोल में दिव्या घोसला कुमार गुप्ता गुप्ता पर्ल पुरी मिजान जाफरी राजन भाग्यश्री बोरसे और वरीना हुसैन जैसे एक्टर्स देखने को मिले जहां पे इस फिल्म की म्यूजिक डिपार्टमेंट में भी अलग अलग म्यूजिक अलगोजर और सिंगर से जहाँ पे बैकग्राउंड जे मेट ने कम्पोज किया हुआ था म्यूजिक के टी सीरीज वालों ने अपने ही पास रखे हुए थे जब इस फिल्म का पहला साउंड ट्रैक रिलीज किया गया था वो करीबन पैंतीस मिनट का था जिसमें करीबन आ, कुछ गाने थे लेकिन उसके बाद में उन्होंने एक सेकंड साउंड ट्रैक जो रिलीज किया हुआ था वो साउंड ट्रैक काफी बड़ा था तो वो साउंड ट्रैक करीबन एक घंटे ग्यारह मिनट सेतालीस सेकंड का था तो उसके ऊपर बातचीत करें तो ट्रैक लिस्टिंग का थे पहला गाना सोरेगर जिसको गाया हुआ था विशाल मिश्रा मनन भाद्वाज नीति मोहन उसका म्यूजिक और लिखावट था मनन भारद्वाज ने दिया था दूसरा गाना सिमरून तेरा नाम उसको सचिन टंडन ने गाया था म्यूजिक मनन भारद्वाज का था और लिरिक्स भी उन्होंने लिखे हुए थे ऊँची ऊँची दीवारें गाने को अरिजीत सिंह ने गाया मनन भारद्वाज ने म्यूजिक दिया लिरिक्स भी मनन भारद्वाज के ही थे ब्लू है पानी पानी तो वो जो गाना था वो रिक्रिएट किया गया था इस फिल्म के लिए जिसको नेहा कक्कर अरिजीत सिंह ने गाया था खाली पियो हनी सिंह ने उसको लिखा और म्यूजिक दोनों दिया हुआ था बेवफा वफा तो गाने को जुबिन नोटियाल ने गाया था मनन भारद्वाज ने म्यूज़िक दिया था मनन भारद्वाज रहीम शाह और शमसुल हसन सेम्स उन्होंने इस गाने को लिखा हुआ था सूट पटियाला गाने को म्यूजिक दिया हुआ था मनन भारद्वाज ने गाया हुआ था गुरु रंधावा नेहा कक्कर मनन भारद्वाज और लिरिक्स भी मनन भारद्वाज की ही थी हीर भी रोए गाने को तो वो लिखा हुआ था परम्परा टन सॉरी गाया हुआ था परम्परा टंडन ने और लिरिक्स से वो मनन भारद्वाज के थे म्यूजिक भी उनका ही था ठीक उसी तरह पीने दे गाने के भी लिरिक्स और म्यूजिक उन्होंने ही क्रिएट किए हुए थे और मास्टर सलीम और मिलिंद गाबा के द्वारा वो गाना गवाया गया था सनी सनी जो ब्लू है पानी पानी वाला था उसका एक और वर्ज़न फिल्म में था सनी सनी टू पॉइंट ओ जिसका जो सिंगिंग है वो काम संभाला हुआ था यो हनी सिंह नेहा कक्कर ने खाली पौर यो हनी सिंह के द्वारा उन गानों को लिखा और कंपोज़ किया गया था खोसा गया हूँ गाने को यो, यो हनी सिंह मन्नत भारद्वाज ने म्यूजिक दिया हुआ था उन्होंने ही गाया हुआ था नेहा कक्कर ने इसमें लेडीज़ का वर्जन गाया हुआ था आजा मेरी जान करके जो गाना था वो भी इस फिल्म में एक करीबन का ग्यारहवा ट्रैक था जिसको मयूरपुरी ने लिखा हुआ था डीजे जे फुकान और आर डी बर्मा ने उसको म्यूजिक दिया था मोली दवे ने गाया हुआ था फुल्स गेम को आरो वेलनकर ने गाया हुआ था राधिका सदराव और विनेश अपू जो फिल्म के डायरेक्टर है उन्होंने इसमें लिरिक्स और कंपोजिशन की हुई थी तेरी लोद नहीं करके जो रब्बा वाला जो गाना था उसको अभिजीत वाघानी ने म्यूजिक दिया हुआ था इंदर चहल आशीस कौर ने गाया हुआ था देव कोहली और कुमार ने उसको लिखा हुआ था चाहता यानी कि दर्द करके जो जो अलग अलग टाइटल दिया हुआ है लेकिन गाना एक ही है उसको अभिजीत तो वाघानी ने म्यूजिक दिया हुआ था जॉर्डन संधु पलक मच्छल ने गाया था निर्माण ने उसको लिखा हुआ था और चिरैया गाने को राम संपत ने म्यूजिक दिया था सवानंद किरकिरी ने लिखा हुआ था क्या भट्टाचार्य जिन्हें उसको गाया हुआ था रोइना यानी कि माही वे जो गाना था उसको भी निर्माण ने ही लिखा हुआ था कनिका कपूर और निंजा ने गाया हुआ था अभिजीत वाघानी ने उसका म्यूजिक दिया हुआ था सेट मी फ्री गाने को तो गाया हुआ था मृगंका भट्टाचार्य जी ने और विनय सप्रू राधिका राव के द्वारा उस गाने को कंपोज किया गया था और लिरिक्स भी उन्होंने ही लिखे हुए थे दिन सगनादा गाने को जसलिन रॉयल ने गाया हुआ था कंपोजिशन भी उनकी थी लेकिन लिरिक्स थे और नीरज राजवत ने लिखे हुए थे चांद कित्ता करके जो गाना था यानी कि मेरे सोनिया उसको लिखा हुआ था इर्सात कामिल कुमार ने और उसके बाद में उसको वाघाणी अभिजीत ने उसको गाया म्यूजिक दिया हुआ था कोर भी और अखिल सदेवा ने उसको गाया हुआ था तो इस तरह से उन्नीस ट्रैक थे जिसकी लेंथ थी एक घंटा ग्यारह मिनट सेतालीस सेकंड एक इस फिल्म का एक गाना एक पहले फास्ट साउंड ट्रेक वर्जन रिलीज़ किया गया था पैंतीस चालीस मिनट का वो चौबीस सेप्टेम्बर दो को टी सीरीज़ के द्वारा रिलीज़ करवाया गया उसके बाद में ये उन्नीस ट्रैक वाला जो वर्जन है वो सेकंड साउंड ट्रैक के तौर पे चार नवंबर 2023 को रिलीज़ किया जिसके चलते टोटल अभी 19 गाने अगर आपको फिलहाल में ऑफिशियली सुनना है तो टी सीरीज़ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर सुन सकते हो वैसे इस फिल्म के रिगार्डिंग थोड़ी बहुत कॉन्ट्रोवर्सीज भी हुई थी जो सिख कम्युनिटी है उसको जिस तरह से इसमें प्रेजेंट किया गया था कुछ ऐसी चीज़ें थी जो अन इंटेंशनली मेकर्स का कहना था कि वो रिलीजियस सेंटिमेंट को हर्ट कर रही थी इसकी वजह से उन्होंने वो उन उन लोगों से माफ़ी भी मांगे और उसके बाद में उस सीन्स को रिमूव भी कर दिया था फिल्म से वैसे इस फिल्म की कास्टिंग के ऊपर बातचीत करें तो फिल्म का जो लीड रोल किरदार यानी कि लाडी चिब्बर लाडी सिंह कतियाल वाला जो रोल था जो अबई की वाइफ का रोल था वो दिव्या घोसला कुमार ने प्ले किया हुआ था लाडी के हस्बैंड अभय सिंह के रोल में गुप्ता देखने को मिलेंगे बज्जू यानी कि बजरंग दास खत्री जो लादी का कजिन था उसका रोल पलवी पूरी ने किया हुआ है प्ले लादी के एक और कजिन थे जो एक मोटो क्रॉस रेसर और पिज्जा डिलीवरी बॉय थे जिसका नाम था शिखर रंधावा उसका रोल प्ले किया हुआ है मिजान जाफरी ने इखरू अवस्थी या रू का रोल था वंशवारा राजन ने प्ले किया हुआ जो एक ट्रेन टिकट काउंटर थे और शिखर का लव इंटरेस्ट थी लेटर ऑन उनकी वाइफ भी बन जाती है राजी का जो रोल था राजी लक्ष्मी करिप्पया जो एक पेंटर थी अभिया की लेट गर्लफ्रेंड थी वो रोल प्ले किया हुआ है भाग्यश्री बोर्से ने इसके अलावा इस फिल्म में आपको बज्जू के साथ एक ब्रीफ एनकाउंटर देखने को मिलता है एक एयर होस्टेस का जिसका नाम था सोना वो रोल वरीना हुसैन ने प्ले किया हुआ है कर, मिस्टर करियप्पा जो राजलक्ष्मी के फादर का नाम था वो रोल मुरली शर्मा ने प्ले किया हुआ है इसके अलावा इस फिल्म में आपको देखने को मिलते हैं राज लक्ष्मी के माँ के रोल में मिस करियप्पा का जो रोल था वो प्ले किया प्यो मोरी मेहता घोष ने इसके अलावा मिस टिब्बर जो लाडी की माँ का रोल था वो प्ले किया लिलिटिन दुबे ने इसके अलावा बज्जू के ऑफिस बॉस का जो रोल है वो सुधीर पांडे ने प्ले किया हुआ था बज्जू ऑफिस के बॉस के भाई का जो रोल था छोटे भाई का रोल वो प्ले किया हुआ था ऋतुराज सिंह ने और इस फिल्म में आपको सिरा के रोल में साक्षी प्रधान देखने को मिलती है जो एक रू की सिस्टर और फीमेल लोको पायलट का रोल प्ले करती है नजर आई है सूट पटियाला गाने में लाडी के फ्रेंड और उसके हस्बैंड का जो रोल है इस फिल्म में आपको मानसी मोग और करण सिंह छाबरा प्ले करते हुए नज़र आएंगे सिद्धार्थ मेनन जो इस फिल्म में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हुए नजर आते हैं जहाँ पे उन्होंने एक सिंगर का रोल प्ले किया हुआ है जो बचपन से लाडी से प्यार करता हुआ नजर आता है और वो उनके सुटपटिया लगाने में डांस पार्टनर भी रहे हरमनजीत सिंह इस फिल्म में एक अपोजिट मेंबर के अपोजिट टीम के मेंबर के तौर पे दिखाई देते हैं और शिखर का राइवल का रोल प्ले किया हुआ है रूहू की कलिक फ्रेंड का रोल आकांक्षा सिंह ने प्ले किया हुआ है सोना के बॉयफ्रेंड के रोल में अक्षित सुखीजा देखने को मिलते हैं ब्यूटी कंटेस्ट एंकर का जो रोल है वो द्राक्ता जी ने प्ले किया हुआ है इसके अलावा इस फिल्म में बाजू की मां का जो रोल है वो प्ले किया है उषा सुब्रमण्यम ने देवी की जो बज्जू के वाइफ का रोल था वो प्रिया प्रकाश वोरियर ने प्ले किया हुआ है तो वो एक केमियो रोल था तो इस तरह से ये आर्टिस्ट थे जिन्होंने इसमें महत्वपूर्ण रोल प्ले किए हुए हैं इस फिल्म की अनाउंसमेंट 2022 में की गई थी पहले इस फिल्म के राइट्स लिए गए थे 2022 के स्टार्टिंग में उसके बाद में अक्टूबर 2022 में फिल्म को वैसे अनाउंस भी किया गया था जहाँ पे जब राइट्स लिए गए थे उसके कुछ समय के बाद कास्टिंग कंप्लीट करवाई गई थी उसके बाद में इस फिल्म को जून 2022 में शिमला में हिमाचल प्रदेश में शूट करना स्टार्ट किया गया था उसके बाद में उस शेड्यूल को कंप्लीट करवाने के बाद आ, उसका नेक्स्ट शेड्यूल था वो मुंबई में रखा हुआ था जहाँ पे इस फिल्म को चारने रोड रेलवे स्टेशन ओवरब्रिज में भी शूट किया हुआ था उसके बाद में कुछ पार्ट वाइज फिल्म के अलग अलग शेड्यूल्स थे वो यूके में भी शूट किए गए थे उस शेड्यूल्स के दौरान एक सिक्वेंस एक सन सा, सिक्वेंस के दौरान दिव्या खोसला कुमार भी इंजर हुई थी जिसके चलते वो फिल्म की शूटिंग रुकी थी उसके बाद में इस फिल्म के कुछ फाइनल सीन्स थे उसको बेंगलोरु में शूट किया था मुंबई में कुछ पेचवर्क का काम भी चला था उसके बाद में इस फिल्म की फिल्मिंग पूरी तरह से कंप्लीट करवाई गई थी जब फिल्म को अनाउंस किया गया था अक्टूबर दो को तब ऑफिशियली इस फिल्म की जो रिलीज़ डेट थी वो मई दो के अनाउंस की गई थी लेटर ऑन जनवरी दो में टी सीरीज़ जो इस फिल्म के मेकर्स हैं उनकी तरफ रिवील किया गया कि फिल्म अक्टूबर 2023 तक रिलीज अन होने वाली अभी फिलहाल में पोस्टपोन की जा रही है उसके बाद में इस फिल्म की जो निर्धारित रिलीज डेट निकल के आई थी वो थी 20 अक्टूबर 2023 और 20 अक्टूबर 2023 को फिल्म को रिलीज़ भी किया था क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से एक मिक्स रिस्पॉन्स लेने के साथ इस फिल्म ने आई एम के ऊपर ग्यारह वोट हासिल किए जिसमें छः की रेटिंग हासिल हुई दस में से जहाँ पे इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे भी कुछ ऐसा ही कलेक्शन किया था पहले दिन इस फिल्म ने करे, करीबन पचास लाख का कलेक्शन किया था दूसरे दिन चालीस लाख का तीसरे दिन भी चालीस लाख का कलेक्शन किया तो फ्राइडे सेटरडे संडे तीन दिनों का कलेक्शन करीबन एक करोड़ तीस लाख का नेट कलेक्शन इंडिया से निकला पूरे वीक में भी ऐसा ही कमाल रहा फिल्म का बीस लाख अट्ठारह लाख सत्रह लाख पंद्रह लाख जैसा कलेक्शन किया सात दिनों में फिल्म आ, किसी तरह से दो करोड़ के आसपास पहुंची दूसरे वीक में पूरे फिल्म पूरी तरह से निकल चुकी थी थिएटर्स में जहां पे सिर्फ दस लाख का इस फिल्म ने कलेक्शन किया जिसके चलते इस फिल्म का जो इंडिया का नेट कलेक्शन था वो था दो करोड़ दस लाख ग्रोस कलेक्शन था वो दो करोड़ पचास लाख और इसमें सिर्फ सत्रह लाख का कलेक्शन किया जिसके चलते वर्ल्ड वाइड लेवल का जो लाइफ टाइम ग्रोस कलेक्शन था फिल्म का था दो करोड़ सड़सठ लाख इसके चलते इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे एक काइंड ऑफ बॉक्स ऑफिस बॉम्ब टाइप ऑफ कलेक्शन करके दिखाया है और इस फिल्म के ओ टी टी सेटेलाइट राइट्स पहले ही बेच दिए गए थे जहाँ पे ओ टी टी राइट जियो सिनेमा के पास थे सेटेलाइट राइट्स थे सोनी मैक्स के पास पहले इस फिल्म को सोनी पे प्रीमियर करवाया गया जहाँ पे लेटर वन जियो सिनेमा के ऊपर इस फिल्म को प्रीमियर करवाया गया फिलहाल में इस फिल्म को अगर आपको ऑफिशियली देखना है तो जियो सिनेमा के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल हिंदी वर्जन में देख सकते हो जहाँ पे फिल्म यार ए टू नाम के साथ फ्री में देखने को मिल जाएगी ठीक उसी तरह इस फिल्म का सेटेलाइट वर्जन है वो आपको बिल्कुल फ्री में प्रीमियर होता हुआ नजर आएगा सोनी टेलीविजन चैनल के ऊपर एक बार फिर रिपीट कर देता हूं कि यार यार टू फिल्म अगर आपने नहीं देखी है या फिर देखना चाहते हो तो इस टेन अलोन सिक्वल वाली फिल्म को आप ऑफिशियली देख सकते हो जियो सिनेमा के ऊपर पे फिल्म इंग्लिश आपको बिल्कुल फ्री में प्रीमियर होती हुई नजर आएगी इसके अलावा इस फिल्म का जो हिंदी सेटेलाइट वर्जन है वो आपको देखने को मिलेगा सोनी मैक्स और सोनीमैक्स एच डी चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में तो इस तरह से यार यार टू फिल्म आप ऑफिशियली ओटीटी और सैटेलाइट दोनों प्लेटफॉर्म के ऊपर फ्री में इंजॉय कर पाओगे यार यार टू जो 2023 की एक इंडियन हिंदी लैंग्वेज फिल्म है फिल्म का जोनर है कमिंग ऑफ एज ड्रामा जहाँ पे फिल्म बेंगलोर डेज जो 2014 में आई हुई थी मलयालम लैंग्वेज में वो भी एक कमिंग ऑफ एज रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा फिल्म थी तो उसके रिमेक करके इस फिल्म को बनाया हुआ है वैसे बेंगलोर डेज का तमिल लैंग्वेज में बेंगलोर नाटकल करके भी रीमेक बनाया हुआ था जहाँ पे इस फिल्म का जो मलयालम वर्जन है उसको लिखा और डायरेक्ट किया हुआ था अंजलि मेनन ने स्टोरी आइडिया से लेकर डायलॉग स्क्रिप्टिंग एक्शन प्ले डायरेक्शन सभी चीज़ें उन्होंने ही की हुई थी उसमें उन्होंने नवीन पोली नजरिया नजीम दुलकर सलमान फाद फासिल इस तलवार पार्वती थोड़ी नित्या मेनन जैसे एक्टर्स को लिया हुआ था सिर्फ आठ करोड़ के बजट में बनी फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे दो में पैंतालीस करोड़ से ज़्यादा का ग्रोस कलेक्शन किया था और बॉक्स ऑफिस पे वो फिल्म काफी बड़ी ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी उसके बाद में उन्होंने इस फिल्म के रीमेक राइट थे वो तमिल वर्जन में बेचे जहाँ पे 2016 में इस फिल्म का तमिल रीमेक बना उस फिल्म के लीड रोल में थे उस फिल्म को डायरेक्ट भास्कर ने किया था जहाँ पे लीड रोल में आर्या बॉबी महा श्री दिव्या राणा दघुबाती पार्वती तिरुवती राय लक्ष्मी परिसा लक्ष्मी प्रकाश राज और समन्ता का केम्यो था बॉक्स ऑफिस पे उस फिल्म ने अट्ठारह करोड़ के बजट के सामने तीस करोड़ का क्रॉस कलेक्शन किया और तमिल वर्जन भी एक सक्सेसफुल वर्जन साबित हुआ था उसके बाद में 2023 में इस फिल्म का हिंदी रीमेक बनाया गया जिसका नाम रखा हुआ है यारिया टू वैसे यारिया जो फ्रेंचाइज है पहला पार्ट भी 2014 में ही आया था जहाँ पे उस फिल्म के साथ साथला जो है फिल्म की डायरेक्टर यानी कि दिव्या खोसला कुमार उन्होंने इस फिल्म के साथ डायरेक्शन न संभाला था दस करोड़ के बजट में बनी फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे कुछ पचास करोड़ से ज़्यादा का कलेक्शन किया था बॉक्स ऑफिस पे यार का पहला पार्ट सक्सेसफुल रहा था जहाँ पे हिमांश कोहले राकुलप्रीत सिंह विलियन शर्मा और निकोल फेरिया जैसे एक्टर्स लीड रोल में थे और उसके बाद में उन्होंने तेईस में एक रिमिक फिल्म बनाने का फैसला लिया जहाँ पे स्टोरी वाइज कोई कनेक्शन नहीं है और इस बार दिव्या खोसला कुमार खुद इस फिल्म में एक, एक्टर के तौर पे जुड़ी जहाँ पे फिल्म को लिखा और डायरेक्ट किया हुआ है राधिका राव और विनय सपरू ने जिन्होंने इससे पहले कई फिल्मों को डिर किया हुआ था साथ ही में जहाँ पे एज ए डिरेक्टर के तौर पे सनम तेरी कसम आई लव और लकी नो टाइम फॉर लव जैसी फिल्मों को उन्होंने डिरेक्ट किया हुआ था इस फिल्म का भी स्टोरी आइडिया डायलॉग स्क्रिप्टिंग स्क्रीन प्ले डिर वो सभी चीज़ें उन्होंने ही की हुए वैसे ओरिजिनल स्टोरी तो अंजलि मेनन की ही थी लेकिन उसके ऊपर जो हिंदी नेरेशन है वो उन्होंने क्रिएट किया था हिंदी स्क्रीन प्ले उनके द्वारा लिखा गया था जहाँ पर इस फिल्म को प्रोड्यूस करते हुए नजर आए आयुष महेश्वरी कृष्णा कुमार दिव्य खोसला कुमार भूषण कुमार जिसको प्रोडक्शन कंपनीज जैसे कि राव एंड सप्रो फिल्म टी सीरीज फिल्म्स बीएलएम मोशन पिक्चर्स प्रोडक्शन कंपनी के नीचे फिल्म को

जहाँ पे इस फिल्म की म्यूज़िक डिपार्टमेंट में भी अलग अलग बे म्यूजिक कंपोजर और सिंगर से जहाँ पे बैकग्राउंड को था जे मेट ने कंपोज़ किया हुआ था म्यूजिक के राइट टी सीरीज वालों ने अपने ही पास रखे हुए थे जब इस फिल्म का पहला साउंड ट्रैक रिलीज किया गया था वो करीबन पैंतीस मिनट का था जिसमें करीबन आ, कुछ गाने थे लेकिन उसके बाद में उन्होंने एक सेकंड साउंड ट्रैक जो रिलीज किया हुआ था वो साउंड ट्रैक काफ़ी बड़ा था तो वो साउंड ट्रैक करीबन एक घंटे ग्यारह मिनट से सैंतालीस सेकंड का था तो उसके ऊपर बातचीत करें तो ट्रैक लिस्टिंग का थे पहला गाना सोरेगर जिसको गाया हुआ था विशाल मिश्रा मनन भाद्वाज नीति मोहन उसका म्यूजिक और लिखावट था मनन भारद्वाज ने दिया था दूसरा गाना सिमरून तेरा नाम उसको सचिन टंडन ने गाया था म्यूजिक मनन भारद्वाज का था और लिरिक्स भी उन्होंने लिखे हुए थे ऊँची ऊँची दीवारें गाने को अरिजीत सिंह ने गाया मनन भारद्वाज ने म्यूजिक दिया लिरिक्स भी मनन भारद्वाज के ही थे ब्लू है पानी पानी तो वो जो गाना था वो रिक्रिएट किया गया था इस फिल्म के लिए जिसको नेहा कक्कर अरिजीत सिंह ने गाया था खाली पियो हनी सिंह ने उसको लिखा और म्यूज़िक दोनों दिया हुआ था बेवफा वफात गाने को जुबिन नोटियाल ने गाया था मनन भारद्वाज ने म्यूज़िक दिया था मनन भारद्वाज रहीम शाह और शमसुल हसन सेम्स से उन्होंने इस गाने को लिखा हुआ था सूट पटियाला गाने को म्यूजिक दिया हुआ था मनन भारद्वाज ने गाया हुआ था गुरु रंधावा नेहा कक्कर मनन भारद्वाज और लिरिक्स भी मनन भारद्वाज की ही थी हिर भी रोए गाने को तो वो लिखा हुआ था परम्परा टन सॉरी गाया हुआ था परम्परा टंडन ने और लिरिक्स से वो मनन्त भारद्वाज के थे म्यूजिक भी उनका ही था ठीक उसी तरह पीने दे गाने के भी लिरिक्स और म्यूजिक उन्होंने ही क्रिएट किए हुए थे और मास्टर सलीम और मिलिंद गाबा के द्वारा वो गाना गवाया गया था सनी सनी जो ब्लू है पानी पाने वाला था उसका एक और वर्ज़न फिल्म में था सनी सनी टू पॉइंट ओ जिसका जो सिंगिंग है वो काम संभाला हुआ था यो, यो हनी सिंह नेहा कक्कर ने खालिफ और यो हनी सिंह के द्वारा उन गानों को लिखा और कंपोज़ किया गया था खोसा गया हूँ गाने को यो हनी सिंह मनन्द भारद्वाज ने म्यूजिक दिया हुआ था उन्होंने ही गाया हुआ था नेहा कक्कर ने इसमें लेडीज़ का वर्ज़न गाया हुआ था आजा मेरी जान करके जो गाना था वो भी इस फिल्म में एक करीबन का ग्यारहवा ट्रैक था जिसको मयूरपुरी ने लिखा हुआ था डीजे जे फुकान और आर डी बर्मा ने उसको म्यूजिक दिया था मोली दवे ने गाया हुआ था फुल्स गेम को आरो वेलनकर ने गाया हुआ था राधिका सजराव और विनेश अपू जो फिल्म के डायरेक्टर है उन्होंने इसमें लिरिक्स और कंपोजिशन की हुई थी तेरी लोद नहीं करके जो रब्बा वाला जो गाना था उसको अभिजीत वाघानी ने म्यूज़िक दिया हुआ था इंदर चहल असिस कौर ने गाया हुआ था देव कोहली और कुमार ने उसको लिखा हुआ था चाहता यानी कि दर्द करके जो जो अलग अलग टाइटल दिया हुआ है लेकिन गाना एक ही है उसको अभिजीत वाघानी ने म्यूज़िक दिया हुआ था जॉर्डन संतु पलक मच्छल ने गाया था निर्माण ने उसको लिखा हुआ था और चिरैया गाने को राम संपत ने म्यूजिक दिया था सवानंद किरकिरी ने लिखा हुआ था मरिंग क्या भट्टाचार्य जी ने उसको गाया हुआ था रोइना यानी कि माही वे जो गाना था उसको भी निर्माण ने ही लिखा हुआ था कनिका कपूर और निंजा ने गाया हुआ था अभिजीत वाघानी ने उसका म्यूजिक दिया हुआ था सेठमी फ्री गाने को तो गाया हुआ था मृगंका भट्टाचार्य जी ने और विनय सप्रू राधिका राव के द्वारा उस गाने को कंपोज किया गया था और लिरिक्स भी उन्होंने ही लिखे हुए थे दिन सगनादा गाने को जसलिन रॉयल ने गाया हुआ था कंपोजिशन भी उनकी थी लेकिन लिरिक्स थे और नीरज राजवत ने लिखे हुए थे चांद कित्ता करके जो गाना था यानी कि मेरे सोनिया उसको लिखा हुआ था इर्षा कामिल कुमार ने और उसके बाद में उसको वाघाणी अभिजीत ने उसको गाया म्यूजिक दिया हुआ था कोर भी और अखिल सदेवा ने उसको गाया हुआ था तो इस तरह से उन्नीस ट्रैक थे जिसकी लेंथ थी एक घंटा ग्यारह मिनट सेतालीस सेकंड एक इस फिल्म का एक गाना एक पहले फास्ट साउंड ट्रेक वर्जन रिलीज़ किया गया था पैंतीस चालीस मिनट का वो चौबीस सितंबर 2023 को टी सीरीज के द्वारा रिलीज़ करवाया गया उसके बाद में ये उन्नीस ट्रैक वाला जो वर्जन है वो सेकंड साउंड ट्रेक के तौर पर चार नवंबर दो को रिलीज़ किया जिसके चलते टोटल अभी उन्नीस गाने अगर आपको फिलहाल में ऑफिशियली सुनना है तो टी सीरीज के ऑफिशियल यूटूब चैनल के ऊपर सुन सकते हो वैसे इस फिल्म के रिगार्डिंग थोड़ी बहुत कॉन्ट्रोवर्सीज भी हुई थी जो सिख कम्युनिटी है उसको जिस तरह से इसमें प्रेजेंट किया गया था कुछ ऐसी चीज़ें थी जो अन इंटेंशनली मेकर्स का कहना था कि वो रिलीजियस सेंटिमेंट को हर्ट कर रही थी इसकी वजह से उन्होंने वो उन उन लोगों से माफ़ी भी मांगे और उसके बाद में उस उसे को रिमूव भी कर दिया था फिल्म से वैसे इस फिल्म की कास्टिंग के ऊपर बातचीत करें तो फिल्म का जो लीड रोल किरदार यानी कि लाडी चिब्बर लाडी सिंह कतियाल वाला जो रोल था जो अबई की वाइफ का रोल था वो दिव्या घोसला कुमार ने प्ले किया हुआ था लाडी के हस्बैंड अभय सिंह कत्याल के रोल में गुप्ता देखने को मिलेंगे बज्जू यानी कि बजरंग दास खत्री जो खतरी का कजिन था उसका रोल पल पूरी ने किया हुआ है प्ले लादी के एक और कजिन थे जो एक मोटो क्रॉस रेसर और पिज्जा डिलीवरी बॉय थे जिसका नाम था शिखर रंधावा उसका रोल प्ले किया हुआ है मिजान जाफरी ने इखर अवस्थी या रू का रोल था वंशवारा राजन ने प्ले किया हुआ जो एक ट्रेन टिकट काउंटर थे और शिखर का लव इंटरेस्ट थी लेटर ऑन उनकी वाइफ भी बन जाती है राजी का जो रोल था राजी लक्ष्मी करिप्पया जो एक पेंटर थी अभय की लेट गर्लफ्रेंड थी वो रोल प्ले किया है भाग्यश्री बोरसे ने इसके अलावा इस फिल्म में आपको बज्जू के साथ एक ब्रीफ एनकाउंटर देखने को मिलता है एक एयर होस्टेस का जिसका नाम था सोना वो रोल वरीना हुसैन ने प्ले किया हुआ है कर, मिस्टर करियप्पा जो राजलक्ष्मी के फादर का नाम था वो रोल मुरली शर्मा ने प्ले किया हुआ है इसके अलावा इस फिल्म में आपको देखने को मिलते हैं राज लक्ष्मी के माँ के रोल में मिस करियप्पा का जो रोल था वो प्ले किया प्यो मोरी मेहता घोस ने इसके अलावा मिस टिब्बर जो लाडी की माँ का रोल था वो प्ले किया लिलिटिन दुबे ने इसके अलावा बज्जू के ऑफिस बॉस का जो रोल है वो सुधीर पांडे ने प्ले किया हुआ था बज्जू ऑफिस के बॉस के भाई का जो रोल था छोटे भाई का रोल वो प्ले किया हुआ था ऋतुराज सिंह ने और इस फिल्म में आपको सीरा के रोल में साक्षी प्रधान देखने को मिलती है जो एक रू की सिस्टर और फीमेल लोको पायलट का रोल प्ले करती हुई नजर आई है सूट पटियाला गाने में लाडी के फ्रेंड और उसके हस्बैंड का जो रोल है इस फिल्म में आपको मानसी मोग और करण सिंह छाबरा प्ले करते हुए नज़र आएंगे सिद्धार्थ मेनन जो इस फिल्म में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हुए नजर आते हैं जहाँ पे उन्होंने एक सिंगर का रोल प्ले किया हुआ है जो बचपन से लाडी से प्यार करता हुआ नज़र आता है और वो उनके पटिया लगाने में डांस पार्टनर भी रहे हरमनजीत सिंह इस फिल्म में एक अपोजिट मेंबर के अपोजिट टीम के मेंबर के तौर पे दिखाई देते हैं और शिखर का राइवल का रोल प्ले किया हुआ है रूहू की कलिक फ्रेंड का रोल आकांक्षा सिंह ने प्ले किया हुआ है सोना के बॉयफ्रेंड के रोल में अक्षित सुखी जा देखने को मिलते हैं ब्यूटी कंटेस्ट एंकर का जो रोल है वो द्राक्ता जी ने प्ले किया हुआ है इसके अलावा इस फिल्म में बाजू की माँ का जो रोल है वो प्ले किया है उषा सुब्रमण्यम ने देवी की जो बज्जू के वाइफ का रोल था वो प्रिया प्रकाश वॉरियर ने प्ले किया हुआ है तो वो एक केमियो रोल था तो इस तरह से ये आर्टिस्ट थे जिन्होंने इसमें महत्वपूर्ण रोल प्ले किए हुए इस फिल्म की अनाउंसमेंट 2022 में की गई थी पहले इस फिल्म के राइट्स लिए गए थे 2022 के स्टार्टिंग में उसके बाद में अक्टूबर 2022 में फिल्म को वैसे अनाउंस भी किया गया था जहाँ पे जब राइट्स लिए गए थे उसके कुछ समय के बाद कास्टिंग कंप्लीट करवाई गई थी उसके बाद में इस फिल्म को जून 2022 में शिमला में हिमाचल प्रदेश में शूट करना स्टार्ट किया गया था उसके बाद में उस शेड्यूल को कंप्लीट करवाने के बाद आ, उसका नेक्स्ट शेड्यूल था वो मुंबई में रखा हुआ था जहाँ पे इस फिल्म को चारने रोड रेलवे स्टेशन और ब्रिज में भी शूट किया हुआ था उसके बाद में कुछ पार्ट वाइज फिल्म के अलग अलग शेड्यूल्स थे वो यूके में भी शूट किए गए थे उस शेड्यूल्स के दौरान एक सिक्वेंस एक, एक सन सिक्वेंस के दौरान दिव्या खोसला कुमार भी इंजर हुई थी जिसके चलते वो फिल्म की शूटिंग रुकी थी उसके बाद में इस फिल्म के कुछ फाइनल सीन्स थे उसको बेंगलुरु में शूट किया था मुंबई में कुछ पेचवक का काम भी चला था उसके बाद में इस फिल्म की फिल्मिंग पूरी तरह से कंप्लीट करवाई गई थी जब फिल्म को अनाउंस किया गया था अक्टूबर दो को तब ऑफिशियली इस फिल्म की जो रिलीज डेट थी वो मई दो के अनाउंस की गई थी लेटर ऑन जनवरी दो में टी सीरीज़ जो इस फिल्म के मेकर्स हैं उनकी तरफ रिवील किया गया कि फिल्म अक्टूबर 2023 तक रिलीज़ आन होने वाली अभी फिलहाल में पोस्टपोन की जा रही है उसके बाद में इस फिल्म की जो निर्धारित रिलीज डेट निकल के आई थी वो थी 20 अक्टूबर 2023 और 20 अक्टूबर 2023 को फिल्म को रिलीज़ भी किया था क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से एक मिक्स रिस्पॉन्स लेने के साथ इस फिल्म ने आई एम के ऊपर ग्यारह वोट हासिल किए जिसमें छः की रेटिंग हासिल हुई दस में से जहाँ पे इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे भी कुछ ऐसा ही कलेक्शन किया था पहले दिन इस फिल्म ने करीबन पचास लाख का कलेक्शन किया था दूसरे दिन चालीस लाख का, का तीसरे दिन भी चालीस लाख का कलेक्शन किया तो फ्राइडे सेटरडे संडे तीन दिनों का कलेक्शन करीबन एक करोड़ तीस लाख का नेट कलेक्शन इंडिया से निकला पूरे वीक में भी ऐसा ही कमाल रहा फिल्म का बीस लाख अट्ठारह लाख सत्रह लाख पंद्रह लाख जैसा कलेक्शन किया सात दिनों में फिल्म किसी तरह से दो करोड़ के आसपास पहुंची दूसरे वीक में फिल्म पूरी तरह से निकल चुकी थी थिएटर्स में जहां पे सिर्फ दस लाख का इस फिल्म ने कलेक्शन किया जिसके चलते इस फिल्म का जो इंडिया का नेट कलेक्शन था वो था दो करोड़ दस लाख ग्रोस कलेक्शन था वो दो करोड़ पचास लाख और इसमें सिर्फ सत्रह लाख का कलेक्शन किया जिसके चलते वर्ल्ड वाइड लेवल का जो लाइफ टाइम ग्रोस कलेक्शन था फिल्म का था दो करोड़ सड़सठ लाख इसके चलते इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे एक काइंड ऑफ बॉक्स ऑफिस बॉम्ब टाइप ऑफ कलेक्शन करके दिखाया है और इस फिल्म के ओ टी टी सेटेलाइट राइट पहले ही बेच दिए गए थे जहां पे ओ टी टी राइट जियो सिनेमा के पास थे राइट्स सोनी मैक्स के पास पहले इस फिल्म को सोनी पे प्रीमियर करवाया गया जहाँ पे लेटर वन जियो सिनेमा के ऊपर इस फिल्म को प्रीमियर करवाया गया फिलहाल में इस फिल्म को अगर आपको ऑफिशियली देखना है तो जियो सिनेमा के ऊपर विथ इंग्लिश सब हिंदी वर्जन में देख सकते हो जहाँ पे फिल्म यार ए टू नाम के साथ फ्री में देखने को मिल जाएगी ठीक उसी तरह इस फिल्म का सेटेलाइट वर्जन है वो आपको बिल्कुल फ्री में प्रीमियर होता हुआ नजर आएगा सोनी टेलीविजन चैनल के ऊपर एक बार फिर रिपीट कर देता हूं कि यार यार टू फिल्म अगर आपने नहीं देखी है या फिर देखना चाहते हो तो इस टेन अलोन सिकोल वाली फिल्म को आप ऑफिशियली देख सकते हो उस जियो सिनेमा के ऊपर जहाँ पे फिल्म विथ इंग्लिश सब आपको बिल्कुल फ्री में प्रीमियर होती हुई नजर आएगी इसके अलावा इस फिल्म का जो हिंदी सेटेलाइट वर्जन है वो आपको देखने को मिलेगा सोनीमैक्स और सोनीमैक्स एच डी चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में तो इस तरह से यार टू फिल्म आप ऑफिशियली ओटीटी और सैटेलाइट दोनों प्लेटफॉर्म के ऊपर फ्री में एंजॉय कर पाओगे यार यार टू जो 2023 की एक इंडियन हिंदी लैंग्वेज फिल्म है फिल्म का जो है कमिंग ऑफ एज ड्रामा जहाँ पे फिल्म बेंगलोर डेज जो 2014 में आई हुई थी मलयालम लैंग्वेज में वो भी एक कमिंग ऑफ एज रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा फिल्म थी तो उसके रीमेक करके इस फिल्म को बनाया हुआ है वैसे बेंगलोर डेज का तमिल लैंग्वेज में बेंगलोर नाटकल करके भी रीमेक बनाया हुआ था जहाँ पे इस फिल्म का जो मलयालम वर्जन है उसको लिखा और डिरेक्ट किया हुआ था अंजलि मेनन ने स्टोरी आइडिया से लेकर डायलॉग स्क्रिप्टिंग प्ले डरेक्शन सभी चीज़ें उन्होंने की हुई थी उस में उन्होंने नवीन पोली नजरिया नजीम दुलकर सलमान फासिल ईसा तलवार पार्वती थ्रीव नित्या मेनन जैसे एक्टर्स को लिया हुआ था सिर्फ आठ करोड़ के बजट में बनी फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे दो में पैंतालीस करोड़ से ज्यादा का ग्रोस कलेक्शन किया था और बॉक्स ऑफिस पे वो फिल्म काफी बड़ी ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी उसके बाद में उन्होंने इस फिल्म के रीमेक राइट्स थे वो तमिल वर्जन में बेचे जहाँ पे 2016 में इस फिल्म का तमिल रीमेक बना उस फिल्म के लीड रोल में थे उस फिल्म को डायरेक्ट भास्कर ने किया था जहाँ पे लीड रोल में आर्या बॉबी मा श्री दिव्या राणा दघुपति पार्वती तिरुवती राय लक्ष्मी परिसा लक्ष्मी प्रकाश राज और राजनता का केम्यो था बॉक्स ऑफिस पे उस फिल्म ने अठारह करोड़ के बजट के सामने तीस करोड़ का क्रॉस कलेक्शन किया और तमिल वर्जन भी एक सक्सेसफुल वर्जन साबित हुआ था के बाद में 2023 में इस फिल्म का हिंदी रिमेक बनाया गया जिसका नाम रखा हुआ है यारिया टू वैसे यारिया जो फ्रेंचाइज है पहला पार्ट भी 2014 में ही आया था जहाँ पे उस फिल्म के साथ की साथला जो है फिल्म की डायरेक्टर यानी कि दिव्या खोसला कुमार उन्होंने इस फिल्म के साथ डायरेक्शन न संभाला था दस करोड़ के बजट में बनी फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे कुछ पचास करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन किया था बॉक्स ऑफिस पे यार पहला पार्ट सक्सेसफुल रहा था जहाँ पे हिमांश कोहली राकुलप्रीत सिंह एविलियन शर्मा और निकोल फेरिया जैसे एक्टर्स लीड रोल में थे और उसके बाद में उन्होंने दर टू दो हजार तेईस में एक रिमिक फिल्म बनाने का फैसला लिया जहाँ पे स्टोरी वाइज कोई कनेक्शन नहीं है और इस बार दिव्या खोसला कुमार खुद इस फिल्म में मेंज एक एक्टर के तौर पे जुड़ी जहाँ पे फिल्म को लिखा और डायरेक्ट किया हुआ है राधिका राव और विनय सपरू ने जिन्होंने इससे पहले कई फिल्मों को टिर किया हुआ था साथ ही में जहाँ पे एज़ ए डिरेक्टर के तौर पे सनम तेरी कसम आई लव और लकी नो टाइम फॉर लव जैसी फिल्मों को उन्होंने डायरेक्ट किया हुआ था इस फिल्म का भी स्टोरी आइडिया डायलॉग स्क्रिप्टिंग स्क्रीन प्ले डायरेक्शन वो सभी चीज़ें उन्होंने ही की हुए वैसे ओरिजिनल स्टोरी तो अंजलि मेनन की ही थी लेकिन उसके ऊपर जो हिंदी नेरेशन है वो उन्होंने क्रिएट किया था हिंदी स्क्रीन प्ले उनके द्वारा लिखा गया था जहाँ पे इस फिल्म को प्रोड्यूस करते हुए नजर आए आयुष महेश्वरी कृष्णा कुमार दिव्या खोसला कुमार भूषण कुमार जिसको प्रोडक्शन uh, कंपनीज जैसे कि राव एंड सप्रो फिल्म टी सीरीज फिल्म बी एल एम मोशन पिक्चर्स प्रोडक्शन कंपनी के नीचे फिल्म को प्रोड्यूस किया गया सेंसर बोर्ड की तरफ से इस फिल्म को यू एस सर्टिफिकेट मिला जहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन का कमान था वो ए वालों ने संभाला हुआ था यानी कि अनिल थड़ानी ने जिन्होंने एक डिसेंट रिलीज दिलवाई हुई थी फिल्म का रन टाइम एक मिनट था यानी कि दो घंटे अट्ठाईस मिनट लंबी फिल्म थी जिसको एडिट किया हुआ था अभिषेक कुमार सिंह ने सिनेमेटोग्राफी थी और रवि यादव ने की हुई थी लीड रोल में दिव्या घोसला कुमार गुप्तास गुप्ता पर्ल पुरी मिजान जाफरी स्वरा राजन भाग्यश्री बोरसे और वरीना हुसैन जैसे एक्टर्स देखने को मिले जहाँ पे इस फिल्म की म्यूजिक डिपार्टमेंट में भी अलग अलग म्यूजिक कम्पोजर और सिंगर से जहाँ पे बैकग्राउंड था ने कंपोज किया हुआ था म्यूजिक के टी सीरीज वालों ने अपने ही पास रखे हुए थे जब इस फिल्म का पहला साउंड ट्रैक रिलीज किया गया था करीबन पैंतीस मिनट का था जिसमें करीबन कुछ गाने थे लेकिन उसके बाद में उन्होंने एक सेकंड साउंड ट्रैक जो रिलीज किया हुआ था वो साउंड ट्रैक काफी बड़ा था तो वो साउंड ट्रैक करीबन एक घंटे ग्यारह मिनट सेतालीस सेकंड का था तो उसके ऊपर बातचीत करें तो ट्रैक लिस्टिंग का थे पहला गाना सोरेगर जिसको गाया हुआ था विशाल मिश्रा मनन भारद्वाज नीति मोहन उसका म्यूजिक और लिखावट था मनन भारद्वाज ने दिया था दूसरा गाना सिमरून तेरा नाम उसको सचिन टंडन ने गाया था म्यूजिक मनन भारद्वाज का था और लिरिक्स भी उन्होंने ही लिखे हुए थे ऊँची ऊंची दीवारें गाने को अरिजीत सिंह ने गाया मनन भारद्वाज ने म्यूजिक दिया लिरिक्स भी मनन भारद्वाज के ही थे ब्लू है पानी पानी तो वो जो गाना था वो रिक्रिएट किया गया था इस फिल्म के लिए जिसको नेहा कक्कर अरिजीत सिंह ने गाया था खाली पी हनी सिंह ने उसको लिखा और म्यूजिक दोनों दिया हुआ था बेवफा वफात गाने को जुबिन नोटियाल ने गाया था मनन भारद्वाज ने म्यूजिक दिया था मनन भारद्वाज रहीम शाह और शमसुल हसन सेम्स उन्होंने इस गाने को लिखा हुआ था सूट पटियाला गाने को म्यूज़िक दिया हुआ था मनन भारद्वाज ने गाया हुआ था गुरु रंधावा नेहा कक्कर मनन भारद्वाज और लिरिक्स भी मनन भारद्वाज के ही थी हिर भी रोए गाने को तो वो लिखा हुआ था परम्परा टन सॉरी गाया हुआ था परम्परा टंडन ने और लिरिक्स से वो मनन भारद्वाज के थे म्यूजिक भी उनका ही था ठीक उसी तरह पीने दे गाने के भी लिरिक्स और म्यूजिक उन्होंने ही क्रिएट किए हुए थे और मास्टर सलीम और मिलिंद गाबा के द्वारा वो गाना गवाया गया था सनी सनी जो ब्लू है पानी पाने वाला था उसका एक और वर्जन फिल्म में था सनी सनी टू पॉइंट ओ जिसका जो सिंगिंग है वो काम संभाला हुआ था यो, यो हनी सिंह नेहा कक्कर ने खालिप और यो, यो हनी सिंह के द्वारा उन गानों को लिखा और कंपोज़ किया गया था खोसा गया हूँ गाने को यो, यो हनी सिंह मनन भारद्वाज ने म्यूजिक दिया हुआ था उन्होंने ही गाया हुआ था नेहा कक्कर ने इसमें लेडीज़ का वर्जन गाया हुआ था आजा मेरी जान करके जो गाना था वो भी इस फिल्म में एक करीबन का ग्यारहवा ट्रैक था जिसको मयूरपुरी ने लिखा हुआ था डीजे जे फुकान और आर डी बर्मा ने उसको म्यूजिक दिया था मोली दवे ने गाया हुआ था फुल्स गेम को आरो वेलनकर ने गाया हुआ था राधिका सराव और विनय सप्रू जो फिल्म के डायरेक्टर है उन्होंने इसमें लिरिक्स और कंपोजिशन की हुई थी तेरी लोद नहीं करके जो रब्बा वाला जो गाना था उसको अभिजीत वाघानी ने म्यूजिक दिया हुआ था इंदर चहल आशीस कौर ने गाया हुआ था देव कोहली और कुमार ने उसको लिखा हुआ था चाहता यानी कि दर्द करके जो दो अलग अलग टाइटल दिया हुआ है लेकिन गाना एक ही है उसको अभिजीत तो वाघानी ने म्यूज़िक दिया हुआ था जॉर्डन संधु पलक मच्छल ने गाया था निर्माण ने उसको लिखा हुआ था और ही चिरैया गाने को राम संपत ने म्यूजिक दिया था सवानंद किरकिरी ने लिखा हुआ था मरिंग क्या भट्टाचार्य जी ने उसको गाया हुआ था रोहिना यानी कि माही वे जो गाना था उसको भी निर्माण ने ही लिखा हुआ था कनिका कपूर और निंजा ने गाया हुआ था अभिजीत वाघानी ने उसका म्यूजिक दिया हुआ था सेठमी फ्री गाने को गाया हुआ था का भट्टाचार्य जी ने और विनय सप्रू राधिका राव के द्वारा उस गाने को कंपोज किया गया था और लिरिक्स भी उन्होंने ही लिखे हुए थे दिन सगनादा गाने को जसलिन रॉयल ने गाया हुआ था कंपोजिशन भी उनकी थी लेकिन लिरिक्स थे और नीरज राजवत ने लिखे हुए थे चांद कित्ता करके जो गाना था यानी कि मेरे सोनिया उसको लिखा हुआ था इर्सा कामिल कुमार ने और उसके बाद में उसको वाघाणी अभिजीत ने उसको गाया म्यूजिक दिया हुआ था कौर भी और अखिल सत्यवा ने उसको गाया हुआ था तो इस तरह से उन्नीस ट्रैक थे जिसकी लेंथ थी एक घंटा ग्यारह मिनट सेतालीस सेकंड एक इस फिल्म का एक गाना एक पहले फास्ट साउंड ट्रैक वर्जन रिलीज किया गया था पैंतीस चालीस मिनट का वो चौबीस सितंबर 2023 को टी सीरीज के द्वारा रिलीज़ करवाया गया उसके बाद में ये उन्नीस ट्रैक वाला जो वर्जन है वो सेकंड साउंड ट्रैक के तौर पे चार नवंबर 2023 को रिलीज़ किया जिसके चलते टोटल अभी गा, उन्नीस गाने अगर आपको फिलहाल में ऑफिशियली सुनना है तो टी सीरीज़ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर सुन सकते हो वैसे इस फिल्म के रिगार्डिंग थोड़ी बहुत कॉन्ट्रोवर्सीज भी हुई थी जो सिख कम्यूनिटी है उसको जिस तरह से इसमें प्रेजेंट किया गया था कुछ ऐसी चीज़ें थी जो अन इंटेंशनली मेकर्स का कहना था कि वो रिलीजियस सेंटिमेंट को हर्ट कर रही थी जिसकी वजह से उन्होंने वो उन उन लोगों से माफ़ी भी मांगी और उसके बाद में उस को रिमूव भी कर दिया था फिल्म से वैसे इस फिल्म की कास्टिंग के ऊपर बातचीत करें तो फिल्म का जो लीड रोल किरदार यानी कि लाडी चिब्बर लाडी सिंह कतियाल वाला जो रोल था जो अबई की वाइफ का रोल था वो दिव्या खोसला कुमार ने प्ले किया हुआ था लाडी के हस्बैंड अभय सिंह कत्याल के रोल में यास दास गुप्ता देखने को मिलेंगे बज्जू यानी कि बजरंग दास खत्री जो लादी का कजिन था उसका रोल पलवी पूरी ने किया हुआ है प्ले लादी के एक और कजिन थे जो एक मोटो क्रॉस रेसर और पिज्जा डिलीवरी बॉय थे जिसका नाम था शिखर रंधावा उसका रोल प्ले किया हुआ है मिजान जाफरी ने इखरू अवस्थी या रू का रोल था वंशवारा राजन ने प्ले किया हुआ है जो एक ट्रेन टिकट काउंटर थे और शिखर का लव इंटरेस्ट थी लेटर ऑन उनकी वाइफ भी बन जाती है राजी का जो रोल था राजी लक्ष्मी करिप्पया जो एक पेंटर थी अभय की लेट गर्लफ्रेंड थी वो रोल प्ले किया हुआ है भाग्यश्री बोरसे ने इसके अलावा इस फिल्म में आपको बज्जू के साथ एक ब्रीफ एनकाउंटर देखने को मिलता है एक एयर होस्टेस का जिसका नाम था सोना वो रोल वरीना हुसैन ने प्ले किया हुआ है कर, मिस्टर करियप्पा जो राजलक्ष्मी के फादर का नाम था वो रोल मुरली शर्मा ने प्ले किया हुआ है इसके अलावा इस फिल्म में आपको देखने को मिलते हैं राज लक्ष्मी के माँ के रोल में मिस करियप्पा का जो रोल था वो प्ले किया प्यो मोरी मेहता घोष ने इसके अलावा मिस टिब्बर जो लाडी की माँ का रोल था वो प्ले किया लिलिटिन दुबे ने इसके अलावा बज्जू के ऑफिस बॉस का जो रोल है वो सुधीर पांडे ने प्ले किया हुआ था बज्जू ऑफिस के बॉस के भाई का जो रोल था छोटे भाई का रोल वो प्ले किया हुआ था ऋतुराज सिंह ने और इस फिल्म में आपको सिरा के रोल में साक्षी प्रधान देखने को मिलती है जो एक रू की सिस्टर और फीमेल लोको पायलट का रोल प्ले करती है नज़र आई है सूट पटियाला गाने में लाडी के फ्रेंड और उसके हस्बैंड का जो रोल है इस फिल्म में आपको मानसी मोग और करण सिंह छाबरा प्ले करते हुए नज़र आएंगे सिद्धार्थ मेनन जो इस फिल्म में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हुए नजर आते हैं जहाँ पे उन्होंने एक सिंगर का रोल प्ले किया हुआ है जो बचपन से लाडी से प्यार करता हुआ नजर आता है और वो उनके सुट पटिया लगाने में डांस पार्टनर भी रहे हरमनजीत सिंह इस फिल्म में एक अपोजिट मेंबर के अपोजिट टीम के मेंबर के तौर पे दिखाई देते हैं और शिखर का राइवल का रोल प्ले किया हुआ है रूहू की कलिक फ्रेंड का रोल आकांक्षा सिंह ने प्ले किया हुआ है सोना के बॉयफ्रेंड के रोल में अक्षित सुखी जा देखने को मिलते हैं ब्यूटी कंटेस्ट एंकर का जो रोल है वो द्राक्ता जी ने प्ले किया हुआ है इसके अलावा इस फिल्म में बाजू की माँ का जो रोल है वो प्ले किया है उषा सुब्रमण्यम ने देवी की जो बज्जू के वाइफ का रोल था वो प्रिया प्रकाश वोरियर ने प्ले किया हुआ है तो वो एक केमियो रोल था तो इस तरह से ये आर्टिस्ट थे जिन्होंने इसमें महत्वपूर्ण रोल प्ले किए हुए इस फिल्म की अनाउंसमेंट 2022 में की गई थी पहले इस फिल्म के राइट्स लिए गए थे 2022 के स्टार्टिंग में उसके बाद में अक्टूबर 2022 में फिल्म को वैसे अनाउंस भी किया गया था जहाँ पे जब राइट्स लिए गए थे उसके कुछ समय के बाद कास्टिंग कंप्लीट करवाई गई थी उसके बाद में इस फिल्म को जून 2022 में शिमला में हिमाचल प्रदेश में शूट करना स्टार्ट किया गया था उसके बाद में उस शेड्यूल को कंप्लीट करवाने के बाद आ, उसका नेक्स्ट शेड्यूल था वो मुंबई में रखा हुआ था जहाँ पे इस फिल्म को चारने रोड रेलवे स्टेशन और ब्रिज में भी शूट किया हुआ था उसके बाद में कुछ पार्ट वाइज फिल्म के अलग अलग शेड्यूल्स थे वो यू में भी शूट किए गए थे उस शेड्यूल्स के दौरान एक सिक्वेंस एक, एक सन सिक्वेंस के दौरान दिव्या खोसला कुमार भी इंजर हुई थी जिसके चलते वो फिल्म की शूटिंग रुकी थी उसके बाद में इस फिल्म के कुछ फाइनल सीन्स थे उसको बेंगलुरु में शूट किया था मुंबई में कुछ पेचवर्क का काम भी चला था उसके बाद में इस फिल्म की फिल्मिंग पूरी तरह से कम्प्लीट करवाई गई थी जब फिल्म को अनाउंस किया गया था अक्टूबर दो को तब ऑफिशियली इस फिल्म की जो रिलीज डेट थी वो मई दो के अनाउंस की गई थी लेटर ऑन जनवरी दो में टी सीरीज़ जो इस फिल्म के मेकर्स हैं उनकी तरफ रिवील किया गया कि फिल्म अक्टूबर 2023 तक रिलीज आन होने वाली अभी फिलहाल में पोस्टपोन की जा रही है उसके बाद में इस फिल्म की जो निर्धारित रिलीज़ डेट निकल के आई थी वो थी 20 अक्टूबर 2023 और 20 अक्टूबर 2023 को फिल्म को रिलीज़ भी किया था क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से एक मिक्स रिस्पॉन्स लेने के साथ इस फिल्म ने आई एम के ऊपर ग्यारह वोट हासिल किए जिसमें छः की रेटिंग हासिल हुई दस में से जहाँ पे इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे भी कुछ ऐसा ही कलेक्शन किया था पहले दिन इस फिल्म ने कर... करीबन पचास लाख का कलेक्शन किया था दूसरे दिन चालीस लाख का तीसरे दिन भी चालीस लाख का कलेक्शन किया तो फ्राइडे सेटरडे संडे तीन दिनों का कलेक्शन करीबन एक करोड़ तीस लाख का नेट कलेक्शन इंडिया से निकला पूरे वीक में भी ऐसा ही कमाल रहा फिल्म का बीस लाख अट्ठारह लाख सत्रह लाख पंद्रह लाख जैसा कलेक्शन किया सात दिनों में फिल्म किसी तरह से दो करोड़ के आसपास पहुंची दूसरे वीक में फिल्म पूरी तरह से निकल चुकी थी थिएटर्स में जहां पे सिर्फ दस लाख का इस फिल्म ने कलेक्शन किया जिसके चलते इस फिल्म का जो इंडिया का नेट कलेक्शन था वो था दो करोड़ दस लाख ग्रोस कलेक्शन था वो दो करोड़ पचास लाख और इसमें सिर्फ सत्रह लाख का कलेक्शन किया जिसके चलते वर्ल्ड वाइड लेवल का जो लाइफ टाइम ग्रोस कलेक्शन था फिल्म का था दो करोड़ सड़सठ लाख इसके चलते इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे एक काइंड ऑफ बॉक्स ऑफिस बॉम्ब टाइप ऑफ कलेक्शन करके दिखाया है और इस फिल्म के ओ टी टी सेटेलाइट राइट पहले ही बेच दिए गए थे जहां जियो सिनेमा के पास थे राइट्स इस इस सोनी सोनी मैक्स के के पास पहले फिल्म फिल्म को को पे पे प्रीमियर प्रीमियर करवाया करवाया गया गया लेटर ऑन जियो सिनेमा ऊपर फिलहाल में इस फिल्म को अगर आपको ऑफिशियली देखना है तो जियो सिनेमा के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल हिंदी वर्जन में देख सकते हो जहां ये फिल्म यार ए टू नाम के साथ फ्री में देखने को मिल जाएगी ठीक उसी तरह इस फिल्म का सेटेलाइट वर्जन है वो आपको बिल्कुल फ्री में प्रीमियर होता हुआ नजर आएगा सोनी टेलीविजन चैनल के ऊपर एक बार फिर रिपीट कर देता हूं कि यार यार टू फिल्म अगर आपने नहीं देखी है या फिर देखना चाहते हो तो इस टेन एल ऑन वाली फिल्म को आप ऑफिशियली देख सकते हो जियो सिनेमा के ऊपर जहाँ पे फिल्म विथ इंग्लिश सब आपको बिल्कुल फ्री में, प्री में प्रीमियर होती हुई नज़र आएगी इसके अलावा इस फिल्म का जो हिंदी सेटेलाइट वर्जन है वो आपको देखने को मिलेगा सोनीमैक्स और सोनीमैक्स एच डी चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में तो इस तरह से यार टू या फिल्म आप ऑफिशियली ओटीटी और सैटेलाइट दोनों प्लेटफॉर्म के ऊपर फ्री में एंजॉय कर पाओगे यार, यार टू जो 2023 की के एक इंडियन हिंदी लैंग्वेज फिल्म है फिल्म का जो नर कमिंग ऑफ एज ड्रामा जहाँ पे फिल्म बेंगलोर डेज जो 2014 में आई हुई थी मलयालम लैंग्वेज में वो भी एक कमिंग ऑफ एज रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा फिल्म थी तो उसके रीमेक करके इस फिल्म को बनाया हुआ है वैसे बेंगलोर डेज का तमिल लैंग्वेज में बेंगलोर नाटकल करके भी रीमेक बनाया हुआ था जहाँ पे इस फिल्म का जो मलयालम वर्जन है उसको लिखा और डिर हुआ था अंजलि मेनन ने स्टोरी आइडिया से लेकर डायलॉग स्क्रिप्टिंग डायलॉगन प्ले डायरेक्शन सभी चीजें उन्होंने की हुई थी उसमें उन्होंने नवीन पोली नजरिया नजीम दुलकर सलमान फाद फासिल ईसा तलवार पार्वती थ्री वो नित्या मेनन जैसे एक्टर्स को लिया हुआ था सिर्फ आठ करोड़ के बजट में बनी फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे दो में पैंतालीस करोड़ से ज्यादा का ग्रोस कलेक्शन किया था और बॉक्स ऑफिस पे वो फिल्म काफी बड़ी ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी उसके बाद में उन्होंने इस फिल्म के रीमेक राइट्स थे वो तमिल वर्जन में बेचे दो पे 2016 में इस फिल्म का तमिल रिमेक बना उस फिल्म के लीड रोल था बॉक्स लक्ष्मी, लक्ष्मी, ऑफिस फिल्म ने अठारह करोड़ के बजट के सामने तीस करोड़ का क्रॉस कलेक्शन किया और तमिल वर्जन भी एक सक्सेसफुल वर्जन साबित हुआ था उसके बाद में दो में इस फिल्म का हिंदी रिमेक बनाया गया जिसका नाम रखा हुआ है यारिया टू वैसे यारिया जो फ्रेंचाइज पहला पार्ट भी 2014 में ही आया था जहां पे उस फिल्म के साथ खोसला जो है फिल्म की डायरेक्टर यानी कि दिव्या खोसला कुमार उन्होंने इस फिल्म के साथ डायरेक्शन न संभाला था दस करोड़ के बजट में बनी फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे कुछ पचास करोड़ से ज्यादा का, का कलेक्शन किया था बॉक्स ऑफिस पे यारा का पहला पार्ट सक्सेसफुल रहा था जहाँ पे हिमांश कोहली राकुल सिंह एविलियन शर्मा और निकोल फेरिया जैसे एक्टर्स लीड रोल में थे और उसके बाद में उन्होंने यारिया टू दो में एक रीमेक फिल्म बनाने का फैसला लिया जहाँ पे स्टोरी वाइज कोई कनेक्शन नहीं है और इस बार दिव्या खोसला कुमार खुद इस फिल्म में एज एक्टर के तौर पर जुड़ी जहाँ पे फिल्म को लिखा और डिरेक्ट राधिका राव और विनय सपरू ने जिन्होंने इससे पहले कई फिल्मों को डायरेक्ट किया हुआ था साथ ही में जहां पे एज ए के तौर पे सनम तेरी कसम आई लव न्यूर लकी नो टाइम फॉर लव जैसी फिल्मों को उन्होंने डिरेक्ट किया हुआ था इस फिल्म का भी स्टोरी आइडिया डायलॉग स्क्रिप्टिंग स्क्रीन प्ले डिरेक्शन वो सभी चीज़ें उन्होंने ही की हुए वैसे ओरिजिनल स्टोरी तो अंजलि मेनन की ही थी लेकिन उसके ऊपर जो हिंदी नेरेशन है वो उन्होंने क्रिएट किया था हिंदी स्क्रीन प्ले उनके द्वारा लिखा गया था जहाँ पर इस फिल्म को प्रोड्यूस करते हुए नजर आए आयुष महेश्वरी कृष्णा कुमार दिव्या खोसला कुमार भूषण कुमार जिसको प्रोडक्शन कंपनीज जैसे कि राव एंड सप्रो फिल्म टी सीरीज फिल्म बी एल एम मौसम पिक्चर्स प्रोडक्शन कंपनी के नीचे फिल्म को प्रोड्यूस किया गया सेंसर बोर्ड की तरफ से इस फिल्म को यूएस सर्टिफिकेट मिला जहां पे का कमान था वो रन टाइम ने। ने एक, हुई थी। फिल्म, का एक 148 था। दो फिल्म थी जिसको एडिट किया था अभिषेक कुमार सिंह ने सिनेमेटोग्राफी थी और रवि यादव ने की हुई थी रोल में दिव्या घोसला गुप्ता पलवी पूरी मिजान जाफरी अनस्वरा राजन भाग्यश्री बोरसे और वरीना हुसैन जैसे एक्टर्स देखने को मिले जहाँ पे इस फिल्म की म्यूजिक डिपार्टमेंट में भी अलग अलग म्यूजिक कंपोजर और सिंगर से जहाँ पे बैकग्राउंड होता था एट ने कंपोज़ किया हुआ था म्यूजिक के राइट टी सीरीज वालों ने अपने ही पास रखे हुए थे जब इस फिल्म का पहला साउंड ट्रैक रिलीज किया गया था वो करीबन पैंतीस मिनट का था जिसमें करीबन आ, कुछ गाने थे लेकिन उसके बाद में उन्होंने एक सेकंड साउंड ट्रैक जो रिलीज किया हुआ था वो साउंड ट्रैक काफ़ी बड़ा था तो वो साउंड ट्रैक करीबन एक घंटे ग्यारह मिनट सेतालीस सेकंड का था तो उसके ऊपर बातचीत करें तो ट्रैक लिस्टिंग का थे पहला गाना सोरेगर जिसको गाया हुआ था विशाल मिश्रा मनन भारद्वाज नीति मोहन उसका म्यूजिक और लिखावट था मनन भारद्वाज ने दिया था दूसरा गाना सिमरुन तेरा नाम उसको सचिन टंडन ने गाया था म्यूजिक मनन भारद्वाज का था और लिरिक्स भी उन्होंने लिखे हुए थे ऊँची ऊंची दीवारें गाने को अरिजीत सिंह ने गाया मनन भारद्वाज ने म्यूजिक दिया लिरिक्स भी मनन भारद्वाज के ही थे ब्लू है पानी पानी तो वो जो गाना था वो रिक्रिएट किया गया था इस फिल्म के लिए जिसको नेहा कक्कर अरिजीत सिंह ने गाया था खाली पियो हनी सिंह ने उसको लिखा और म्यूजिक दोनों दिया हुआ था बे वफात वो गाने को जुबिन नोटियाल ने गाया था मनन भारद्वाज ने म्यूजिक दिया था मनन भारद्वाज रहीमसाह और शमसुल हसन शैम्स उन्होंने इस गाने को लिखा हुआ था सूट पटियाला गाने को म्यूजिक दिया हुआ था मनन्त भारद्वाज ने गाया हुआ था गुरु रंधावा नेहा कक्कर मनन्त भारद्वाज और लिरिक्स भी मनन भारद्वाज की ही थी हीर भी रोए गाने को तो वो लिखा हुआ था परम्परा टन सॉरी गाया हुआ था परम्परा टंडन ने और लिरिक्स से वो मनन भारद्वाज के थे म्यूजिक भी उनका ही था ठीक उसी तरह पीने दे गाने के भी लिरिक्स और म्यूजिक उन्होंने ही क्रिएट किए हुए थे और मास्टर सलीम और मिलिंद गाबा के द्वारा वो गाना गवाया गया था सनी सनी जो ब्लू है पानी पानी वाला था उसका एक और वर्जन फिल्म में था सनी सनी टू पॉइंट ओ जिसका जो सिंगिंग है वो काम संभाला हुआ था यो हनी सिंह नेहा कक्कर ने खाली पोर यो हनी सिंह के द्वारा उन गानों को लिखा और कंपोज किया गया था खोसा गया हूँ गाने को यो, यो हनी सिंह मनन भारद्वाज ने म्यूजिक दिया हुआ था उन्होंने ही गाया हुआ था नेहा कक्कर ने इसमें लेडीज़ का वर्जन गाया हुआ था आजा मेरी जान करके जो गाना था वो भी इस फिल्म में एक करीबन का ग्यारहवा ट्रैक था जिसको मयूरपुरी ने लिखा हुआ था डीजे जे फुकान और आर डी बर्मा ने उसको म्यूजिक दिया था मोली दवे ने गाया हुआ था फुल्स गेम को आरो वेलनकर ने गाया हुआ था राधिका सदराव और विनय सप्रू जो फिल्म के डायरेक्टर है उन्होंने इसमें लिरिक्स और कंपोजिशन की हुई थी तेरी लोद नहीं करके जो रब्बा वाला जो गाना था उसको अभिजीत वाघानी ने म्यूजिक दिया हुआ था इंदर चहल आशीस कौर ने गाया हुआ था देव कोहली और कुमार ने उसको लिखा हुआ था चाहता यानी कि दर्द करके जो जो अलग अलग टाइटल दिया हुआ है लेकिन गाना एक ही है उसको अभिजीत तो वाघानी ने म्यूज़िक दिया हुआ था जोर्डन संधू पलक मच्छल ने गाया था निर्माण ने उसको लिखा हुआ था और ही चिरैया गाने को राम संपत ने म्यूजिक दिया था सवानंद किरकि ने लिखा हुआ था मृिंग क्या भट्टाचार्य जिन्हें उसको गाया हुआ था रोहिना यानी कि माही वे जो गाना था उसको भी निर्माण ने ही लिखा हुआ था कनिका कपूर और निजा ने गाया हुआ था अभिजीत वाघानी ने उसका म्यूजिक दिया हुआ था सेट मी फ्री गाने को गाया हुआ था मृगंका भट्टाचार्य जी ने और विनय सप्रू राधिका राव के द्वारा उस गाने को कंपोज किया गया था और लिरिक्स भी उन्होंने ही लिखे हुए थे दिन सगनादा गाने को जसलिन रॉयल ने गाया हुआ था कंपोजिशन भी उनकी थी लेकिन लिरिक्स थे और नीरज राजवत ने लिखे हुए थे चांद कित्ता करके जो गाना था यानी कि मेरे सोनिया उसको लिखा हुआ था इरसाद कामिल कुमार ने और उसके बाद में उसको वाघाणी अभिजीत ने उसको गाया म्यूजिक दिया हुआ था कौर भी और अखिल सदेवा ने उसको गाया हुआ था तो इस तरह से उन्नीस ट्रैक थे जिसकी लेंथ थी एक घंटा ग्यारह मिनट सेतालीस सेकंड एक इस फिल्म का एक गाना एक पहले फास्ट साउंड ट्रेक वर्जन रिलीज किया गया था पैंतीस चालीस मिनट का वो चौबीस सितंबर 2023 को टी सीरीज के द्वारा रिलीज़ करवाया गया उसके बाद में ये उन्नीस ट्रैक वाला जो वर्जन है वो सेकंड साउंड ट्रेक के तौर पे चार नवंबर 2023 को रिलीज़ किया जिसके चलते टोटल अभी गा, उन्नीस गाने अगर आपको फिलहाल में ऑफिशियली सुनना है तो टी सीरीज़ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर सुन सकते हो वैसे इस फिल्म के रिगार्डिंग थोड़ी बहुत कॉन्ट्रोवर्सीज भी हुई थी जो सिख कम्यूनिटी है उसको जिस तरह से इसमें प्रेजेंट किया गया था कुछ ऐसी चीज़ें थी जो अन इंटेंशनली मेकर्स का कहना था कि वो रिलीजियस सेंटिमेंट को हर्ट कर रही थी इसके वजह से उन्होंने वो उन उन लोगों से माफ़ी भी मांगे और उसके बाद में उस उसको रिमूव भी कर दिया था फिल्म से वैसे इस फिल्म की कास्टिंग के ऊपर बातचीत करें तो फिल्म का जो लीड रो किरदार यानी कि लाडी चिब्बर लाडी सिंह कतियाल वाला जो रोल था जो अब की वाइफ का रोल था वो दिव्या खोसला कुमार ने प्ले किया हुआ था लाडी के हस्बैंड अभय सिंह कत्याल के रोल में गुप्ता देखने को मिलेंगे बज्जू यानी कि बजरंग दास खत्री जो लादी का कजिन था उसका रोल पलवी पूरी ने किया हुआ है प्ले लादी के एक और कजिन थे जो एक मोटो क्रॉस रेसर और पिज्जा डिलीवरी बॉय थे जिसका नाम था शिखर रंधावा उसका रोल प्ले किया हुआ है मिजान जाफरी ने इखरू अवस्थी या रू का रोल था वंशवारा राजन ने प्ले किया हुआ जो एक ट्रेन टिकट काउंटर थे और शिखर का लव इंटरेस्ट थी लेटर ऑन उनकी वाइफ भी बन जाती है राजी का जो रोल था राजी लक्ष्मी करिप्पया जो एक पेंटर थी अभिया की लेट गर्लफ्रेंड थी वो रोल प्ले किया हुआ भाग्यश्री बोर्से ने इसके अलावा इस फिल्म में आपको बज्जू के साथ एक ब्रीफ एनकाउंटर देखने को मिलता है एक एयर होस्टेस का जिसका नाम था सोना वो रोल वरीना हुसैन ने प्ले किया हुआ है कर, मिस्टर करियप्पा जो राज के फादर का नाम था वो रोल मुरली शर्मा ने प्ले किया हुआ है इसके अलावा इस फिल्म में आपको देखने को मिलते हैं राज लक्ष्मी के माँ के रोल में मिस करियप्पा का जो रोल था वो प्ले किया प्यो मोरी मेहता घोष ने इसके अलावा मिस टिब्बर जो लाडी की माँ का रोल था वो प्ले किया लीलिटिन दुबे ने इसके अलावा बज्जू के ऑफिस बॉस का जो रोल है वो सुधीर पांडे ने प्ले किया हुआ था बज्जू ऑफिस के बॉस के भाई का जो रोल था छोटे भाई का रोल वो प्ले किया हुआ था ऋतुराज सिंह ने और इस फिल्म में आपको सिरा के रोल में साक्षी प्रधान देखने को मिलती है जो एक रू की सिस्टर और फीमेल लोको पायलट का रोल प्ले करती हुई नज़र आई है सूट पटियाला गाने में लाडी के फ्रेंड और उसके हस्बैंड का जो रोल है इस फिल्म में आपको मानसी मोग और करण सिंह छाबरा प्ले करते हुए नजर आएंगे सिद्धार्थ मेनन जो इस फिल्म में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हुए नजर आते हैं जहाँ पे उन्होंने एक सिंगर का रोल प्ले किया हुआ है जो बचपन से लाडी से प्यार करता हुआ नजर आता है और वो उनके सुट पटिया लगाने में डांस पार्टनर भी रहे हरमनजीत सिंह इस फिल्म में एक अपोजिट मेंबर के अपोजिट टीम के मेंबर के तौर पे दिखाई देते हैं और शिखर का राइवल का रोल प्ले किया हुआ है रूहू की कलिक फ्रेंड का रोल आकांक्षा सिंह ने प्ले किया हुआ है सोना के बॉयफ्रेंड के रोल में अक्षित सुखीजा देखने को मिलते हैं ब्यूटी कंटेस्ट एंकर का जो रोल है वो द्राक्ता जी ने प्ले किया हुआ है इसके अलावा इस फिल्म में बाजू की मां का जो रोल है वो प्ले किया है उषा सुब्रमण्यम ने देवी की जो के जो बज्जू के वाइफ का रोल था वो प्रिया प्रकाश वोरियर ने प्ले किया हुआ है तो वो एक केमियो रोल था तो इस तरह से ये आर्टिस्ट थे जिन्होंने इसमें महत्वपूर्ण रोल प्ले किए हुए हैं इस फिल्म की अनाउंसमेंट 2022 में की गई थी पहले इस फिल्म के राइट्स लिए गए थे 2022 के स्टार्टिंग में उसके बाद में अक्टूबर 2022 में फिल्म को वैसे अनाउंस भी किया गया था जहाँ पे जब राइट्स लिए गए थे उसके कुछ समय के बाद कास्टिंग कंप्लीट करवाई गई थी उसके बाद में इस फिल्म को जून 2022 में शिमला में हिमाचल प्रदेश में शूट करना स्टार्ट किया गया था उसके बाद में उस शेड्यूल को कंप्लीट करवाने के बाद आ, उसका नेक्स्ट शेड्यूल था वो मुंबई में रखा हुआ था जहाँ पे इस फिल्म को चारने रोड रेलवे स्टेशन ओवरब्रिज में भी शूट किया हुआ था उसके बाद में कुछ पार्ट वाइज फिल्म के अलग अलग शेड्यूल्स थे वो यू में भी शूट किए गए थे उस शेड्यूल्स के दौरान एक सिक्वेंस के सन सीक्वेंस के दौरान दिव्या खोसला कुमार भी इंजर हुई थी जिसके चलते वो फिल्म की शूटिंग रुकी थी उसके बाद में इस फिल्म के कुछ फाइनल सीन्स थे उसको बेंगलोरु में शूट किया था मुंबई में कुछ वर्क का काम भी चला था उसके बाद में इस फिल्म की फिल्मिंग पूरी तरह से कम्प्लीट करवाई गई थी जब फिल्म को अनाउंस किया गया था अक्टूबर दो को तब ऑफिशियली इस फिल्म की जो रिलीज़ डेट थी वो मई दो हजार के अनाउंस की गई थी लेटर ऑन जनवरी दो में टी सीरीज़ जो इस फिल्म के मेकर्स हैं उनकी तरफ रिवील किया गया कि फिल्म अक्टूबर 2023 तक रिलीज आन होने वाली अभी फिलहाल में पोस्टपोन की जा रही रही है उसके बाद में इस फिल्म की जो निर्धारित रिलीज डेट निकल के आई थी वो थी 20 अक्टूबर 2023 और 20 अक्टूबर 2023 को फिल्म को रिलीज भी किया था क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से एक मिक्स रिस्पांस लेने के साथ इस फिल्म ने एम के ऊपर 11,000 वोट हासिल किए जिसमें 6.1 की रेटिंग हासिल हुई 10 में से जहां पे इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे भी कुछ ऐसा ही कलेक्शन किया था पहले दिन इस फिल्म ने करीबन पचास लाख का कलेक्शन किया था दूसरे दिन चालीस लाख का तीसरे दिन भी चालीस लाख का कलेक्शन किया तो फ्राइडे सैटरडे संडे तीन दिनों का कलेक्शन करीबन एक करोड़ तीस लाख का नेट कलेक्शन इंडिया से निकला पूरे वीक में भी ऐसा ही कमाल रहा फिल्म का बीस लाख अट्ठारह लाख सत्रह लाख पंद्रह लाख जैसा कलेक्शन किया सात दिनों में फिल्म Uh, किसी तरह से दो करोड़ के आसपास पहुंची दूसरे वीक में फिल्म पूरी तरह से uh, निकल चुकी थी थिएटर्स में जहां पे सिर्फ दस लाख का इस फिल्म ने कलेक्शन किया जिसके चलते है इस फिल्म का जो इंडिया का नेट कलेक्शन था वो था दो करोड़ दस लाख ग्रोस कलेक्शन था वो दो करोड़ पचास लाख और इस इसमें सिर्फ सत्रह लाख का कलेक्शन किया जिसके चलते वर्ल्ड वाइड लेवल का जो लाइफ टाइम ग्रोस कलेक्शन था फिल्म का था दो करोड़ सड़सठ लाख इसके चलते इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे एक काइंड ऑफ बॉक्स ऑफिस बॉम्ब टाइप ऑफ कलेक्शन करके दिखाए और इस फिल्म के ओ टी राइट्स पहले ही बेच दिए गए थे जहां जियो सिनेमा के पास थे आपको ऑफिशियली देखना है तो जियो सिनेमा के ऊपर विथ इंग्लिश सब हिंदी वर्जन में देख सकते हो जहां पे फिल्म यार ए टू नाम के साथ फ्री में देखने को मिल जाएगी ठीक उसी तरह इस फिल्म का सेटेलाइट वर्जन है वो आपको बिल्कुल फ्री में प्रीमियर होता हुआ नजर आएगा सोनी क्ट टेलीविजन चैनल के ऊपर एक बार फिर रिपीट कर देता हूं कि यार यार टू फिल्म अगर आपने नहीं देखी है या फिर देखना चाहते हो तो इस टेन एल ऑन सिकोल वाली फिल्म को आप ऑफिशियली देख सकते हो उस जियो सिनेमा के ऊपर जहाँ पे फिल्म विथ इंग्लिश सब आपको बिल्कुल फ्री में प्रीमियर होती हुई नज़र आएगी इसके अलावा इस फिल्म का जो हिंदी सेटेलाइट वर्जन है वो आपको देखने को मिलेगा सोनीमैक्स और सोनीमैक्स एच डी चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में तो इस तरह से यार या टू फिल्म आप ऑफिशियली ओटीटी और सैटेलाइट दोनों प्लेटफॉर्म के ऊपर फ्री में एंजॉय कर पाओगे या यार टू जो 2023 की के एक इंडियन हिंदी लैंग्वेज फिल्म है फिल्म का जो है कमिंग ऑफ एज ड्रामा जहाँ पे फिल्म बेंगलोर डेज जो 2014 में आई हुई थी मलयालम लैंग्वेज में वो भी एक कमिंग ऑफ एज रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा फिल्म थी तो उसके रीमेक करके इस फिल्म को बनाया हुआ है वैसे बेंगलोर डेज का तमिल लैंग्वेज में बेंगलोर नाटकल करके भी रीमेक बनाया हुआ था जहाँ पे इस फिल्म का जो मलयालम वर्जन है उसको लिखा और डिर हुआ था अंजलि मेनन ने स्टोरी आइडिया से लेकर डायलॉग स्क्रिप्टिंग डन सभी चीज़ें उन्होंने की हुई थी उसमें उन्होंने नवीन पोली नजरिया नजीम दुलकर सलमान फाद फासिल ईसा तलवार पार्वती थ्री तो नित्या मेनन जैसे एक्टर्स को लिया हुआ था सिर्फ आठ करोड़ के बजट में बनी फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे दो में पैंतालीस करोड़ से ज़्यादा का ग्रोस कलेक्शन किया था और बॉक्स ऑफिस पे वो फिल्म काफ़ी बड़ी ब्लॉक साबित हुई थी उसके बाद में उन्होंने इस फिल्म के रीमेक राइट थे वो तमिल वर्जन में बेचे जहाँ पे 2016 में इस फिल्म का तमिल रीमेक बना उस फिल्म के लीड रोल में थे उस फिल्म को डायरेक्ट पास करने किया था जहाँ पे लीड रोल में आर्य बोबीसी मा श्री दिव्या राणा दघुबती पार्वती तिरुवती राय लक्ष्मी परिसा लक्ष्मी प्रकाश राज और समन्ता का केमियो था बॉक्स ऑफिस पे उस फिल्म ने अट्ठारह करोड़ के बजट के सामने तीस करोड़ का क्रॉस कलेक्शन किया और तमिल वर्जन भी एक सक्सेसफुल वर्जन साबित हुआ था उस के बाद में 2023 में इस फिल्म का हिंदी रिमेक बनाया गया जिसका नाम रखा हुआ है यारिया टू वैसे यारिया जो फ्रेंचाइज है पहला पार्ट भी 2014 में ही आया था जहाँ पे उस फिल्म के साथ खोसला जो है फिल्म की डायरेक्टर यानी कि दिव्या खोसला कुमार उन्होंने इस फिल्म के साथ डिरेक्शन संभाला था दस करोड़ के बजट में बनी फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे कुछ पचास करोड़ से ज्यादा का, का कलेक्शन किया था बॉक्स ऑफिस पे यार का पहला पार्ट सक्सेसफुल रहा था जहां पे हिमांश कोहली राकुलप्रीत सिंह एविलियन शर्मा और निकोल फेरिया जैसे एक्टर्स लीड रोल में थे और उसके बाद में उन्होंने यारिया टू दो में एक रीमेक फिल्म बनाने का फैसला लिया जहाँ पे स्टोरी वाइज कोई कनेक्शन नहीं है और इस बार दिव्या खोसला कुमार खुद इस फिल्म में एज एक्टर के तौर पे जुड़ी जहाँ पे फिल्म को लिखा और डायरेक्ट किया राधिका राव और विनय सपरू ने जिन्होंने इससे पहले कई फिल्मों को टिरे किया हुआ था साथ ही में जहाँ पे एजे डायरेक्टर के तौर पे सनम तेरी कसम आई लव और लकी नो टाइम फॉर लव जैसी फिल्मों को उन्होंने डायरेक्ट किया हुआ था इस फिल्म का भी स्टोरी आइडिया डायलॉग स्क्रिप्टिंग स्क्रीन प्ले डशन वो सभी चीज़ें उन्होंने ही की हुए वैसे ओरिजिनल स्टोरी तो अंजलि मेनन की ही थी लेकिन उसके ऊपर जो हिंदी नेरेशन है वो उन्होंने क्रिएट किया था हिंदी स्क्रीन प्ले उनके द्वारा लिखा गया था जहाँ पे इस फिल्म को प्रोड्यूस करते हुए नजर आए आयुष महेश्वरी कृष्णा कुमार दिव्या खोसला कुमार भूषण कुमार जिसको प्रोडक्शन कंपनीज जैसे कि राव एंड सप्रू फिल्म टी सीज फिल्म बी एल एम मोशन पिक्चर प्रोडक्शन कंपनी के नीचे फिल्म को प्रोड्यूस किया गया सेंसर बोर्ड की तरफ से इस फिल्म को यूएस सर्टिफिकेट मिला जहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन का कमान था वो ए फिल्म ने संभाला हुआ था यानी कि अनिल थड़ानी ने जिन्होंने एक डिसेंट रिलीज दिलवाई हुई थी फिल्म का रन टाइम एक मिनट था यानी कि दो घंटे अट्ठाईस मिनट लंबी फिल्म थी जिसको एडिट किया हुआ था अभिषेक कुमार सिंह ने सिनेमेटोग्राफी थी और रवि यादव ने की हुई थी लीड रोल में दिव्या घोसला कुमार यश गुप्तास गुप्ता पलवी पूरी मिजान जाफरी राजन भाग्यश्री बोरसे और वरीना हुआ जहां पे इस फिल्म की म्यूजिक डिपार्टमेंट में भी अलग, -अलग मेट ने अपने ही पास रखे हुए थे जब इस फिल्म का पहला साउंड ट्रैक रिलीज किया गया था वो करीबन पैंतीस मिनट का था जिसमें करीबन आ, कुछ गाने थे लेकिन उसके बाद में उन्होंने एक सेकंड ट्रैक जो रिलीज किया हुआ था वो साउंड ट्रैक काफी बड़ा था तो वो साउंड ट्रैक करीबन एक घंटे ग्यारह मिनट सेकंड से का था तो उसके ऊपर बातचीत करें तो ट्रैक लिस्टिंग का थे पहला गाना सोरेगर जिसको गाया हुआ था विशाल मिश्रा मनन भारद्वाज नीति मोहन उसका म्यूजिक और लिखावट था मनन भारद्वाज ने दिया था दूसरा गाना सिमरुन तेरा नाम उसको सचिन टंडन ने गाया था म्यूजिक मनन भारद्वाज का था और लिरिक्स भी उन्होंने लिखे हुए थे ऊँची ऊँची दीवारे गाने को अरिजीत सिंह ने गाया मनन भारद्वाज ने म्यूजिक दिया लिरिक्स भी मनन भारद्वाज के ही थे ब्लू है पानी पानी तो वो जो गाना था वो रिक्रिएट किया गया था इस फिल्म के लिए जिसको नेहा कक्कर अरिजीत सिंह ने गाया था खाली पी हनी सिंह ने उसको लिखा और म्यूजिक दोनों दिया हुआ था बेवफा तो गाने को जुबिन नोटियाल ने गाया था मनन भारद्वाज ने म्यूजिक दिया था मनन भारद्वाज रहीम शाह और शमसुल हसन सेम्स उन्होंने इस गाने को लिखा हुआ था सूट पटियाला गाने को म्यूजिक दिया हुआ था मनन भारद्वाज ने गाया हुआ था गुरु रंधावा नेहा कक्कर मनन भारद्वाज और लिरिक्स भी मनन भारद्वाज की ही थी हीर भी रोए गाने को तो वो लिखा हुआ था परम्परा टन सॉरी गाया हुआ था परम्परा टंडन ने और लिरिक्स से वो मनन भारद्वाज के थे म्यूजिक भी उनका ही था ठीक उसी तरह पीने दे गाने के भी लिरिक्स और म्यूजिक उन्होंने ही क्रिएट किए हुए थे और मास्टर सलीम और मिलिन गाबा के द्वारा वो गाना गवाया गया था सनी सनी जो ब्लू है पानी पानी वाला था उसका एक और वर्जन फिल्म में था सनी सनी टू पॉइंट ओ जिसका जो सिंगिंग है वो काम संभाला हुआ था यो, यो हनी सिंह नेहा कक्कर ने खालिप और यो हनी सिंह के द्वारा उन गानों को लिखा और कंपोज़ किया गया था खोसा गया हूँ गाने को यो हनी सिंह मनन भारद्वाज ने म्यूजिक दिया हुआ था उन्होंने ही गाया हुआ था नेहा कक्कर ने इसमें लेडीज़ का वर्जन गाया हुआ था आजा मेरी जान करके जो गाना था वो भी इस फिल्म में एक करीबन का ग्यारहवा ट्रैक था जिसको मयूरपुरी ने लिखा हुआ था डीजे जे फुकान और आर डी बर्मा ने उसको म्यूजिक दिया था मोली दवे ने गाया हुआ था फुल्स गेम को आरो वेलनकर ने गाया हुआ था राधिका सजराव और विनेश अपू जो फिल्म के डायरेक्टर है उन्होंने इसमें लिरिक्स और कंपोजिशन की हुई थी तेरी लोद नहीं करके जो रब्बा वाला जो गाना था उसको अभिजीत वाघानी ने म्यूजिक दिया हुआ था इंदर चहल आशीस कौर ने गाया हुआ था देव कोहली और कुमार ने उसको लिखा हुआ था चाहता यानी कि दर्द करके जो दो अलग अलग टाइटल दिया हुआ है लेकिन गाना एक ही है उसको अभिजीत वाघानी ने म्यूज़िक दिया हुआ था जॉर्डन संतु पलक मच्छल ने गाया था निर्माण ने उसको लिखा हुआ था और ही चिरैया गाने को राम संपत ने म्यूजिक दिया था सवानंद किरकिरी ने लिखा हुआ था मृंग क्या भट्टाचार्य जी ने उसको गाया हुआ था रोहिना यानी कि माही वे जो गाना था उसको भी निर्माण ने ही लिखा हुआ था कनिका कपूर और निंजा ने गाया हुआ था अभिजीत वाघानी ने उसका म्यूजिक दिया हुआ था सेठमी फ्री गाने को गाया हुआ था मृगंका भट्टाचार्य जी ने और विनय सप्रू राधिका राव के द्वारा उस गाने को कंपोज किया गया था और लिरिक्स भी उन्होंने ही लिखे हुए थे दिन सगनादा गाने को जसलिन रॉयल ने गाया हुआ था कंपोजिशन भी उनकी थी लेकिन लिरिक्स थे और नीरज राजवत ने लिखे हुए थे चांद कित्ता करके जो गाना था यानी कि मेरे सोनिया उसको लिखा हुआ था इर्षा कामिल कुमार ने और उसके बाद में उसको वाघाणी अभिजीत ने उसको गाया म्यूजिक दिया हुआ था कौर भी और अखिल सदेवा ने उसको गाया हुआ था तो इस तरह से उन्नीस ट्रैक थे जिसकी लेंथ थी एक घंटा ग्यारह मिनट सेतालीस सेकंड एक इस फिल्म का एक गाना एक पहले फास्ट साउंड ट्रेक वर्जन रिलीज किया गया था पैंतीस चालीस मिनट का वो चौबीस सेप्टेम्बर दो को टी सीरीज के द्वारा रिलीज़ करवाया गया उसके बाद में ये उन्नीस ट्रैक वाला जो वर्जन है वो सेकंड साउंड ट्रेक के तौर पे चार नवंबर 2023 को रिलीज़ किया जिसके चलते टोटल अभी उन्नीस गा, गाने अगर आपको फिलहाल में ऑफिशियली सुनना है तो टी सीरीज़ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर सुन सकते हो वैसे इस फिल्म के रिगार्डिंग थोड़ी बहुत कॉन्ट्रोवर्सीज भी हुई थी जो सिख कम्युनिटी है उसको जिस तरह से इसमें प्रेजेंट किया गया था कुछ ऐसी चीज़ें थी जो अन इंटेंशनली मेकर्स का कहना था कि वो रिलीजियस सेंटिमेंट को हर्ट कर रही थी इसके वजह से उन्होंने वो उन उन लोगों से माफ़ी भी मांगे और उसके बाद में उस को रिमूव भी कर दिया था फिल्म से वैसे इस फिल्म की कास्टिंग के ऊपर बातचीत करें तो फिल्म का जो लीड रो किरदार यानी कि की लाडी चिब्बर लाडी सिंह कतियाल वाला जो रोल था जो अभय वाई की वाइफ का रोल था वो दिव्या खोसला कुमार ने प्ले किया हुआ था लाडी के हस्बैंड अभय सिंह कत्याल के रोल में यास दास गुप्ता देखने को मिलेंगे बज्जू यानी कि बजरंग दास खत्री जो लादी का कजिन था उसका रोल पलवी पूरी ने किया हुआ है प्ले लादी के एक और कजिन थे जो एक मोटो क्रॉस रेसर और पिज्जा डिलीवरी बॉय थे जिसका नाम था शिखर रंधावा उसका रोल प्ले किया हुआ है मिजान जाफरी ने इखर अवस्थी या रू रु का रोल था वंशवारा राजन ने प्ले किया हुआ जो एक ट्रेन टिकट काउंटर थे और शिखर का लव इंटरेस्ट थी लेटर ऑन उनकी वाइफ भी बन जाती है राजी का जो रोल था राज्य लक्ष्मी करिप्प्या जो एक पेंटर थी अभय की लेट गर्लफ्रेंड थी वो रोल प्ले किया है भाग्यश्री बोर्से ने इसके अलावा इस फिल्म में आपको बज्जू के साथ एक ब्रीफ इनकाउंटर देखने को मिलता है एक एयर होस्टेस का जिसका नाम था सोना वो रोल वरीना हुसैन ने प्ले किया हुआ है कर, मिस्टर करियप्पा जो राज के फादर का नाम था वो रोल मुरली शर्मा ने प्ले किया हुआ है इसके अलावा इस फिल्म में आपको देखने को मिलते हैं राज लक्ष्मी के माँ के रोल में मिस करियप्पा का जो रोल था वो प्ले किया प्यो मोरी मेहता घोस ने इसके अलावा मिस टिब्बर जो लाडी की माँ का रोल था वो प्ले किया लीलिटिन दुबे ने इसके अलावा बज्जू के ऑफिस बॉस का जो रोल है वो सुधीर पांडे ने प्ले किया हुआ था बज्जू ऑफिस के बॉस के भाई का जो रोल था छोटे भाई का रोल वो प्ले किया हुआ था ऋतुराज सिंह ने और इस फिल्म में आपको सीरा के रोल में साक्षी प्रधान देखने को मिलती है जो एक रू की सिस्टर और फीमेल लोको पायलट का रोल प्ले करती है नजर आई है सूट पटियाला गाने में लाड़े के फ्रेंड और उसके हस्बैंड का जो रोल है इस फिल्म में आपको मानसी मोग और करण सिंह छाबरा प्ले करते हुए नजर आएंगे सिद्धार्थ मेनन जो इस फिल्म में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हुए नजर आते हैं जहाँ पे उन्होंने एक सिंगर का रोल प्ले किया हुआ है जो बचपन से लादी से प्यार करता हुआ नजर आता है और वो उनके सूट सुटपटिया लगाने में डांस पार्टनर भी रहे हरमनजीत सिंह इस फिल्म में एक अपोजिट मेंबर के अपोजिट टीम के मेंबर के तौर पे दिखाई देते हैं और शिखर का राइवल का रोल प्ले किया हुआ है रूहू की कलिक फ्रेंड का रोल आकांक्षा सिंह ने प्ले किया हुआ है सोना के बॉयफ्रेंड के रोल में अक्षित सुखी जा देखने को मिलते हैं ब्यूटी कंटेस्ट एंकर का जो रोल है वो द्राक्ता जी ने प्ले किया हुआ है इसके अलावा इस फिल्म में बाजू की मां का जो रोल है वो प्ले किया है उषा सुब्रमण्यम ने देवी की जो बज्जू के वाइफ का रोल था वो प्रिया प्रकाश वोरियर ने प्ले किया हुआ है तो वो एक केमियो रोल था तो इस तरह से ये आर्टिस्ट थे जिन्होंने इसमें महत्वपूर्ण रोल प्ले किए हुए इस फिल्म की अनाउंसमेंट दो में की गई थी पहले इस फिल्म के राइट लिए गए थे 2022 के स्टार्टिंग में उसके बाद में अक्टूबर 2022 में फिल्म को वैसे अनाउंस भी किया गया था जहाँ पे जब राइट्स लिए गए थे उसके कुछ समय के बाद कास्टिंग कंप्लीट करवाई गई थी उसके बाद में इस फिल्म को जून 2022 में शिमला में हिमाचल प्रदेश में शूट करना स्टार्ट किया गया था उसके बाद में उस शेड्यूल को कंप्लीट करवाने के बाद आ, उसका नेक्स्ट शेड्यूल था वो मुंबई में रखा हुआ था जहाँ पे इस फिल्म को चारनी रोड रेलवे स्टेशन ओवरब्रिज में भी शूट किया हुआ था उसके बाद में कुछ पार्ट वाइज फिल्म के अलग अलग शेड्यूल्स थे वो यूके में भी शूट किए गए थे उस शेड्यूल्स के दौरान एक सिक्वेंस एक सन सिकवंस के दौरान दिव्या खोसला कुमार भी इंजर हुई थी जिसके चलते वो फिल्म की शूटिंग रुकी थी उसके बाद में इस फिल्म के कुछ फाइनल सीन्स थे उसको बेंगलोरु में शूट किया था मुंबई में कुछ वर्क का काम भी चला था उसके बाद में इस फिल्म की फिल्मिंग पूरी तरह से कंप्लीट करवाई गई थी जब फिल्म को अनाउंस किया गया था अक्टूबर दो को तब ऑफिशियली इस फिल्म की जो रिलीज़ डेट थी वो मई दो के अनाउंस की गई थी लेटर ऑन जनवरी दो में टी सीरीज़ जो इस फिल्म के मेकर्स हैं उनकी तरफ रिवील किया गया कि फिल्म अक्टूबर 2023 तक रिलीज़ अन होने वाली अभी फिलहाल में पोस्टपोन की जा रही है उसके बाद में इस फिल्म की जो निर्धारित रिलीज डेट निकल के आई थी वो थी 20 अक्टूबर 2023 और 20 अक्टूबर 2023 को फिल्म को रिलीज़ भी किया था क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से एक मिक्स रिस्पॉन्स लेने के साथ इस फिल्म ने आई एम के ऊपर ग्यारह वोट हासिल किए जिसमें छः की रेटिंग हासिल हुई दस में से जहाँ पे इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे भी कुछ ऐसा ही कलेक्शन किया था पहले दिन इस फिल्म ने कर, करीबन पचास लाख का कलेक्शन किया था दूसरे दिन चालीस लाख का तीसरे दिन भी चालीस लाख का कलेक्शन किया तो फ्राइडे सैटरडे संडे तीन दिनों का कलेक्शन करीबन एक करोड़ तीस लाख का नेट कलेक्शन इंडिया से निकला पूरे वीक में भी ऐसा ही कमाल रहा फिल्म का 20 लाख 18 लाख 17 लाख 15 लाख जैसा कलेक्शन किया सात दिनों में फिल्म आ, किसी तरह से दो करोड़ के आसपास पहुंची दूसरे वीक में फिल्म पूरी तरह से आ, निकल चुकी थी, थी थिएटर्स में जहां पे सिर्फ दस लाख का इस फिल्म ने कलेक्शन किया जिसके चलते इस फिल्म का जो इंडिया का नेट कलेक्शन था वो था दो करोड़ दस लाख ग्रोस कलेक्शन था वो दो करोड़ पचास लाख और इसमें सिर्फ सत्रह लाख का कलेक्शन किया जिसके चलते वर्ल्ड वाइड लेवल का जो लाइफ टाइम ग्रोस कलेक्शन था फिल्म का था दो करोड़ सड़सठ लाख इसके चलते इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे एक काइंड ऑफ बॉक्स ऑफिस बॉम्ब टाइप ऑफ कलेक्शन करके दिखाए और इस फिल्म के ओटीटी सैटेलाइट राइट्स पहले ही बेच दिए गए थे जहां पे ओटीटी राइट्स राइट्स जियो सिनेमा के पास थे, थे, सोनी के पास पास थे थे सैटेलाइट सोनी मैक्स पहले इस फिल्म को सोनी पे प्रीमियर करवाया गया जहां पे लेटर ऑन जियो सिनेमा के ऊपर इस फिल्म को प्रीमियर करवाया गया फिलहाल में इस फिल्म को अगर आपको ऑफिशियली देखना है तो जियो सिनेमा के ऊपर विथ इंग्लिश सब हिंदी वर्जन में देख सकते हो जहां पर फिल्म टू नाम के साथ फ्री में देखने को मिल जाएगी ठीक उसी तरह इस फिल्म का सैटेलाइट वर्जन है वो आपको बिल्कुल फ्री में प्रीमियर होता हुआ नजर आएगा सोनी मैक्स टेलीविजन चैनल के ऊपर एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि यारिया टू फिल्म अगर आपने नहीं देखी है या फिर देखना चाहते हो तो इस टेन अलोन सिकोल वाली फिल्म को आप ऑफिशियली देख सकते हो उस जियो सिनेमा के ऊपर जहाँ पे फिल्म विथ इंग्लिश सब आपको बिल्कुल फ्री में प्रीमियर होती हुई नजर आएगी इसके अलावा इस फिल्म का जो हिंदी सेटेलाइट वर्जन है वो आपको देखने को मिलेगा आ, सोनी मैक्स और सोनीमैक्स एच डी चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में तो इस तरह से यार टू फिल्म आप ऑफिशियली ओटीटी और सैटेलाइट दोनों प्लेटफॉर्म के ऊपर फ्री में एंजॉय कर पाओगे या रू जो 2023 हज़ार तेईस की एक इंडियन हिंदी लैंग्वेज फिल्म है फिल्म का जो है कमिंग ऑफ एज ड्रामा जहाँ पे फिल्म बेंगलोर डेज जो दो हजार चौदह में आई हुई थी मलयालम लैंग्वेज में वो भी एक कमिंग ऑफ एज रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा फिल्म थी तो उसके रीमेक करके इस फिल्म को बनाया हुआ है वैसे बेंगलोर डेज का तमिल लैंग्वेज में बेंगलोर नाटकल करके भी रीमेक बनाया हुआ था जहाँ पे इस फिल्म का जो मलयालम वर्जन है उसको लिखा और डिर हुआ था अंजलि मेनन ने स्टोरी आइडिया से लेकर डायलॉग स्क्रिप्टिंग स्क्रिप्ट प्ले डायरेक्शन सभी चीजें उन्होंने ही की हुई थी उसमें उन्होंने नवीन पोली नजरिया नजीम दुलकर सलमान फाद फासिल ईसा तलवार पार्वती थुरु नित्या मेनन जैसे एक्टर्स को लिया हुआ था सिर्फ आठ करोड़ के बजट में बनी फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे दो में पैंतालीस करोड़ से ज्यादा का ग्रोस कलेक्शन किया था और बॉक्स ऑफिस पे वो फिल्म काफी बड़ी ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी उसके बाद में उन्होंने इस फिल्म के रीमेक राइट्स थे वो तमिल वर्जन में बेचे

तो फ्रेंचाइज पहला पार्ट भी 2014 में ही आया था जहां पे उस फिल्म के साथ खोसला जो है फिल्म की डायरेक्टर यानी कि दिव्या खोसला कुमार उन्होंने इस फिल्म के साथ डायरेक्शन न संभाला था दस करोड़ के बजट में बनी फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे कुछ पचास करोड़ से ज्यादा का, का कलेक्शन किया था बॉक्स ऑफिस पे यारा का पहला पार्ट सक्सेसफुल रहा था जहाँ पे हिमांश कोहली राकुल प्रीत सिंह एविलियन शर्मा और निकोल फेरिया जैसे एक्टर्स लीड रोल में थे और उसके बाद में उन्होंने यारिया टू दो हजार तेईस में एक रीमेक फिल्म बनाने का फैसला लिया जहाँ पे स्टोरी वाइज कोई कनेक्शन नहीं है और इस बार दिव्या खोसला कुमार खुद इस फिल्म में एक एक्टर के तौर पे जुड़ी जहाँ पे फिल्म को लिखा और डायरेक्ट किया राधिका राव और विनय सपरू ने जिन्होंने इससे पहले कई फिल्मों को डायरेक्ट किया हुआ था साथ ही में जहां पे एज डायरेक्टर के तौर पे सनम तेरी कसम आई लव न्यूर लकी नो टाइम फॉर लव जैसी फिल्मों को उन्होंने डिरेक्ट किया हुआ था इस फिल्म का भी स्टोरी आइडिया डायलॉग स्क्रिप्टिंग स्क्रीन प्ले डायरेक्शन वो सभी चीज़ें उन्होंने ही की हुए वैसे ओरिजिनल स्टोरी तो अंजलि मेनन की ही थी लेकिन उसके ऊपर जो हिंदी नेरेशन है वो उन्होंने क्रिएट किया था हिंदी स्क्रीन प्ले उनके द्वारा लिखा गया था जहाँ पर इस फिल्म को प्रोड्यूस करते हुए नजर आए आयुष महेश्वरी कृष्णा कुमार दिव्या खोसला कुमार भूषण कुमार जिसको प्रोडक्शन कंपनीज जैसे कि राव एंड सप्रो फिल्म टी सीरीज फिल्म्स बीएलएम मोशन पिक्चर्स प्रोडक्शन कंपनी के नीचे फिल्म को प्रोड्यूस किया गया सेंसर बोर्ड की तरफ से इस फिल्म को यूएस सर्टिफिकेट मिला जहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन का कमान था वो ए वालों ने संभाला हुआ था यानी कि अनिल थड़ानी ने जिन्होंने एक रिसेंट रिलीज दिलवाई हुई थी फिल्म का रन टाइम एक मिनट था यानी कि दो घंटे अट्ठाइस मिनट लंबी फिल्म थी जिसको एडिट किया हुआ था अभिषेक कुमार सिंह ने सिनेमेटोग्राफी थी और रवि यादव ने की हुई थी लीड रोल में दिव्या खोसला कुमार यश गुप्तास गुप्ता पल्वी पूरी मिजान जाफरी अनस्वरा राजन भाग्यश्री बोरसे और वरीना हुसैन जैसे एक्टर्स देखने को मिले जहाँ पे इस फिल्म की म्यूजिक डिपार्टमेंट में भी अलग अलग भी म्यूजिक कंपोजर और सिंगर थे जहाँ पे बैकग्राउंड को था मेट ने कंपोज़ किया हुआ था म्यूजिक के री सीरीज वालों ने अपने ही पास रखे हुए थे जब इस फिल्म का पहला साउंड ट्रैक रिलीज किया गया था वो करीबन पैंतीस मिनट का था जिसमें करीबन आ, कुछ गाने थे लेकिन उसके बाद में उन्होंने एक सेकंड साउंड ट्रैक जो रिलीज किया हुआ था वो साउंड ट्रैक काफ़ी बड़ा था तो वो साउंड ट्रैक करीबन एक घंटे ग्यारह मिनट सेतालीस सेकंड का था तो उसके ऊपर बातचीत करें तो ट्रैक लिस्टिंग का थे पहला गाना सोरेगर जिसको गाया हुआ था विशाल मिश्रा मनन भारद्वाज नीति मोहन उसका म्यूजिक और लिखावट था मनन मनन्त ने दिया था दूसरा गाना सिमरून तेरा नाम उसको सचिन टंडन ने गाया था म्यूजिक मनन भारद्वाज का था और लिरिक्स भी उन्होंने लिखे हुए थे ऊंची ऊँची दीवारें गाने को अरिजीत सिंह ने गाया मनन भारद्वाज ने म्यूजिक दिया लिरिक्स भी मनन भारद्वाज के ही थे ब्लू है पानी पानी तो वो जो गाना था वो रिक्रिएट किया गया था इस फिल्म के लिए जिसको यहाँ ककर अरिजीत सिंह ने गाया था खाली पी हनी सिंह ने उसको लिखा और म्यूजिक दोनों दिया हुआ था बेवफा तो गाने को जुबिन नोटियाल ने गाया था मनन भारद्वाज ने म्यूजिक दिया था मनन भारद्वाज रहीम शाह और शमसुल हसन सेम्स उन्होंने इस गाने को लिखा हुआ था सूट पटियाला गाने को म्यूजिक दिया हुआ था मनन भारद्वाज ने गाया हुआ था गुरु रंधावा नेहा कक्कर मनन्त भारद्वाज और लिरिक्स भी मनन भारद्वाज की ही थी हीर भी रोए गाने को तो वो लिखा हुआ था परम्परा टन सॉरी गाया हुआ था परम्परा टंडन ने और लिरिक्स से वो मनन भारद्वाज के थे म्यूजिक भी उनका ही था ठीक उसी तरह पीने दे गाने के भी लिरिक्स और म्यूजिक उन्होंने ही क्रिएट किए हुए थे और मास्टर सलीम और मिलिन गाबा के द्वारा वो गाना गवाया गया था सनी सनी जो ब्लू है पानी पानी वाला था उसका एक और वर्जन फिल्म में था सनी सनी टू पॉइंट ओ जिसका जो सिंगिंग है वो काम संभाला हुआ था यो हनी सिंह ने नेहा कक्कर ने खाली पर यो हनी सिंह के द्वारा उन गानों को लिखा और कंपोज किया गया था खोसा गया हूँ गाने को यो यो हनी सिंह मनंद भारद्वाज ने म्यूजिक दिया हुआ था उन्होंने ही गाया हुआ था नेहा कक्कर ने इसमें लेडीज़ का वर्जन गाया हुआ था आजा मेरी जान करके जो गाना था वो भी इस फिल्म में एक करीबन का ग्यारहवा ट्रैक था जिसको मयूरपुरी ने लिखा हुआ था डीजे जे फुकान और आर डी बर्मा ने उसको म्यूजिक दिया था मोली दवे ने गाया हुआ था फुल्स गेम को आरो वेलनकर ने गाया हुआ था राधिका सदराव और विनय सप्रू जो फिल्म के डायरेक्टर है उन्होंने इसमें लिरिक्स और कंपोजिशन की हुई थी तेरी लोद नहीं करके जो रब्बा वाला जो गाना था उसको अभिजीत वाघानी ने म्यूजिक दिया हुआ था इंदर चहल आशीस कौर ने गाया हुआ था देव कोहली और कुमार ने उसको लिखा हुआ था चाहता यानी कि दर्द करके जो जो अलग अलग टाइटल दिया हुआ है लेकिन गाना एक ही है उसको अभिजीत तो वाघानी ने म्यूजिक दिया हुआ था जोर्डन संतु पलक मच्छल ने गाया था निर्माण ने उसको लिखा हुआ था और चिरैया गाने को राम संपत ने म्यूजिक दिया था सवानंद किरकिी ने लिखा हुआ था मृंग क्या भट्टाचार्य ने उसको गाया हुआ था रोहिना यानी कि माही वे जो गाना था उसको भी निर्माण ने ही लिखा हुआ था कनिका कपूर और निंजा ने गाया हुआ था अभिजीत वाघानी ने उसका म्यूजिक दिया हुआ था सेट मी फ्री गाने को तो गाया हुआ था का भट्टाचार्य जी ने और विनय सपरू राधिका राव के द्वारा उस गाने को कंपोज किया गया था और लिरिक्स भी उन्होंने ही लिखे हुए थे दिन सगनादा गाने को जसलिन रॉयल ने गाया हुआ था कंपोजिशन भी उनकी थी लेकिन लिरिक्स थे और नीरज राजवत ने लिखे हुए थे चांद कित्ता करके जो गाना था यानी कि मेरे सोनिया उसको लिखा हुआ था इर्सा कामिल कुमार ने और उसके बाद में उसको वाघाणी अभिजीत ने उसको गाया म्यूजिक दिया हुआ था कोर भी और अखिल ने उसको गाया हुआ था तो इस तरह से उन्नीस ट्रैक थे जिसकी लेंथ थी एक घंटा ग्यारह मिनट सेतालीस सेकंड एक इस फिल्म का एक गाना एक पहले फास्ट साउंड ट्रैक वर्जन रिलीज किया गया था पैंतीस चालीस मिनट का वो चौबीस सेप्टेम्बर दो को टी सीरीज के द्वारा रिलीज़ करवाया गया उसके बाद में ये उन्नीस ट्रैक वाला जो वर्जन है वो सेकंड साउंड ट्रैक के तौर पे चार नवंबर 2023 को रिलीज़ किया जिसके चलते टोटल अभी गया उन्नीस गाने अगर आपको फिलहाल में ऑफिशियली सुनना है तो टी सीरीज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर सुन सकते हो वैसे इस फिल्म के रिगार्डिंग थोड़ी बहुत कॉन्ट्रोवर्सीज भी हुई थी जो सिख कम्युनिटी है उसको जिस तरह से इसमें प्रेजेंट किया गया था कुछ ऐसी चीज़ें थी जो अन इंटेंशनली मेकर्स का कहना था कि वो रिलीजियस सेंटिमेंट को हर्ट कर रही थी इसकी वजह से उन्होंने वो उन उन लोगों से माफ़ी भी मांगे और उसके बाद में उस को रिमूव भी कर दिया था फिल्म से वैसे इस फिल्म की कास्टिंग के ऊपर बातचीत करें तो फिल्म का जो लीड रोल किरदार यानी कि लाडी चिब्बर लाडी सिंह कतियाल वाला जो रोल था जो अबई की वाइफ का रोल था वो दिव्या खोसला कुमार ने प्ले किया हुआ था लाडी के हस्बैंड अभय सिंह कत्याल के रोल में यासदास गुप्ता देखने को मिलेंगे बज्जू यानी कि बजरंग दास खत्री जो लादी का कजिन था उसका रोल पलवी पूरी ने किया हुआ है प्ले लादी के एक और कजिन थे जो एक मोटो क्रॉस रेसर और पिज्जा डिलीवरी बॉय थे जिसका नाम था शिखर रंधावा उसका रोल प्ले किया हुआ है मिजान जाफरी ने इखरू अवस्थी या रू का रोल था वंशवारा राजन ने प्ले किया हुआ जो एक ट्रेन टिकट काउंटर थे और शिखर का लव इंटरेस्ट थी लेटर ऑन उनकी वाइफ भी बन जाती है राजी का जो रोल था राजी लक्ष्मी करिप्पया जो एक पेंटर थी अभय की लेट गर्लफ्रेंड थी वो रोल प्ले किया हुआ भाग्यश्री बोर्से ने इसके अलावा इस फिल्म में आपको बज्जू के साथ एक ब्रीफ एनकाउंटर देखने को मिलता है एक एयर होस्टेस का जिसका नाम था सोना वो रोल वरीना हुन ने प्ले किया हुआ है कर, मिस्टर करियप्पा जो राज के फादर का नाम था वो रोल मुरली शर्मा ने प्ले किया हुआ है इसके अलावा इस फिल्म में आपको देखने को मिलते हैं राज लक्ष्मी के माँ के रोल में मिस करियप्प्पा का जो रोल था वो प्ले किया प्यो मोरी मेहता घोष ने इसके अलावा मिस टिब्बर जो लाडी की माँ का रोल था वो प्ले किया लीलिटिन दुबे ने इसके अलावा बज्जू के ऑफिस बॉस का जो रोल है वो सुधीर पांडे ने प्ले किया हुआ था बज्जू ऑफिस के बॉस के भाई का जो रोल था छोटे भाई का रोल वो प्ले किया हुआ था ऋतुराज सिंह ने और इस फिल्म में आपको सीरा के रोल में साक्षी प्रधान देखने को मिलती है जो एक रू की सिस्टर और फीमेल लोको पायलट का रोल प्ले करती हुई नज़र आई है सूट पटियाला गाने में लाडी के फ्रेंड और उसके हस्बैंड का जो रोल है इस फिल्म में आपको मानसी मोग और करण सिंह छाबरा प्ले करते हुए नजर आएंगे सिद्धार्थ मेनन जो इस फिल्म में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हुए नजर आते हैं जहाँ पे उन्होंने एक सिंगर का रोल प्ले किया हुआ है जो बचपन से लाड़ी से प्यार करता हुआ नजर आता है और वो उनके सूट पटिया लगाने में डांस पार्टनर भी रहे हरमनजीत सिंह इस फिल्म में एक अपोजिट मेंबर के अपोजिट टीम के मेंबर के तौर पे दिखाई देते हैं और शिखर का राइवल का रोल प्ले किया हुआ है रूहू की कलिक फ्रेंड का रोल आकांक्षा सिंह ने प्ले किया हुआ है सोना के बॉयफ्रेंड के रोल में अक्षित सुखीजा देखने को मिलते हैं ब्यूटी कंटेस्ट एंकर का जो रोल है वो द्राक्ता जी ने प्ले किया हुआ है इसके अलावा इस फिल्म में बाजू की मां का जो रोल है वो प्ले किया है उषा सुब्रमण्यम ने देवी की जो बज्जू के वाइफ का रोल था वो प्रिया प्रकाश वोरियर ने प्ले किया हुआ है तो वो एक केमियो रोल था तो इस तरह से ये आर्टिस्ट थे जिन्होंने इसमें महत्वपूर्ण रोल प्ले किए हुए इस फिल्म की अनाउंसमेंट 2022 में की गई थी पहले इस फिल्म के राइट्स लिए गए थे 2022 के स्टार्टिंग में उसके बाद में अक्टूबर 2022 में फिल्म को वैसे अनाउंस भी किया गया था जहाँ पे जब राइट्स लिए गए थे उसके कुछ समय के बाद कास्टिंग कंप्लीट करवाई गई थी उसके बाद में इस फिल्म को जून 2022 में शिमला में हिमाचल प्रदेश में शूट करना स्टार्ट किया गया था उसके बाद में उस शेड्यूल को कंप्लीट करवाने के बाद आ, उसका नेक्स्ट शेड्यूल था वो मुंबई में रखा हुआ था जहाँ पे इस फिल्म को चारनी रोड रेलवे स्टेशन ओवरब्रिज में भी शूट किया हुआ था उसके बाद में कुछ पार्ट वाइज फिल्म के अलग अलग शेड्यूल्स थे वो यूके में भी शूट किए गए थे उस शेड्यूल्स के दौरान एक सिक्वंस एक, एक सन सिकवंस के दौरान दिव्या खोसला कुमार भी इंजर हुई थी जिसके चलते वो फिल्म की शूटिंग रुकी थी उसके बाद में इस फिल्म के कुछ फाइनल सीन्स थे उसको बेंगलोरु में शूट किया था मुंबई में कुछ वर्क का काम भी चला था उसके बाद में इस फिल्म की फिल्मिंग पूरी तरह से कंप्लीट करवाई गई थी जब फिल्म को अनाउंस किया गया था अक्टूबर दो को तब ऑफिशियली इस फिल्म की जो रिलीज़ डेट थी वो मई दो के अनाउंस की गई थी लेटर ऑन जनवरी दो में टी सीरीज़ जो इस फिल्म के मेकर्स हैं उनकी तरफ रिवील किया गया कि फिल्म अक्टूबर 2023 तक रिलीज़ अन होने वाली अभी फिलहाल में पोस्टपोन की जा रही है उसके बाद में इस फिल्म की जो निर्धारित रिलीज डेट निकल के आई थी वो थी 20 अक्टूबर 2023 और 20 अक्टूबर 2023 को फिल्म को रिलीज़ भी किया था क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से एक मिक्स रिस्पॉन्स लेने के साथ इस फिल्म ने आई एम डी वी के ऊपर ग्यारह हज़ार वोट हासिल किए जिसमें छः पॉइंट एक की रेटिंग हासिल हुई दस में से जहाँ पे इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे भी कुछ ऐसा ही कलेक्शन किया था पहले दिन इस फिल्म ने करीबन पचास लाख का कलेक्शन किया था दूसरे दिन चालीस लाख का तीसरे दिन भी चालीस लाख का कलेक्शन किया तो फ्राइडे सेटरडे संडे तीन दिन दिनों का कलेक्शन करीबन एक करोड़ तीस लाख का नेट कलेक्शन इंडिया से निकला पूरे वीक में भी ऐसा ही कमाल रहा फिल्म का बीस लाख अट्ठारह लाख सत्रह लाख पंद्रह लाख जैसा कलेक्शन किया सात दिनों में फिल्म आ, किसी तरह से दो करोड़ के आसपास पहुंची दूसरे वीक में फिल्म पूरी तरह से आ, निकल चुकी थी थिएटर्स में जहां पे सिर्फ दस लाख का इस फिल्म ने कलेक्शन किया जिसके चलते इस फिल्म का जो इंडिया का नेट कलेक्शन था वो था दो करोड़ दस लाख ग्रोस कलेक्शन था वो दो करोड़ पचास लाख और इसमें सिर्फ सत्रह लाख का कलेक्शन किया जिसके चलते वर्ल्ड वाइड लेवल का जो लाइफ टाइम ग्रोस कलेक्शन था फिल्म का था दो करोड़ सड़सठ लाख इसके चलते इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे एक काइंड ऑफ बॉक्स ऑफिस बॉम्ब टाइप ऑफ

मैक्स टेलीविजन चैनल के ऊपर एक बार फिर रिपीट कर देता हूं कि यार यार टू फिल्म अगर आपने नहीं देखी है या फिर देखना चाहते हो तो इस टेन अलोन सिकॉल वाली फिल्म को आप ऑफिशियली देख सकते हो जियो सिनेमा के ऊपर जहाँ पे फिल्म विथ इंग्लिश सब आपको बिल्कुल फ्री में प्रीमियर होती हुई नजर आएगी इसके अलावा इस फिल्म का जो हिंदी सेटेलाइट वर्जन है वो आपको देखने को मिलेगा सोनी मैक्स और सोनीमैक्स एच डी चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में तो इस तरह से यार टू या फिल्म आप ऑफिशियली ओ टी टी और सेटेलाइट दोनों प्लेटफॉर्म के ऊपर फ्री में एंजॉय कर पाओगे तो बस दोस्तों यारिया टू फिल्म के ऊपर जो भी इंटरेस्टिंग तथ्य थे जो बातें थी वो मैंने शेयर कर दिए प्रोडक्शन के ऊपर भी डिटेलिंग दे दिए फिल्म का डिटेल रिव्यू भी डीप रिव्यू भी दे दिया है इसके अलावा डिफरेंट डिफरेंट एस के ऊपर बातचीत की हुई है अलग अलग एस के साथ साथ इंटरेस्टिंग तथ्य वो भी मैंने शेयर कर दिए तो आज का हमारा वीडियो यहीं तक था उम्मीद करते आपको यह वीडियो पसंद आया होगा अगर वीडियो पसंद आया हुआ है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा थैंक यू